For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो गाइस, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी बिजनेस न्यूज को फॉलो करते हो तो कुछ कंपनीज है जिनके नाम आपने पक्का से सुने होंगे। कंपनीज लाइक रुचि सोया, कंपनीज लाइक भूषण स्टील्स, कंपनीज लाइक जेट एयरवेज, आलोक इंडस्ट्रीज एंड सो मेनी। ये कुछ ऐसे नाम है जो बिजनेस न्यूज के अंदर आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे। कुछ पिछले सालों में नाम बहुत ज्यादा प्रेविलेंट रहे थे बिकॉज इन सब कंपनीज का बैकग्राउंड कोई बहुत बढ़िया नहीं था। ये सब कंपनीज मैं कह सकता हूँ आपकी ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट कंपनीज थी, लॉस मेकिंग कंपनी थी, पर इन कंपनीज को कहीं ना कहीं किसी दूसरी कंपनी ने एक्वायर करके रिवाइव कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बताऊंगा, रुचि सोया को पतंजलि ने एक्वायर किया, जेट एयरवेज को जलान जी ने एक्वायर कर रखा है, एंड सो ऑन। तो ये सब होता कैसे इस बिजनेस वर्ल्ड में कि इन लॉस मेकिंग एंड इंसॉल्वेंट कंपनीज को कोई दूसरी कंपनी एक्वायर कर रही है, और कैसे इन कंपनीज की इंसॉल्वेंसी को ट्रीट किया जा रहा है, उसी के रिगार्डिंग आज हम ये वीडियो शूट करने वाले हैं। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो बच्चों, यही कोड आज की इस वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा कि इस कोड के प्रोविजंस को हम अच्छे से रिवाइज करें, और यही आज का टारगेट है। और पिछले एक साल में मैं कहूंगा आईबीसी 2016 के लिए सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि सर इसकी रिविजनरी वीडियो अपलोड की जाए। तो adhering to that request, I'm finally uploading this video, और इस पूरी वीडियो में हम इसकी डिटेल में काफी अच्छे से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ो बच्चों, उससे पहले कुछ आपके लिए बेसिक caveats कि सर इस वीडियो में आप क्या डॉक्यूमेंट्स रेफर करने वाले हो। तो बच्चों, आईबीसी की रिविजन के लिए एक तो हम रेफर करने वाले हैं हमारी समरी बुक, तो हमारी सीए फाइनल की एक कॉम्पैक्ट बुक है। तो आपका सीए फाइनल का जो सिलेबस है उसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक पार्ट रहता है। तो हमने सीए फाइनल का जो पूरा सिलेबस है वो अपनी एक 90 पेजेस की कॉम्पैक्ट बुक में कंपाइल किया हुआ है। तो वो 90 पेजेस की जो कॉम्पैक्ट बुक है उसमें आपका आईबीसी वाला जो टॉपिक है वो भी आता है, और वो आपका 11 पेजेस में समराइज्ड है। हाँ जी, तो ये आईबीसी जो आपका इतना मेमोथ और एक कंबर्सम एक्ट रहता है उसे 11 पेजेस में मैंने समराइज करने की कोशिश करी है। तो ये 11 पेजेस की समरी, इसकी मदद हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। एंड सेकेंडली, हमारी जो सीए फाइनल कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस की मेन बुक है उसमें भी ऑब्वियसली आपका आईबीसी आता है, तो बीच बीच में मैं उस मेन बुक को भी रेफर करता हुआ चलूंगा। तो इस वीडियो में हम ये दो डॉक्यूमेंट्स रेफर करेंगे। प्राइम डॉक्यूमेंट हमारा कॉम्पैक्ट बुक रहेगी, बाकी मेन बुक को भी टाइम टू टाइम जहां पर हमें जरूरत रहेगी हम जरूर रेफर करेंगे। सर, ये कॉम्पैक्ट बुक अगर हमें भी चाहिए हो तो बच्चों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक आ रहा होगा, CA_law_harshgupta। तो आप उस टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस कॉम्पैक्ट बुक के लिंक पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये कॉम्पैक्ट बुक परचेज करनी है आप उस लिंक से परचेज कर पाएंगे, वरना मैं आपको स्क्रीन पर पूरी कॉम्पैक्ट बुक यहां पर शो करूंगा। आपको वीडियो समझने में तो एटलीस्ट कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिल रहा होगा आईबीसी स्नैपशॉट करके, जहां पर मैंने आईबीसी के एक दो इंपॉर्टेंट स्नैपशॉट्स आपको प्रोवाइड करें। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप उस स्नैपशॉट पर पहुंच जाएंगे। एटलीस्ट उसे आप जरूर डाउनलोड करके रखें, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये दोनों लिंक्स आपको यहां से मिल जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू फटाफट से ये वाला कोड बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोड। एंड स्पेशली अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करूं तो सीएस के लिए तो ये बहुत ही फ्रेश और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, बिकॉज यहां पर आपकी जिम्मेवारियां और आपके लिए यहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो आते बच्चों और आईबीसी के साथ करते हैं स्टार्टिंग। तो बच्चों, एज द नेम सजेस्ट, ये कोड आपका 2016 में आया था, और इसका कोड का नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो कोड में आगे जाने से पहले बच्चों, स्टार्टिंग का जो आधा घंटा है हम इस कोड के बेसिक्स पर ग्रिप बनाने में करेंगे। एक बार हमारी इन बेसिक्स पर अगर ग्रिप बन गई, ट्रस्ट मी बच्चों, ये कोड बिल्कुल एक फ्रेशली ड्राफ्टेड कोड है, और ये एक स्टोरी की तरह फ्लो करेगा। और यहां पर आप देखोगे जो चीजें एक स्टोरी की तरह स्टेप बाय स्टेप लिखी गई हैं। तो एक बार अगर आप इसके बेसिक पर ग्रिप बना जाते हो, इस कोड के अंदर या एक्ट के अंदर ज्यादा फिर कुछ भी नहीं है। इसको एक बार अगर आपने बेसिक्स पर ग्रिप बना लिया, पूरा कोड आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो स्टार्टिंग थोड़ा सा हम आधा घंटा इसको समझने पर टाइम लगाएंगे। तो बच्चों, कोड का नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो मन में एक सवाल आता है, सर ये वर्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी क्या है? तो बच्चों, जो वर्ड इंसॉल्वेंसी होती है, इंसॉल्वेंसी हम किसी ऐसी स्टेज को बोलते हैं जहां पर एक पर्सन के जो एसेट्स हैं वो उसकी लायबिलिटी मीट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, आज कोई पर्सन है, उसके एसेट्स हैं लेट्स सपोज बच्चों 1 करोड़ के, पर उसे जो पैसा चुकाना है, लायबिलिटीज है, वो है 2 करोड़ की। सर ये हुआ कैसे होगा? तो बच्चों, उसने उसका उधार पर पैसा लिया हो और बाद में बिजनेस में नुकसान खाता गया, और आज बिजनेस में एसेट बेस इतना ही नहीं। तो इंसॉल्वेंसी हम उस स्टेट को बोलते हैं जहां एक पर्सन के एसेट्स उसकी लायबिलिटी मीट करने के लिए सफिशियंट नहीं होते। और बच्चों, इंसॉल्वेंट कौन हो सकता है? इंसॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, एनीवन कैन बी इंसॉल्वेंट। पर बच्चों, जब एक कंपनी कि इंसॉल्वेंसी को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, मतलब कंपनी में नुकसान हुए जा रहा है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जा रही है, तो ये जो कंपनीज हैं एलएलपी हैं, अगर इनकी इंसॉल्वेंसी को हम अनट्रीटेड छोड़ दें तो एक समय के बाद क्या होगा बच्चों? वो कंपनी और एलएलपी बंद हो जाएगी। तो जब वो कंपनी और एलएलपी बंद होती है बच्चों, उसे हम क्या बोल देते हैं? लिक्विडेशन। तो अगर आप किसी कॉर्पोरेट की इंसॉल्वेंसी को अनट्रीटेड छोड़ दोगे तो वो कॉर्पोरेट क्या हो जाएगा बाद में? लिक्विडेट।
एंड कमिंग डाउन टू बच्चों नेचुरल पर्सन लाइक मी, इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप फर्म, अगर इनकी इंसॉल्वेंसी को आप अनट्रीटेड छोड़ देते हो तो नॉन कॉर्पोरेट्स के केस में हम उसे क्या बोल देते हैं, बैंकरप्सी। तो ये तीन वर्ड्स में बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखना इंसॉल्वेंसी हम उस स्टेज को बोलते हैं, कॉर्पोरेट्स की इंसॉल्वेंसी अनट्रीटेड है तो लिक्विडेशन में रिजल्ट करेगी और नॉन कॉर्पोरेट्स है तो उनके केस में क्या आ जाएगा, बैंकरप्सी। और इसलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इसका नाम पड़ा। और बच्चों यहां से अगर आप थोड़ा सा गेस कर पाओ, आईबीसी 2016 जब आया इसने सबसे बढ़िया बात क्या करी, तो बच्चों जब आईबीसी 2016 नहीं था क्या हमारे देश में इंसॉल्वेंसी ट्रीट नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी। पर बच्चों एक दिक्कत क्या थी, पहले हर पर्सन की ना इंसॉल्वेंसी के लिए अलग कानून थे। लेट मी जस्ट शो यू, तो आप अपनी स्क्रीन पर अगर देखेंगे हमारे देश में आईबीसी 2016 आने से पहले ये वेरियस एक्ट्स हुआ करते थे, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट जो इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी से डील करता था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो फर्म की इंसॉल्वेंसी से डील करता था, एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड सो ऑन। तो ये इतने सारे कानून हमारे देश में थे तो हर पर्सन की इंसॉल्वेंसी का लो बाइफरकेटेड था। इसलिए हमारी सरकार ने क्या कहा, हम एक काम करते हैं सारे पर्सन की इंसॉल्वेंसी जो अलग अलग कानूनों में लिखी हुई है वहां से हटाकर उन्हें मर्ज करके हम एक सिंगल कोड बना देते हैं और इसका नाम क्या बन गया बच्चों, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। और एक और जो सवाल मेरे आगे आता है वो ये आता है, सर इसे एक्ट ना बोल के कोड क्यों बोला जाता है, तो बच्चों इसे एक्ट ना बोल के कोड इसीलिए बोला गया क्योंकि इस कोड ने मल्टीपल एक्ट्स को इंपैक्ट किया है। ये एक्ट जैसा ही, जैसे एक्ट बनता है वैसे ही ये बनता है, बस इसके नाम में एक्ट की जगह वर्ड कोड क्यों आया, क्योंकि इस एक कोड की वजह से मल्टीपल एक्ट्स हमारे देश में इंपैक्ट हुए। क्योंकि जैसे ही आईबीसी 2016 आया क्या बच्चों इन सारे कानूनों में जो इंसॉल्वेंसी की बातें थी क्या वो अब खत्म हो जाएंगे और क्या वो मर्ज हो जाएंगे, द आंसर इज यस। तो दैट्स द बेसिक पर्पस बिहाइंड आईबीसी और इसी वजह से इसका नाम भी क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो इसी की चर्चा बच्चों हम करने वाले हैं और यहीं से आपको एक चीज क्या समझ में आई कि बच्चों ये जो आईबीसी आपका है पहली बात तो ये पूरे इंडिया पर अप्लाई करता है और इसमें आप किसकी इंसॉल्वेंसी को डील करना सीखेंगे, हर टाइप के पर्सन की। यहां पर कंपनीज भी कवर्ड है, एलएलपी भी कवर्ड है, कोई कंपनी स्पेशल एक्ट में कोई बॉडी कॉर्पोरेट है वो भी कवर्ड है, कोई पर्सनल इंडिविजुअल गारंटर है या कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई इंडिविजुअल है, उन सबको यहां पर कवर किया गया। नेट नेट हर टाइप के पर्सन की इंसॉल्वेंसी से ये वाला कोड आपका डील करने वाला है। तो बच्चों ये इसका बेसिक है और कोड में बस आगे हम बढ़ने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको आईबीसी का एक बार स्ट्रक्चर दिखा देता हूं कि आईबीसी को एग्जैक्टली बनाया कैसे गया। बच्चों जो हमारा आईबीसी है वो अराउंड सेक्शन 1 से लेकर 255 255 सेक्शंस में बाइफरकेटेड है और अगर इन सारे सेक्शंस को हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो आईबीसी के पांच इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं। पार्ट 1 तो आपका रहता है प्रिलिमिनरी, जहां पर आपको इस एक्ट का दायरा डेफिनेशंस देखने को मिलती है, सेक्शन 1-3। इसके बाद बच्चों यहां पर हम सीखते हैं कि कॉर्पोरेट पर्संस, कॉर्पोरेट पर्सन का यहां पे क्या मतलब है, जो कॉर्पोरेट है, जो बॉडी कॉर्पोरेट है लाइक कंपनी लाइक एलएलपी, उनकी इंसॉल्वेंसी कैसे ट्रीट होगी, उसके लिए आया बच्चों पार्ट 2 सेक्शन 4-77 और यहां पर मैं छोटी सी करेक्शन भी बोलूं तो 77A। इसके बाद बच्चों पार्ट 3 बनाया गया इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स के लिए कि आज अगर कोई इंडिविजुअल या फर्म बैंकरप्ट है उनकी इंसॉल्वेंसी कैसे ट्रीट होगी। उसके बाद बच्चों यहां पर पार्ट 4 आया जो ऊपर वाले दोनों के लिए कुछ कॉमन बातें आई कि जी यहां पर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होंगे, कौन यहां पर लिक्विडेटर बनेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होंगी, एजेंसीज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पूरे आईबीसी में कुछ अथॉरिटीज को एक रोल दिया गया है, उनकी कुछ बेसिक चर्चा इस पार्ट 4 में आती है। एंड देन आ जाता है बच्चों आपका पार्ट 5 मिसलेनियस। अगर मैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स की बात करूं बच्चों तो यहां पर जो आपके लिए पेपर वाइज एग्जामिनेशन वाइज इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, सिर्फ ये पार्ट 1 एंड 2। तो एग्जामिनेशन के लिए ये दो पार्ट्स आपको पक्के करने होंगे। सर पार्ट 3 इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, यहां तो हम इंडिविजुअल्स की इंसॉल्वेंसी को डील कर रहे हैं। तो बच्चों पार्ट 3 आईबीसी का पार्लियामेंट ने बना तो दिया है पर ये वाला पार्ट ना अभी तक फोर्स में नहीं आया, मतलब आज के दिन में आईबीसी की सबकी इंसॉल्वेंसी की बातें लिख तो दी गई हैं पर पार्लियामेंट ने अभी तक इसके सारे प्रोविजंस को एनफोर्स नहीं किया और ये जो इंडिविजुअल और फर्म के प्रोविजंस है ये अभी तक प्रैक्टिकली एनफोर्स हुए ही नहीं है, इस वजह से ये आपके सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। तो हमारा जो इस पूरी वीडियो में बच्चों फोकस रहने वाला है किसकी इंसॉल्वेंसी पर रहने वाला है, कॉर्पोरेट पर्संस, और कॉर्पोरेट पर्सन में कौन आ जाता है बच्चों, कंपनी एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट एटसेट्रा। तो यहां पर हम कॉर्पोरेट पर्संस की बातें सीखने वाले हैं और बच्चों पूरी वीडियो में उसका मैं कहीं कॉर्पोरेट पर्सन को कंपनी बोल दूं तो आप समझ जाना कि अगर मैंने कहीं भी कंपनी बोला है तो वहां पर कॉर्पोरेट पर्सन ऑटोमेटिकली कवर्ड होगा। तो सर क्या इंडिविजुअल्स बिल्कुल भी अभी तक कवर नहीं है, नहीं बच्चों उनके प्रोविजन अभी तक फोर्स में नहीं आया, बस एक ऐसा इंडिविजुअल है जो जिसके इंसॉल्वेंसी के प्रावधान यहां में फोर्स में आया। सर एक इंडिविजुअल है मतलब, तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया आईबीसी में कंपनीज या कॉर्पोरेट पर्सन के प्रोविजन फोर्स में आ चुके हैं, इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म के प्रोविजन फोर्स में नहीं आए हैं, पर एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके प्रोविजन फोर्स में आ गए हैं। सर बात समझ में नहीं आ रही, तो लेट सपोज बच्चों मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं कंपनी का, लेट सपोज एक कंपनी है बच्चों भूषण स्टील्स लिमिटेड ने लेट सपोज बच्चों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया था एक लोन
और जब ये लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया लेट सपोज 1000 करोड़ का, तो स्टेट बैंक ने भूषण स्टील को कहा था जी लाइए कोई सिक्योरिटी दीजिए, हम ऐसे लोन नहीं दे सकते। भूषण स्टील ने कहा जी कोई सिक्योरिटी तो मेरे पास नहीं है। स्टेट बैंक ने कहा जी फिर आप एक काम करो, आप किसी अच्छे खासे इंसान से कोई गारंटी प्रोवाइड करो। तब बच्चों भूषण स्टील्स के इंडिविजुअल प्रमोटर आ गया है और उन्होंने भूषण स्टील्स के इस लोन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी गारंटी कि जी आप चिंता मत करो, कल को अगर भूषण स्टील आपका पैसा नहीं चुकाएगी मैं आपका पैसा चुकाऊंगा। उन्होंने ये गारंटी प्रोवाइड करी। तो बच्चों ये इंडिविजुअल कौन है या ये पर्सन कौन है? एक नेचुरल पर्सन। इनको हम नाम क्या देते हैं? पर्सनल गारंटर। कि इन्होंने गारंटी दी है तो इज अ पर्सनल गारंटर टू अ कॉर्पोरेट पर्सन। तो उन्होंने कंपनी के लिए गारंटी दे रखी है। तो बच्चों यहां पर जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भूषण स्टील्स के पास पैसा वसूलने जाएगी, अगर भूषण स्टील दिवालिया हो गए वो पैसा देने की स्थिति में नहीं है, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहेगी कि ये इंडिविजुअल मेरा पैसा दे? और अगर इस इंडिविजुअल के पास भी पैसा नहीं है तो क्या इसको भी दिवालिया किया जाए, बैंकक्रप्ट किया जाए? बिल्कुल। पर बच्चों इंडिविजुअल के प्रोविजन वैसे तो आईबीसी में फोर्स में नहीं आए, इसलिए बच्चों ये एक स्पेशल केस है कि अगर किसी कॉर्पोरेट पर्सन का केस आईबीसी में आता है और उस कॉर्पोरेट पर्सन के लिए किसी इंडिविजुअल ने कोई गारंटी दे रखी है तो बच्चों इसके प्रावधान आईबीसी में फोर्स में आ गया। तो ध्यान रखना बच्चों आईबीसी में अभी तक सारे इंडिविजुअल्स की इंसॉल्वेंसी के प्रोविजन फोर्स में नहीं आए हैं, इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कौन? पर्सनल गारंटर टू अ कॉर्पोरेट पर्सन। तो अगर आपने किसी कॉर्पोरेट पर्सन के लिए एज एन इंडिविजुअल गारंटी दी थी आपका केस आईबीसी में जरूर चल सकता है। एंड बच्चों लास्ट बात जो बेसिक्स के अंदर मैं क्लियर करना चाहूंगा, यहां पर बच्चों कॉर्पोरेट पर्सन भी कवर्ड है, इंडिविजुअल भी कवर्ड है। और अगर कॉर्पोरेट पर्सन किसी का पैसा देने में डिफॉल्ट करता है तो क्या आप उस कंपनी को घसीट कर आईबीसी में लेकर जा सकते हो? यस, आप किसके आगे घसीट कर लेकर जाओगे? तो बच्चों एनसीएलटी। तो जो कॉर्पोरेट पर्सन है उनका केस चलेगा एनसीएलटी के पास, और बच्चों जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी क्या हम एनसीएलटी के पास घसीट कर लेकर जाएंगे? ना, उन्हें हम घसीट कर लेकर जाएंगे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी के पास। तो यहां पर कॉर्पोरेट पर्सन के लिए आईबीसी में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगा? एनसीएलटी। एनसीएलटी कॉर्पोरेट पर्सन की इंसॉल्वेंसी की सुनवाई करेगा और इंडिविजुअल्स के लिए सुनवाई कौन करेगा? डीआरटी। अब यहां पर मन में एक और डाउट आएगा कि सर अगर भूषण स्टील्स ने डिफॉल्ट किया, भूषण स्टील का केस तो एनसीएलटी में चल रहा होगा, और एसबीआई कहेगा लाओ जी प्रमोटर आपने गारंटी दी थी पैसा दो, पैसा नहीं देते तो आपका केस चलेगा, तो सर क्या एसबीआई को इस इंडिविजुअल के लिए डीआरटी में अलग से केस फाइल करना पड़ेगा? नहीं। यहां पर आईबीसी ने एक और समझदारी क्या दिखाई, उन्होंने कहा जी अगर किसी इंडिविजुअल ने कंपनी के लिए गारंटी दे रखी थी और तब उसे घसीट कर लाया जा रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में डीआरटी की पावर कौन एक्सरसाइज कर लेगा? एनसीएलटी। तो एनसीएलटी वो अथॉरिटी रहेगी जहां पर इस कंपनी का भी केस चलेगा और इस कंपनी की जो भी पर्सनल गारंटर्स हैं उनका केस भी एनसीएलटी के पास ही चलेगा। तो नेट नेट बेसिक्स के लिए बच्चों बस इतना ध्यान रखना कि नॉर्मल केस सिनेरियो में कंपनी का केस चलता है एनसीएलटी के पास, इंडिविजुअल का केस चलता है डीआरटी के पास, पर अगर आप पर्सनल गारंटर टू अ कॉर्पोरेट डेटर हो तो एज पर सेक्शन 60 ऑफ आईबीसी डीआरटी की पावर एनसीएलटी को डेलीगेट की गई है। तो इस सब बातों को अगर मैं लास्टली समअप करूं, हम बच्चों अब इस वीडियो में आगे क्या सीखने वाले हैं कि अगर किसी भी कॉर्पोरेट पर्सन ने आज किसी का भी पैसा लौटाने में किया डिफॉल्ट तो उस कॉर्पोरेट पर्सन को एनसीएलटी में कैसे घसीट कर लाया जाएगा, उसकी इंसॉल्वेंसी कैसे ट्रीट की जाएगी, हमारा पूरा टारगेट अब इस पर रहने वाला है। तो आई होप ये बातें सब आपको क्लियर हो। एंड लास्टली बच्चों एनसीएलटी में या सपोज आप किसी भी कॉर्पोरेट पर्सन को अगर एनसीएलटी में घसीट कर ला रहे हो तो उसमें हायरार्की क्या रहती है वो भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। तो बच्चों आईबीसी के अंदर जो आपकी हायरार्की चलती है वो क्या चलती है, लेट मी जस्ट शो यू क्विकली। चलिए तो बच्चों ये हायरार्की है कि अगर किसी कॉर्पोरेट पर्सन का केस आईबीसी में चलना है तो आप उसे घसीट कर एनसीएलटी में लेकर जाते हो, एनसीएलटी का जो भी फाइनल जजमेंट आता है आप उसके अगेंस्ट अगर अपील फाइल करना चाहते हो तो उसके लिए एनसीएलएटी आता है और फाइनली क्या जाता है, सुप्रीम कोर्ट। पर अगर आप किसी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म को घसीट कर लेकर आना चाहते हो उसे हम कहां लेकर आते हैं, डीआरटी। डीआरटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहां होती है, डीआरएटी डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में, और फाइनली अपील कहां होती है, सुप्रीम कोर्ट। तो बच्चों यहां पर ये हायरार्की रहने वाली है कोर्ट्स की जहां पर आपका केस चलेगा। हमारा जो पूरा टारगेट रहने वाला है वो किस पर रहने वाला है बच्चों, कॉर्पोरेट पर्सन एंड एनसीएलटी, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। तो विद दिस बैकग्राउंड बच्चों हम अपना आईबीसी का ये रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया आईबीसी का जरूर लग गया होगा। आते हैं बच्चों और यहां पर सबसे पहला पार्ट वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट वन जिसमें आपके सिर्फ तीन ही सेक्शन आते हैं, सेक्शन 1, 2, 3। तो पार्ट वन ऑफ द आईबीसी ने बच्चों बस क्या बताया कि इस कोड का नाम है आईबीसी, ये पूरे इंडिया पर अप्लाई करेगा और ये कोड इन सब पर्सन की इंसॉल्वेंसी से डील करेगा। मतलब यहां पर आपको कंपनी अंडर स्पेशल एक्ट, कोई और बॉडी कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेटर, इन सब की इंसॉल्वेंसी से ये कोड डील करने वाला है। देन बच्चों
यहां पर पार्ट वन में आया आपका अगला सेक्शन, सेक्शन थ्री विच कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो बच्चों यहां पर हमारे ये जो पार्ट वन है, सेक्शन वन एंड टू ने इसका बस दायरा बताया, और यहां पर सेक्शन तीन आ जाता है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का। और जस्ट फॉर नॉलेज बच्चों एक चीज ध्यान रखना, पार्ट वन में जो डेफिनेशंस दी गई होंगी वो डेफिनेशंस किसके लिए दी गई होंगी, वो सिर्फ कॉर्पोरेट पर्सन के लिए डेफिनेशन एप्लीकेबल होंगी या वो डेफिनेशन आपके इंडिविजुअल्स पर भी एप्लीकेबल होंगी। ध्यान रखना बच्चों, यहां पर सेक्शन तीन में जो डेफिनेशन दी गई है वो उसका इस्तेमाल हम पूरे कोड में करेंगे। सर ये बात आप क्यों बता रहे हो कि बच्चों यहां पर सेक्शन तीन में तो डेफिनेशन है जो पूरे आईबीसी पर अप्लाई करती है, पर जैसे ही हम यहां पर पार्ट टू जाएंगे, पार्ट टू जो कॉर्पोरेट पर्सन से डील करता है, वहां पर एक सेक्शन पांच आएगा, वहां पर आपको फिर से डेफिनेशंस देखने को मिलेंगे। तो ये आईबीसी की एक यूनिक बात है कि यहां पर आपको दो डेफिनेशन के सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो जो सेक्शन तीन में डेफिनेशन है वो आईबीसी के सारे सेक्शन के लिए है, पर बच्चों यहां पर जो ये सेक्शन पांच में आपको डेफिनेशन दी जाएंगी, क्या ये पूरे आईबीसी के लिए होंगी या ये सिर्फ पार्ट टू के लिए होंगी? ध्यान रखना बच्चों, ये वाली डेफिनेशन आपके सिर्फ पार्ट टू के लिए होने वाली। तो बस ये बताने के लिए ये चीज क्लैरिफाई की गई कि यहां पर आपको डेफिनेशन के दो सेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो आते हैं बच्चों, और आईबीसी हमारे देश में लाया क्यों गया, और आज अगर कोई कंपनी किसी के पैसे का डिफॉल्ट करती है तो उस कंपनी की इंसॉल्वेंसी कैसे ट्रीट की जाएगी, अब हम ये सीखने वाले हैं। तो बच्चों सेक्शन तीन में जो पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है आपकी वर्ड बोर्ड की। ध्यान रखना बच्चों, नॉर्मली जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं बोर्ड का मतलब हम जानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पर आईबीसी में अगर कहीं भी वर्ड बोर्ड आया तो आईबीसी में बोर्ड का मतलब क्या है, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बच्चों जैसे हमारे देश में सिक्योरिटीज मार्केट के लिए टॉप नॉच अथॉरिटी है सेबी, मनी मार्केट में आरबीआई आ जाती है, लाइक वाइज हमारी पार्लियामेंट ने क्या कहा कि आईबीसी का पूरा सुपरविजन देखने के लिए हमारे देश में हम एक नोडल अथॉरिटी अपॉइंट करें, उसका नाम क्या होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। और हमारे देश में आईबीसी के प्रोविजंस के तहत अगर कोई भी कहीं पर भी काम कर रहा है वो इनके सुपरविजन में करेगा, तो ये हमारी नोडल अथॉरिटी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। और अगर आपको आईबीसी से जुड़ा हुआ कोई भी लॉ चाहिए, रूल, एक्ट, नोटिफिकेशन चाहिए, आप आईबीबीआई की वेबसाइट पर जाइए, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाता है। तो बच्चों बोर्ड का मतलब यहां पर रहने वाला है आईबीबीआई। आते हैं बच्चों सेक्शन तीन की अब आगे वाली इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर, इनको अब आप ध्यान से समझिएगा बिकॉज अब हमारा आईबीसी का बेस स्टार्ट होने वाला है। अब हम थोड़ा सा जो अगला 15-20 मिनट लगाएंगे वो आईबीसी के फ्लो को पकड़ने पर लगाएंगे। अगर आपने वो फ्लो अच्छे से पकड़ लिया पूरे आईबीसी में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो बस अगले 15-20 मिनट आप थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा। तो बच्चों एक एग्जांपल से इन वर्ड्स का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों लेट सपोज यहां पर हमने एग्जांपल लिया था, एक कंपनी है भूषण स्टील्स। तो भूषण स्टील्स लिमिटेड इज अ कंपनी। आज लेट सपोज बच्चों भूषण स्टील्स लिमिटेड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले रखा है एक लोन। लेट सपोज उस लोन की वैल्यू है 10,000 करोड़। तो आज भूषण स्टील्स ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10,000 करोड़ का एक लोन लिया, और अब भूषण स्टील ने लोन ले रखा है। तो बच्चों जो लोन लेता है उसे हम क्या कह देते हैं, डेटर। तो यहां पर भूषण स्टील क्या है बच्चों, डेटर। और भूषण स्टील बच्चों क्या है, एक कॉर्पोरेट पर्सन। कॉर्पोरेट पर्सन में कौन कौन आता था, कंपनी और एलएलपी। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां कॉर्पोरेट पर्सन ने एक लोन लिया हुआ है तो कॉर्पोरेट पर्सन बन गया डेटर। इन दोनों वर्ड्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कलेक्टिवली क्या बन जाएगा बच्चों, कॉर्पोरेट डेटर। तो अब आगे हम पूरे क्लास के दौरान भूषण स्टील्स को क्या बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट डेटर। दैट इज ये कॉर्पोरेट पर्सन है जिसने एक डेट लिया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहली डेफिनेशन इसकी आ गई, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर मतलब जब एक कॉर्पोरेट पर्सन लेता है एक डेट, एक उधार। तो बच्चों यहां पर भूषण स्टील ने ले रखा है एक डेट, डेट भूषण स्टील ने लिया बच्चों, और भूषण स्टील को ये डेट दिया किसने है, एसबीआई ने। तो बच्चों जो लोन देता है उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रेडिटर। यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या बन गया बच्चों, क्रेडिटर। तो एसबीआई यहां पर क्या है, क्रेडिटर। दैट इज जिस पर्सन को आप वो डेट ओ करते हो उसे हम क्या बोल देंगे, क्रेडिटर। एंड बच्चों यही से हमारी डेफिनेशन किसकी निकल कर आ गई, डेट की। सर डेट क्या है, तो बच्चों भूषण स्टील ने एसबीआई से एक लोन लिया है तो उसका एक डेट है। व्हाट डू यू मीन बाय डेट, तो बच्चों आईबीसी ने डेट को कैसे डिफाइन किया, आईबीसी ने कहा बच्चों डेट मींस अ लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम विच इज ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन। मतलब भूषण स्टील आज आपने जो ये 10,000 करोड़ का लोन लिया है ये आपके लिए डेट है, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है, आपको ये पैसा चुकाना है। और बच्चों इस डेट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, क्लेम। तो यहां पर बच्चों डेट का मतलब क्या बन गया, लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम, कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक क्लेम है कि वो मुझसे 10,000 करोड़ का लोन वापसी ले सकता है। तो स्टेट बैंक का मेरे ऊपर क्लेम है तो मेरा उसके टुवर्ड्स क्या हो गया, डेट। तो यहां पर बच्चों भूषण स्टील के लिए डेट है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए क्या हो गया, क्लेम। और क्लेम का मतलब फिर कैसे डिफाइन किया गया, क्लेम मींस अ राइट टू पेमेंट,
कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आज भूषण स्टील्स के अगेंस्ट एक क्लेम है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भूषण स्टील से 10,000 करोड़ रुपए का लोन वापसी ले सकती है। तो ये क्लेम में आ सकता है बच्चों, या क्लेम में और क्या जाएगा, राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ सच ब्रीच गिव्स राइट टू अ राइट टू पेमेंट, दैट इज या तो आपको उससे कोई पैसा लेना है वो क्लेम के डेफिनेशन में आएगा, या बाई चांस आपने भूषण स्टील्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था और आज भूषण स्टील ने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में लिखा हुआ था कि भूषण स्टील अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको भूषण स्टील से कुछ पैसा कॉम्पनसेशन के तौर पर मिलेगा। तो अगर भूषण स्टील कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है और उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिलने वाला है, वो भी आपका क्या है, क्लेम, और भूषण स्टील के लिए वो क्या हो गया, डेट। तो बच्चों यहीं से आपकी सारी डेफिनेशन किस किस की निकल के आई, कॉर्पोरेट डेटर, क्रेडिटर, डेट एंड क्लेम। जब बच्चों आपको इसको लीगली पढ़ते हो ना, लीगली पढ़ के एक बार कंफ्यूजिंग लगता है, पर अगर आप लेमैन की तरह सोचोगे बड़ी आसान बात है कि जी भूषण स्टील ने एसबीआई से लोन लिया तो भूषण स्टील है कॉर्पोरेट डेटर, एसबीआई ये क्रेडिटर, भूषण स्टील को ये डेट स्टेट बैंक को चुकाना है और इस डेट के अगेंस्ट स्टेट बैंक का क्या है, क्लेम, सिंपल। तो आप लेमैन की तरह सोचना, दिस इज वेरी इजी। जब हम लीगल लैंग्वेज में चले जाते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कई बार लगता है, तो बच्चों ये हमारा मीनिंग आ गया कॉर्पोरेट डेटर का, क्रेडिटर का, डेट का एंड क्लेम का। लास्ट बच्चों जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ रही है, हमने क्या कहा, कॉर्पोरेट डेटर बच्चों हम किसको बोलते हैं, जब कोई कॉर्पोरेट पर्सन किसी को कोई डेट ओ करता है। तो यहां पर बच्चों हमारे एग्जांपल में कॉर्पोरेट पर्सन कौन है, भूषण स्टील्स। फिर भी देखते हैं लॉ ने कॉर्पोरेट पर्सन को कैसे डिफाइन किया। लॉ कह रहे जी कॉर्पोरेट पर्सन में कौन कौन आ जाएगा, कंपनी आ जाएगी, LLP आ जाएगी, या कोई भी पर्सन जिसकी एक लिमिटेड लायबिलिटी है उसको यहां पर कवर कर दिया जाएगा, ये सब कॉर्पोरेट पर्सन में आएंगे। मतलब अगर आज किसी कंपनी ने किसी का पैसा नहीं चुकाया, LLP ने किसी का पैसा नहीं चुकाया, या कोई और पर्सन जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी है उसने किसी का पैसा नहीं चुकाया, उन्हें घसीटकर IBC में लाया जा सकता है। तो बच्चों वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन हियर, यहां पर जब लॉ ने कॉर्पोरेट पर्सन को डिफाइन किया उन्होंने एक बात क्या लिख दी, बट इट शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन से हमने फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को बाहर कर दिया, इसका मतलब क्या बच्चों, तो सर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का मतलब वो भी डिटेल में डिफाइन है, दैट इज ऐसा कोई इंसान जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल कोई बैंक, फॉर एग्जांपल कोई NBFC। तो लेट सपोज बच्चों आज भूषण स्टील नहीं होता, आज हम एग्जांपल ले लेते हैं यस बैंक का, तो सर क्या यस बैंक लिमिटेड भी एक कंपनी है, यस। आज लेट सपोज बच्चों यस बैंक ने SBI से लोन लिया हुआ था और आज यस बैंक ये लोन का पैसा चुकाने में आनाकानी कर रहा है, तो सवाल उठता है क्या स्टेट बैंक यस बैंक को घसीट कर IBC में ला सकता है या नहीं, द आंसर इज नो। आंसर नो क्यों है बच्चों, क्योंकि स्टेट बैंक सिर्फ किसको घसीट कर ला पाएगा, कॉर्पोरेट पर्सन को, और लॉ मेकर ने कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन से एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को ही कर दिया है बाहर। मतलब आज अगर कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर किसी का पैसा चुकाने में डिफॉल्ट करता है उसका केस IBC में नहीं आ पाएगा, यह IBC के दायरे से बाहर है। तो ध्यान रखना कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन से एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर बाहर है। पर बच्चों यहीं पर अपने नोटिंग में आप लिख लेना, एक्सेप्ट एक ऐसा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है जैसे यहां पर कवर किया गया, किसको, वो सारी NBFCs जिनका एसेट बेस है कम से कम 500 करोड़ का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है बच्चों यहां पर, और उन्होंने कह दिया कि आज अगर कोई NBFC है जिसका एसेट बेस 500 करोड़ है और वो NBFC किसी का पैसा चुकाने में डिफॉल्ट करती है, उसे हम IBC के दायरे में जरूर कवर कर रहे हैं। तो नॉर्मली बच्चों आपको जो लॉ बनाने का बनाना है, अगर कोई कॉर्पोरेट पर्सन डिफॉल्ट करता है IBC में कवर है, अगर कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर किसी का डिफॉल्ट कर रहा है वो IBC के दायरे में कवर नहीं है। पर सिर्फ एक टाइप के फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को यहां पर कवर किया गया, किसको, NBFC। कोई भी NBFC जिसका एसेट बेस 500 करोड़ है उसे IBC के दायरे में कवर किया गया बच्चों, और एक NBFC जिसका केस एक्चुअली में IBC में आया भी, और सबसे पहली NBFC जिसका केस IBC में आया था, आपने नाम जरूर सुना होगा, DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस। तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस आपकी एक लिस्टेड कंपनी होती थी, एक NBFC थी, शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर भी रहा करते थे, बहुत बड़ा फ्रॉड DHFL में हुआ था, और DHFL पहला केस था जो IBC में एज NBFC आया, इससे पहले भी केस हुए थे, पर NBFC का जो सबसे पहला केस IBC में आया वो किसका केस था बच्चों, DHFL। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना कि NBFC जिनका एसेट बेस 500 करोड़ है वो IBC के दायरे में कर रहे हैं, बाकी सारे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर यहां से बाहर है। तो बच्चों हमारी सेक्शन 3 की डेफिनेशन है। तो सर आपने कहा भूषण स्टील्स ने SBI से 10,000 करोड़ का लोन लिया हुआ है, क्या सर ये लोन लेने में कोई दिक्कत है, क्या लोन लेती IBC लग जाएगा, ऑब्वियसली नहीं,
लोन लेना तो एक नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, उसमें आईबीसी क्यों लगेगा? आईबीसी बच्चों लगेगा कब? कि जब भूषण स्टील्स इस लोन की रीपेमेंट में करेगा आनाकानी। और बच्चों आईबीसी को लाने का सबसे बड़ा रीजन ही ये था कि हमारा बैंकिंग सेक्टर एनपीएस की प्रॉब्लम से ग्रस्त है, आज भी ग्रस्त है, कि लोग लोन तो ले जाते हैं पर वापसी नहीं चुकाते। तो आज हमें उन कंपनीज के मन में डर बैठाना बड़ा जरूरी है, वो डर बैठाने के लिए बच्चों आईबीसी आया। और आईबीसी ने क्या कहा कि भूषण स्टील आप ये लोन लेते हो कोई दिक्कत नहीं, आप आईबीसी में लोन लेने की वजह से नहीं आओगे, आप आओगे कब? जब आप इस लोन का क्या कर दोगे? डिफॉल्ट। तो बच्चों जिस दिन भूषण स्टील पैसा चुकाने का करेगा डिफॉल्ट, दैट इज अपना डेट रीपे नहीं करेगा, उस दिन एसबीआई भूषण स्टील को घसीटकर कोर्ट में ला सकता है, एनबीएफसी सॉरी आईबीसी में ला सकता है। अब यहां पर बच्चों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भूषण स्टील को लोन दिया, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक एसेट है। अब जिस दिन भूषण स्टील की रीपेमेंट की डेट आई, अगर भूषण स्टील उसी दिन डिफॉल्ट कर देता है, क्या एसबीआई के लिए वो एनपीओ उसी दिन बन जाता? नहीं, किसी भी एसेट को एनपीए बनने के लिए हम 90 डेज का वेट करते हैं। सवाल उठता है एसबीआई भूषण स्टील को आईबीसी में घसीटकर कब ला पाएगा? जिस दिन डिफॉल्ट हुआ है उसी दिन, या सबसे पहले हमें उसका एनपीए बनने का वेट करना है। ध्यान रखना बच्चों, हमें कोई एनपीए बनने का वेट नहीं करना। जिस दिन भूषण स्टील्स आप डिफॉल्ट करोगे, सीधा आपको एनसीएलटी में घसीटकर आईबीसी में लाया जा सकता है। दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ये नहीं कहेगा ठीक है जी मैं 90 डेज वेट करती हूं, आप पे कर दोगे तो ठीक है, वरना फिर आप एनपीए बनोगे उसके बाद मैं आईबीसी में लाऊंगी ना। जिस दिन डिफॉल्ट होगा उसी दिन आपको घसीटकर आईबीसी में लाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और बच्चों यही एक सबसे बड़ा डर का रीजन है, क्योंकि इसी कोड में हम आगे क्या सीखेंगे, अगर भूषण स्टील एक बार आईबीसी में आ गई तो हो सकता है भूषण स्टील के प्रमोटर्स को हमेशा के लिए भूषण स्टील से हाथ धोना पड़े। मतलब आज आप ये इमेजिन करना, अगर ये आपकी कंपनी है, 40-50 साल से आप इस कंपनी में धंधा कर रहे हो और आपने आज किसी बैंक का डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट को सिर्फ एक ही दिन हुआ है, और वो बैंक आपको आईबीसी में घसीट कर ले जाए, तो बच्चों आपको अपनी कंपनी से जिंदगी भर के लिए हाथ धोना पड़ सकता है। कैसे सीखेंगे, पर ये सबसे बड़ा एडवांटेज आईबीसी का है। तो ध्यान रखना बच्चों, यहां पर हमें कोई एनपीए बनने का वेट नहीं करना, जिस दिन डिफॉल्ट होगा उसी दिन आपको आईबीसी में घसीट कर लाया जा सकता है। तो बच्चों ये आईबीसी का बताओ पार्ट वन कंप्लीट हुआ, बताओ। तो मैंने कहा था दो पार्ट है, एक पार्ट की रिविजन तुम्हारे यहां पर कंप्लीट हो गए। तो ये हमारे बच्चों कुछ बेसिक जनरल बातें आई। अब आ रहे बच्चों हम पार्ट टू पर, और हम फाइनली अब सीखने जा रहे हैं कि जैसे ही कॉर्पोरेट पर्सन किसी का डिफॉल्ट करता है आईबीसी में अब केस कैसे चलेगा। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, मैं पूरे आईबीसी के कॉर्पोरेट पर्सन के प्रोविजन को 5 स्टेजेस में आपके लिए डिवाइड करके बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। अगर आपने वो 5 स्टेजेस की मेन बात पकड़ ली, अंदर के प्रोविजन आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल। तो बच्चों इसी एग्जाम्पल को लेकर हम कंटिन्यू करते हैं कि एक कंपनी है भूषण स्टील्स, उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले रखा है लोन, और वो लोन का पैसा चुकाने में भूषण स्टील्स ने कर दिया है डिफॉल्ट। तो क्या सर भूषण स्टील्स को घसीटकर हम आईबीसी में ला सकते हैं? बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ला पाएगा। यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, सर भूषण स्टील ने ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेट सपोज 1000 रुपए का लोन लिया था, जरूरत पड़ गई थी 1000 रुपए लोन के लिए, तो डिफॉल्ट हो गया, तो क्या आज इसे सीधा आईबीसी में घसीट लाए? द आंसर इज नो। लॉ ने यहां पर एक समझदारी दिखाई, और लॉ ने क्या कहा जी, किसी भी कॉर्पोरेट पर्सन को आईबीसी में घसीटकर कब लाया जाएगा? जब आपने डिफॉल्ट किया होगा कम से कम कितने रुपए का? 1 करोड़। तो जिस दिन कोई कॉर्पोरेट पर्सन कम से कम 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट करेगी तब उसका केस आईबीसी में चलेगा। 1 करोड़ से कम के लिए हम आईबीसी में आपको घसीट कर नहीं लाएंगे, हम जबरदस्ती एनसीएलटी को बर्डन नहीं करेंगे कि 500,000-5-6 लाख रुपए के केस भी वो सुने ना। तो जब डिफॉल्ट का अमाउंट कम से कम 1 करोड़ है तब कोई भी पर्सन भूषण स्टील को घसीट कर आईबीसी में ला सकता है। तो ध्यान रखना यहां पर मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट की एक लिमिट लगा दी गई बच्चों, कितनी? 1 करोड़। और ये बात सबसे पहले यहां पर एक करेक्शन करिएगा, सेक्शन नंबर 4 ऑफ दी आईबीसी में लिख दी गई कि ये पार्ट कॉर्पोरेट पर्सन्स पर बच्चों कब अप्लाई करेगा? जब डिफॉल्ट का अमाउंट है कम से कम 1 करोड़। अब यहां पर एक पॉइंट, कुछ प्रोफेशनल या बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, यहां पर पार्लियामेंट ने इस बात को कैसे लिखा? पार्लियामेंट ने कहा जी किसी भी कॉर्पोरेट पर्सन को घसीट कर तब लाया जा सकता है जब वो डिफॉल्ट करेगी 1 लाख रुपए का, या वो हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शेल नॉट एक्सीड 1 करोड़। मतलब पार्लियामेंट ने बात लिखते समय क्या कहा, अगर डिफॉल्ट का अमाउंट 1 लाख है या अगर सीजी चाहे तो इस 1 लाख की लिमिट को बढ़ा सकती है कहां तक? 1 करोड़, तब उसे आईबीसी में घसीट कर लाया जा सकता है। और बच्चों अब फाइनली सीजी ने इस लिमिट को नोटिफाई करके कितना कर दिया? 1 करोड़। तो पेपर के लिए जो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगर डिफॉल्ट 1 करोड़ रुपए का है तब आपका केस यहां पर आईबीसी में चलेगा। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहां पर बच्चों एक सेकंड पॉइंट आ रहा है, उसको भी हम रखेंगे पेंडिंग, इस पॉइंट पर हम लास्ट में आएंगे। तो ध्यान रखना, जैसे ही कोई कॉर्पोरेट पर्सन किसी का 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट करेगा उसका केस आईबीसी में आ सकता है। दैट इज सर, अगर भूषण स्टील ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 करोड़ का डिफॉल्ट कर दिया, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया घसीट कर ला पाएगी? बिल्कुल। तो बच्चों यही बात है कि आज भूषण स्टील से
भूषण स्टील्स लिमिटेड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, मैंने अपने एग्जांपल में क्या माना था, 10,000 करोड़ का एक लोन लिया था और उसका कर दिया डिफॉल्ट, क्या सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भूषण स्टील को घसीट कर ला सकती है? द आंसर इज यस। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, क्या भूषण स्टील को अपने धंधे में सिर्फ लोन वाला पैसा चुकाना है? दैट इज जो पैसा आपने उधार पर एक डेट के तौर पर, एक फाइनेंशियल डेट के तौर पर लिया, क्या सिर्फ वही वाला पैसा चुकाना है? नहीं, हो सकता है भूषण स्टील्स ने अपने एम्प्लॉइज की कई सालों से सैलरी पे ना करी हो, जैसे जेट एयरवेज के केस में हुआ था, उन्होंने अपने पायलट्स एयरहोस्टेस वगैरह की सैलरीज पे नहीं कर रखी थी। तो आज भूषण स्टील ने अपने एम्प्लॉइज की कई महीनों से सैलरी पे नहीं कर रखी, एंड लेट्स सपोज बच्चों सैलरी का अमाउंट भर करके हो चुका है 5 करोड़ 6 करोड़, और आज एम्प्लॉइज भूषण स्टील से खफा है और एम्प्लॉइज कह रहे चलो भूषण स्टील हम तुम्हें घसीट कर आईबीसी में लाएंगे, तो क्या बच्चों एम्प्लॉइज ला सकते हैं? द आंसर इज यस, एम्प्लॉइज को भी ये पावर दे दी गई। आज बच्चों भूषण स्टील ने किसी से उधार पर पैसा तो नहीं लिया, भूषण स्टील ने रॉ मटेरियल खरीदा। लेट्स सपोज भूषण स्टील ने एक दूसरी कंपनी है वेदांता, वेदांता लिमिटेड से कुछ रॉ मटेरियल खरीदा था, तो बच्चों क्या भूषण स्टील ने वेदांता से लोन लिया है? ना, हमने सिर्फ उधार पर माल खरीदा, एंड लेट्स सपोज बच्चों वो माल था मैं कहता हूं 50 करोड़ रुपए का, और आज भूषण स्टील वेदांता की पेमेंट नहीं कर रहा, क्या वेदांता लिमिटेड भी भूषण स्टील को घसीट कर आईबीसी में ला सकता है? द आंसर इज यस। भूषण स्टील बच्चों गवर्नमेंट के टैक्सेस पे नहीं कर रहा, टैक्सेस का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, ड्यूटीज का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, करें नहीं पे करता, कर लो क्या करना है? क्या सरकार भी भूषण स्टील को घसीट कर ला सकती है? द आंसर इज यस। नेट नेट बच्चों आज भूषण स्टील को कोर्ट में घसीट कर या आईबीसी में एनसीएलटी के पास घसीट कर कौन ला सकता है? ये सारे बैंक्स या वो सारे पर्सन जिससे भूषण स्टील ने लोन के फॉर्म में पैसा लिया था, मतलब पैसा क्या सोच कर लिया था, उसके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए कि आज आप मुझे पैसा दो मैं आपको बाद में पैसा विद इंटरेस्ट पे करूंगा, तो वो लोग भी ला सकते हैं। बाकी ये जो हमारे ऑपरेशंस के रूटीन क्रेडिटर्स हैं, जैसे कि इंप्लॉइज हैं, हमारे रॉ मटेरियल के क्रेडिटर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस हैं, अगर हम इनका पैसा चुकाने में डिफॉल्ट करें, क्या ये भी भूषण स्टील्स को घसीट सकते हैं? द आंसर इज यस। और यहीं से बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात क्या निकल कर आई, आईबीसी ने जितने भी क्रेडिटर्स हैं क्रेडिटर्स को डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में, जो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे क्रेडिटर्स हैं जिनसे भूषण स्टील ने उधार पर पैसा लिया था लोन के फॉर्म में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, उन क्रेडिटर्स को तो आईबीसी में क्या बोला गया बच्चों, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, या शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं, एफसी। पर जो हमारे ऑपरेशंस के रूटीन क्रेडिटर हैं जिनसे हमने पैसा उधार पे नहीं लिया था, हमने उनकी सैलरी पे नहीं करी, रॉ मटेरियल सप्लायर का पैसा नहीं चुकाया, टैक्सेस, इनको क्या बोला गया बच्चों, ऑपरेशनल क्रेडिटर। और यह हमारे आईबीसी की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर क्रेडिटर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर, और किसी भी कंपनी को आईबीसी में घसीटकर एक फाइनेंशियल क्रेडिटर भी लेकर के आ सकता है और एक ऑपरेशनल क्रेडिटर भी लेकर के आ सकता है। तो बच्चों सबसे पहली डेफिनेशन जो सेक्शन 5 के हम पढ़ने जा रहे हैं, यही पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड व्हाट डू वी मीन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। आपके मन में शायद एक सवाल यहां पर आ रहा होगा, नहीं आया तो आना चाहिए कि सर क्रेडिटर्स को ऐसे बाइफर्केट किया क्यों गया, दोनों ही क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर बोल देते, एफसी और ओसी, ऐसा बाइफर्केशन क्यों किया गया? तो बच्चा सबसे पहले इन दोनों का मतलब जानते हैं, अगर आपको इस बात का रीजन पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, वरना इनका मतलब समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन क्रेडिटर के बाइफर्केशन का पर्पस क्या है। तो बच्चा सबसे पहली बात, फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब कोई ऐसा क्रेडिटर जिसको हम एक फाइनेंशियल डेट ओ करते हैं, मतलब एक ऐसा डेट जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए गया, तो जिस भी पर्सन को हम एक फाइनेंशियल डेट ओ करेंगे वो बन जाएगा हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर। और फाइनेंशियल डेट का क्या मतलब है बच्चों यहां पर, फाइनेंशियल डेट मींस अ डेट अलोंग विद इंटरेस्ट, मतलब यहां पर मेन आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आएगा इंटरेस्ट भी, मतलब अगर मैंने किसी का प्रिंसिपल अमाउंट चुका दिया पर जो इंटरेस्ट पोर्शन था वो 1 करोड़ से ज्यादा का था और इंटरेस्ट नहीं चुकाया तो भी क्या आईबीसी में आ सकते हैं? यस, दैट इज फाइनेंशियल डेट मींस अ डेट अलोंग विद इंटरेस्ट which is disbursed against the consideration for time value of money. तो जी पैसे की एक टाइम वैल्यू होती है, आपको पता है आज जो 1 करोड़ की कीमत है 1 साल के बाद 1 करोड़ की कीमत 1 करोड़ नहीं रहेगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज वहां पर इंटरेस्ट पोर्शन आता है। तो अगर आप उसको पैसे को एज इट इज छोड़ दोगे द मनी विल कीप ऑन डेप्रिशिएटिंग बिकॉज इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में रहता है। तो जब हमने किसी से कोई डेट लिया है किस पर्पस के लिए, उस पैसे की टाइम वैल्यू के लिए, तो उसे हम फाइनेंशियल डेट बोलते हैं। और जिससे हमने वो डेट लिया वो क्या बन जाएगा, हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर। हमारे एग्जांपल में बच्चों कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था कि हमें आज उस पैसे की जरूरत है, हमने स्टेट बैंक को कहा था ठीक है हम तेरे को टाइम टू टाइम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करेंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर। और बच्चों फाइनेंशियल डेट में क्या क्या चीज को इंक्लूड किया जाएगा, तो लॉ मेकर ने यहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, उन्होंने एक इंक्लूसिव लिस्ट प्रोवाइड करी कि जी ये सारी चीजें आपकी फाइनेंशियल डेट में आएगी। सबसे पहला क्या बच्चों, मनी बोर्डर अगेंस्ट दी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपने किसी से लोन लिया है कि आप ब्याज पे करोगे वो आपका फाइनेंशियल डेट है। या बच्चों एनी एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे और आपने किसी बैंक से अपने लेटर ऑफ क्रेडिट को डिस्काउंट करा लिया,
तो वहां पर जो बैंक ने आपका लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्काउंट किया, आज आप उस बैंक को एक डेट ओ करते हो तो वो बैंक आपके लिए क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर। और बच्चों यहां पर कहेंगे हमारे डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स, तो जितने भी डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा दिया था उधार के फॉर्म में तो दिया था, तो सारे डिबेंचर होल्डर्स बच्चों क्या बन जाते हैं? हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगली बात बच्चों यहां पर कौन सी आई? फाइनेंशियल लीज। अगर हमने किसी से कोई हैवी मशीनरी खरीदी है फाइनेंशियल लीज पे, तो बच्चों वहां पर लीज का पर्पस क्या होता है? हम सिर्फ उस मशीन को एक तरीके से सामने वाले से फाइनेंस करा रहे हैं, हम उस मशीन के पूरे टेन्योर के लिए वो मशीन खरीद रहे हैं और लीज रेंटल्स पे करेंगे। तो यहां पर इस ट्रांजेक्शन का कहीं ना कहीं पर्पस क्या है? उस मशीन की कीमत को फाइनेंस कराना। इसलिए यहां पर फाइनेंशियल लेसर जो भी होगा वो भी हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर आएगा। ध्यान रखना बच्चों, अगर वो ऑपरेशनल लीज है, ऑपरेशनल लीज में हमारा पर्पस उस मशीन की लाइफ टाइम के लिए उसे हायर पर लेना नहीं होता। ऑपरेशनल लीज में हमारा मतलब क्या होता है कि जी हमें एक दो तीन चार साल के लिए मशीन चाहिए, हम आपको रेंट पे करेंगे। तो जो ऑपरेशनल लेसर होता है वो आपका कहां चला जाएगा? ऑपरेशनल क्रेडिटर में। इसके लिए आपने एक AS 19 पढ़ा होगा, वही वाली क्लासिफिकेशन यहां पर चलती है। तो फाइनेंशियल लीज यहां पर कवर्ड है। अगली बात बच्चों, रिसीवेबल सोल्ड और डिस्काउंटेड अदर देन ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस। तो आज बच्चों अगर हमारे पास कोई रिसीवेबल था, हमारा डेटर था, और हम किसी फैक्टर के पास जाकर उसकी फैक्टरिंग करा लाए, मतलब हमने अपने रिसीवेबल को, तो फॉर एग्जांपल यहां पर बच्चों भूषण स्टील्स थी, भूषण स्टील्स को आज अपने किसी डेटर से 100 करोड़ रुपए लेने थे और डेटर का टाइम पीरियड था 6 महीने, क्रेडिट पीरियड 6 मंथ्स दे रखा था, तो जी हमारा पैसा 6 महीने के लिए ब्लॉक है। तो भूषण स्टील गया किसी फैक्टर के पास और उस फैक्टर से क्या कहा? जी आप एक काम करो, आप मेरे डेटर से पैसा रिसीव करने का राइट ले लीजिए और मुझे बदले में लेट से 95 करोड़ अभी के अभी दे दीजिए। तो आप मुझे 95 करोड़ राइट नाउ दे दो, 6 महीने के बाद आप मेरे डेटर के पास जाकर 100 करोड़ रुपए ले लेना। तो बच्चों इसे बोलते हैं फैक्टरिंग। तो यहां पर बच्चों जो ये फैक्टर है, ये फैक्टर भी एक तरीके का क्या बन गया? हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर। पर ध्यान रखना कब? अगर हमने फैक्टर को जो ये रिसीवेबल सेल किया है ये रिकोर्स बेसिस पर किया हो। सर व्हाट इज रिकोर्स बेसिस? तो बच्चों जब भी हम फैक्टर को अपना रिसीवेबल सेल करते हैं ना, वो दो तरीके से सेल होता है, रिकोर्स या नॉन रिकोर्स। दोनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चों? 6 महीना पूरा होने के बाद ये फैक्टर मेरे डेटर के पास जाकर 100 करोड़ मांगेगा। अगर मेरे डेटर ने 100 करोड़ देने से मना कर दिया और ये फैक्टरिंग थी नॉन रिकोर्स, क्या ये फैक्टर भूषण स्टील्स के अगेंस्ट कुछ भी कर पाएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज भूषण स्टील ने फैक्टर को नॉन रिकोर्स बेसिस पर जब बेचा तो उसने क्या कहा? जी मेरी टेंशन खत्म, आप मेरे अगेंस्ट कोई रिकोर्स यहां पर नहीं रख सकते। तो एक तरीके से वो क्रेडिटर ही नहीं है। तो ध्यान रखना बच्चों, नॉन रिकोर्स बेसिस की फैक्टरिंग यहां पर कवर्ड नहीं है, बिकॉज वहां पर हमारी सरदर्दी खत्म हो चुकी। पर बच्चों अगर मेरे डेटर ने उस फैक्टर को पैसा चुकाने में किया डिफॉल्ट, तो बच्चों रिकोर्स बेसिस की फैक्टरिंग में क्या वो फैक्टर भूषण स्टील को जाकर कह सकता है कि जी आपके डेटर ने पेमेंट नहीं करी तो चलिए आप इसकी पेमेंट करिए? द आंसर इज यस। तो ध्यान रखना बच्चों यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिकोर्स बेसिस वाली फैक्टरिंग को ही कवर किया गया। और क्या क्या आएगा बच्चों आपका फाइनेंशियल डेट में? यहां पर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो पॉइंट आया ये आया बिल्डर्स के केस में। तो जो बिल्डर्स के केस में होम बायर्स होते हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो जेपी इंफ्राटेक का एक केस हुआ था, बहुत लंबा वो केस चला हुआ, और उस केस के तहत ये अमेंडमेंट आईबीसी में की गई थी कि बच्चों जो होम बायर्स होते हैं, तो आपको पता होगा जब भी एक बिल्डर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बनाता है वो आपको एक प्लान बनाकर देता है कि जी 2 साल में ये फ्लैट बनकर तैयार हो जाएगा, आप 20% की डाउन पेमेंट अप कर दो, 10% की पेमेंट इतने टाइम बाद, 10% पेमेंट इतने टाइम बाद। तो वहां पर आप एक तरीके से वो फ्लैट ना किश्तों पर खरीद रहे हो। तो इस ट्रांजेक्शन का कमर्शियल इफेक्ट क्या है कि आपने वो घर बिल्डर से खरीदने के लिए एक तरीके से लोन लिया। अब होता क्या है, बिल्डर ने आपसे लोन लिया कि जी आप पैसा पे कर दे रहे ना, बिल्डर आपको घर बना कर देगा, तो आप बच्चों किश्तों में बिल्डर को पैसा दे रहे हो। तो बिल्डर ने कहा ठीक है जी आप किश्तों में पैसा दो, 2 साल बाद मैं घर रेडी करके दूंगा। आपने 2 साल तक बच्चों सारी किश्तें भर दी और बाद में पता चला 2 साल बाद वो घर 5% भी रेडी नहीं है। आपने क्या कहा, बिल्डर आपने मेरे से सारा पैसा तो ले लिया पर बदले में घर ही नहीं दिया। ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हुआ। तो सवाल उठा बच्चों, आज वो बिल्डर ने मेरे से किश्तों में पैसा लिया तो क्या मैं उस बिल्डर के लिए क्रेडिटर हो गया? बिल्कुल, बिल्डर को मुझे घर प्रोवाइड करना है। तो बच्चों ये जो ट्रांजेक्शन हुई इसका कमर्शियल इफेक्ट क्या है? बोरोइंग, कि एक तरीके से बिल्डर ने मेरे से उधार पर पैसा लिया और कहा था घर देगा पर वो घर कभी प्रोवाइड ही नहीं किया। तो ध्यान रखना उस बिल्डर के लिए अब होम बायर्स क्या बन जाएंगे? एक फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगली बात बच्चों, और क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर में आया? कोई भी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल आपने कोई इंटरेस्ट रेट स्वैप किसी बैंक के साथ एंटर किया तो फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएगा। काउंटर इंडेमनिटी आपकी, सो फॉर एग्जांपल भूषण स्टील्स की यहां पर कोई सब्सिडरी कंपनी थी, आज सब्सिडरी कंपनी को कोई लोन चाहिए था, उस लोन के लिए सब्सिडरी कंपनी बैंक के पास गई,
बैंक से कहा जी आप मुझे गारंटी प्रोवाइड कर दो ताकि मुझे सामने वाले पर्सन से लोन मिल जाए। बैंक ने कहा गारंटी दे दूंगा पर मुझे बदले में काउंटर गारंटी चाहिए। और भूषण स्टील ने बच्चों अपनी सब्सिडरी के लिए इस बैंक को काउंटर गारंटी प्रोवाइड करी कि बैंक फ्यूचर में अगर आपकी गारंटी इनवोक होती है डोंट वरी आप उस गारंटी का पैसा पे करना और मैं आपको काउंटर गारंटी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो बच्चों काउंटर गारंटी ऑब्लिगेशंस भी फाइनेंशियल क्रेडिटर में कवर है और ये ऊपर जितनी भी आपको ट्रांजेक्शन दी गई अगर इन सारी ट्रांजेक्शन के लिए कोई इंडेमनिटी या गारंटी दी जाती है ये सब भी फाइनेंशियल डेट का ही पार्ट माना जाएगा। नेट नेट ये जितने भी क्रेडिटर्स बच्चों यहां पर आ रहे हैं ये कौन हो जाएंगे हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर। हमारे एग्जाम्पल में फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पर बच्चों आईबीसी में दूसरे टाइप के क्रेडिटर्स कौन बनते हैं दूसरे टाइप के क्रेडिटर्स बच्चों आप क्या जाते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब एक ऐसा क्रेडिटर जिसको हम ऑपरेशनल डेट ओ करते हैं। और ऑपरेशनल डेट का क्या मतलब है फॉर एग्जांपल अ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विस कि हमने अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल उधार पर खरीदा बदले में पेमेंट नहीं करी ऑपरेशनल क्रेडिटर है। हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे नहीं करी ऑपरेशनल क्रेडिटर है। हमने गवर्नमेंट के ड्यूज पे नहीं किए टैक्सेस के ड्यूटीज के वो भी क्या हो जाएंगे हमारे लिए ऑपरेशनल क्रेडिटर। और क्या बच्चों ये लोग भी भूषण स्टील को घसीट कर आईबीसी में ला सकते हैं आंसर इज यस। ध्यान रखना बच्चों ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास भी राइट है। और जस्ट एक छोटा सा इंटरेस्टिंग केस बता रहा हूं अभी कुछ महीने पहले ओयो के अगेंस्ट भी केस फाइल हुआ था। ओयो के जो होटल मैनेजर्स या ओनर्स थे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने ओयो पर केस फाइल कर दिया था ऑपरेशनल क्रेडिटर को। ओयो के ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने रिसेंटली ओयो के अगेंस्ट केस फाइल किया था वो केस बाद में विथड्रॉ हो गया था पर हाँ ओयो के ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने भी यहां पर आईबीसी के प्रोविजन इन्वोक किए थे। नेट नेट आपको जो ध्यान रखना बच्चों क्या ध्यान रखना है किसी भी कंपनी को आईबीसी में घसीट कर उसका फाइनेंशियल क्रेडिटर भी ला सकता है और उसका ऑपरेशनल क्रेडिटर भी ला सकता है। अब बच्चों जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो क्या आ रही है कि जी लॉ मेकर ने क्रेडिटर्स का ऐसा दो कैटेगरीज में बाइफर्केशन क्यों किया। बच्चों लॉ मेकर ने ऐसा बाइफर्केशन इस वजह से किया कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं वो जनरली होते हैं बड़े बड़े बैंक्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं वो जनरली होते हैं कंपनी के छोटे छोटे एम्प्लॉइज क्रेडिटर्स। तो बच्चों आज अगर हमें भूषण स्टील्स के लिए कोई डिसीजन लेना हो कि जिस कंपनी को कैसे आगे चलाएं चलाएं ना चलाएं बंद करें किसी को बेचें लिक्विडेट करें वो डिसीजन लेने की क्षमता बेटर किस में होगी एक ऑपरेशनल क्रेडिटर में या फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में। ऑब्वियसली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में बिकॉज दीज आर बिग बिग इंस्टीट्यूशन बिग बिग बैंक्स और इन लोगों के पास जनरली जो स्किल सेट या नॉलेज है डिसीजन लेने का बेटर होगा। आज अगर हम छोटे छोटे अपने क्रेडिटर्स को एम्प्लॉइज को कहते जी आप इस कंपनी के बारे में सोचो शायद वो ये डिसीजन ना ले पाए। तो बच्चों जब हम आईबीसी में आगे जाएंगे हम क्या सीखेंगे अगर किसी भी कंपनी का केस आईबीसी में एडमिट हो जाता है फिर उस कंपनी का पूरा कंट्रोल प्रमोटर्स के हाथ से फॉर द टाइमिंग निकल जाता है और उस कंपनी का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है उस कंपनी के क्रेडिटर्स के हाथ में जिसके लिए आईबीसी में क्या बनाई जाती है एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों सीओसी। तो आईबीसी में हम आगे क्या सीखेंगे कि जैसे ही किसी भी कंपनी का केस आईबीसी में एडमिट होगा वहां पर बनती है बच्चों एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और उस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा चलेगी बंद होगी वो कौन डिसाइड करती है ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। इसलिए हम क्या कहते हैं बच्चों आईबीसी किस प्रोविजन पर चलता है आईबीसी इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ क्रेडिटर इन पोजेशन। तो इस प्रिंसिपल पर आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बेस्ड है कि जी अगर किसी कंपनी ने आज के बाद डिफॉल्ट किया तो प्रमोटर भूल जाओ अपनी कंपनी को अब तुम्हारी कंपनी का क्या होगा ये डिसाइड करेंगे तुम्हारी कंपनी के क्रेडिटर्स दैट इज तुम्हारी कंपनी का कंट्रोल या पोजेशन किसके हाथ में चला गया क्रेडिटर्स के हाथ में। बच्चों इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है कि आईबीसी में जो कॉर्पोरेट पर्सन की इंसॉल्वेंसी के प्रावधान है वो किससे इंस्पायर्ड है किस प्रिंसिपल बेस्ड है क्रेडिटर इन पोजेशन मतलब अब क्रेडिटर डिसाइड करेंगे इस कंपनी का क्या हो। और बच्चों जो ये सीओसी बनेगी इस सीओसी पर कौन से क्रेडिटर्स को अपॉइंट किया जाएगा फाइनेंशियल या ऑपरेशनल। तो बच्चों यहां पर आपके आते हैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स दैट इज इस कंपनी का फेट क्या होगा दिस इज डिसाइडेड बाय दिस कमेटी और इस कमेटी पर कौन अपॉइंट होंगे आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। इस वजह से लॉ मेकर ने क्रेडिटर्स की दो कैटेगरीज में बाइफर्केशन करी है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे वो बाद में सीओसी पर जाएंगे और वो इस कंपनी का फेट डिसाइड करेंगे। ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है आप केस फाइल कर सकते हो आप आईबीसी में केस इनिशिएट करिए पर बाद में जो कमेटी बनेगी उसमें आपका रोल नहीं होगा उसमें रोल फाइनली किसका रहेगा बच्चों फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का। तो ये रीजन है कि हम क्यों क्रेडिटर्स का यहां दो कैटेगरीज में करते हैं बाइफर्केशन। तो बच्चों ये हमारा सेक्शन 5 की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कवर हुई फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो ये बच्चों हमारा आईबीसी के बेसिक मीनिंग है। अब हम चलते हैं बच्चों कि अगर भूषण स्टील किसी का भी डिफॉल्ट कर दे चाहे अपने फाइनेंशियल क्रेडिटर का चाहे अपने ऑपरेशनल क्रेडिटर का तो अब आईबीसी में उसका केस कैसे चलेगा कैसे उसे घसीट कर लाया जाएगा क्रेडिटर्स कैसे उसका फेट डिसाइड करेंगे कैसे कमेटी बनेगी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आईबीसी इज ऑल अबाउट दिस। तो बच्चों उसी की चर्चा हम करने जा रहे हैं
और उसकी चर्चा करने के लिए मैं एक छोटा सा स्नैपशॉट इस्तेमाल यहां पर करने वाला हूं। यह स्नैपशॉट अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप क्लिक करना, आप स्नैपशॉट पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों मैंने पूरे आईबीसी को 5 स्टेजेस में किया है बाइफरकेट। अगर आप इन 5 स्टेजेस पर अपनी ग्रिप बना लेंगे पूरा आईबीसी आपके लिए मक्खन मलाई हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं है फिर इसमें, अगर आपने इन 5 स्टेजेस की मेन बातों को समझ लिया। तो बच्चे यहां पर सबसे पहली स्टेज क्या आएगी कि जैसे ही भूषण स्टील्स किसी का भी डिफॉल्ट करती है, कितने रुपए का, कम से कम 1 करोड़ रुपए का, तो आज भूषण स्टील्स को घसीट कर आईबीसी में लाया जा सकता है एनसीएलटी के आगे। और भूषण स्टील को बच्चों एनसीएलटी के आगे कौन घसीट कर ला सकता है? कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर, कोई भी ऑपरेशनल क्रेडिटर। यहां पर बच्चों एक और अच्छी ब्याह यूनिक बात कहूंगा, अच्छी तो क्या कि जी वो कंपनी अगर खुद चाहे तो खुद से भी एनसीएलटी के पास जाकर रोक सकते कि जी सॉरी मैं अपने क्रेडिटर्स का पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं हूं, मैं परेशान हो चुकी हूं, तो एनसीएलटी मैं चाहती हूं कि आप मेरा केस यहां पर एडमिट कर लीजिए। तो ध्यान रखना बच्चों यहां पर फाइनेंशियल क्रेडिटर भी घसीट कर लेकर जा सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी, या भूषण स्टील्स अगर चाहे तो खुद से जाकर भी अपनी इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास दे सकती है। तो ये आती है बच्चों स्टेज वन। अब जैसे ही बच्चों में एनसीएलटी के पास गए, लेट सपोज भूषण स्टील्स थी, लेट मी जस्ट रिवाइंड दैट एग्जाम्पल, भूषण स्टील्स ने बच्चों हमारे एग्जाम्पल में किससे लोन ले रखा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। भूषण स्टील्स ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये लोन नहीं चुकाया, कॉन्स्टेंटली भूषण स्टील डिफॉल्ट करे जा रही है, तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो एनसीएलटी के पास घसीट कर एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर भूषण स्टील को लेकर जा सकती है? यस। एसबीआई पहुंच गई एनसीएलटी के पास और कहा एनसीएलटी देखो वो कंपनी मेरे पैसे का डिफॉल्ट कर रही है, तो बच्चों एनसीएलटी यहां पर देखेगा क्या एसबीआई के केस में जेन्युइनली दम है या नहीं, और अगर उसका केस ठीक है तो एनसीएलटी यहां पर एप्लीकेशन कर लेगा एडमिट। और बच्चों जैसे ये एप्लीकेशन एडमिट होगी अब ये कंपनी आ गई आईबीसी में, अब इसका काम आईबीसी में स्टार्ट हो जाएगा, अब इसकी प्रोसीडिंग्स आईबीसी में चलेंगी। और बच्चों जैसे ही एनसीएलटी यहां पर एप्लीकेशन एडमिट करता है, स्टेप टू या स्टेज टू में क्या होगा, जैसे ही एनसीएलटी आप एप्लीकेशन एडमिट करोगे, एनसीएलटी एप्लीकेशन एडमिट करते ही 3 काम करता है। सबसे पहला बच्चों यहां पर एक मोरेटोरियम डिक्लेयर किया जाता है। मोरेटोरियम क्या होता है कि जी एनसीएलटी कहेगा अब भूषण स्टील्स मेरे अंडर आ चुकी है, इसका केस अब मैं देखूंगा आईबीसी में, तो इस पर मैं लगा रहा हूं एक मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मतलब कूलिंग पीरियड, मतलब अब भूषण स्टील्स के अगेंस्ट कोई भी दूसरा पर्सन किसी भी दूसरे कोर्ट में जाकर केस फाइल नहीं करेगा, कहीं और कोई केस चल रहा था वो केस रुक जाएगा, इसके कोई एसेट नहीं बेचेगा, कोई लायबिलिटी रिपे नहीं होगी, अब सब कुछ एकदम शांत हो जाएगा। दैट इज एक मोरेटोरियम डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि अगर एनसीएलटी इस कंपनी का फेट डिसाइड करेगा और ये सब काम कंपनी में चलते रहेंगे कि इसके एसेट्स बिक रहे हैं, लायबिलिटी पे हो रही है, दूसरे केसेस फाइल हो रहे हैं, तो आईबीसी में कभी भी एक अच्छा रिजोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो एनसीएलटी इसलिए सबसे पहले बच्चों एक मोरेटोरियम डिक्लेयर करेगा, फिर एनसीएलटी यहां पर एक पब्लिक अनाउंसमेंट करवाएगा। एनसीएलटी कहेगा देखो जी भूषण स्टील्स का केस मेरे पास आया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि भूषण स्टील ने उसका पैसा नहीं चुकाया, पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें भूषण स्टील से अपना पैसा लेना है, तो आप लोगों का अगर कोई क्लेम भूषण स्टील के अगेंस्ट है कृपया आकर हमें बता दीजिए। तो एनसीएलटी क्या करेगा, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करवाएगा कि जिस जिसका क्लेम भूषण स्टील्स के अगेंस्ट है कृपया आप आगे आए और अपना क्लेम बताइए कि आपको कितना पैसा भूषण स्टील से लेना है, ताकि हमें पता चल पाए कि इस कंपनी की लायबिलिटी की सिचुएशन क्या है। तो सेकंड स्टेप में बच्चों एनसीएलटी क्या करेगा, एक पब्लिक अनाउंसमेंट, क्योंकि केस तो एसबीआई ने फाइल किया है पर अभी एम्प्लॉइज भी हैं, क्रेडिटर्स भी हैं, दूसरे बैंकर्स भी हैं जिन्हें भूषण स्टील से पैसा लेना है, तो वो लोग भी अब आगे आएंगे और अपना क्लेम बताएंगे। और बच्चों वो लोग अपना क्लेम जाकर क्या एनसीएलटी को बनाएंगे? नहीं। यहां पर आ रही है बच्चों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया बात कि लॉ मेकर ने क्या कहा, एनसीएलटी यहां पर भूषण स्टील्स के लिए एक प्रोफेशनल को करेगा अपॉइंट, जो भूषण स्टील्स के सारे कामकाज का देखरेख करेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑब्वियसली। तो यहां पर एनसीएलटी एक प्रोफेशनल को अपॉइंट करता है, और बच्चों आईबीसी के तहत जो ये प्रोफेशनल है, इस प्रोफेशनल को हम नाम क्या दे देते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कि आप हो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। और बच्चों सीएस के लिए खास बात क्यों, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की पोस्ट हायर कर सकता है, अपॉइंट हो सकता है, तो एक सीए को भी राइट है कि आप भी अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहो आप बनिए। अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन गए तो एनसीएलटी आपको भूषण स्टील के केस में कर देगा अपॉइंट, और लोगों से कहेगा जी आगे के बाद भूषण स्टील का पूरा कामकाज ये पर्सन देखने वाला है जिसके जो जो क्लेम है इस पर्सन को लाए, दैट इज एनसीएलटी यहां एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बच्चों क्या अपॉइंट कर देगा, आईआरपी एज एन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का डेटाबेस है, एनसीएलटी वहां से एक प्रोफेशनल को पिक करेगा और कहेगा लो भाई अब तुम भूषण स्टील्स के केस में हो गए अपॉइंट, और तुम्हें अब क्या बोला जाएगा,
इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, कि भूषण सील्स की जो इंसॉल्वेंसी हम आगे रिजॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं, इसको रिजॉल्व करने में ये प्रोफेशनल हमारी मदद करेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। दैट इज जैसे ही स्टेज टू में एनसीएलटी केस एडमिट करेगा, वो तीन काम करेगा, सबसे पहला मॉरेटोरियम डिक्लेयर करेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा और एक आईआरपी को किया जाएगा अपॉइंट। तो बच्चों ये दो स्टेजेस हमने देखी, स्टेज वन एप्लीकेशन स्टेज कि भूषण स्टील को घसीटकर आईबीसी में लाया जाएगा, कौन घसीटकर ला सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या भूषण स्टील खुद। अब जैसे ही एनसीएलटी में केस एडमिट होगा, एनसीएलटी तीन काम करेगा, एक मॉरेटोरियम लगाया जाएगा शांति का, कूलिंग का पीरियड, दूसरा एक पब्लिक अनाउंसमेंट की जाएगी, और तीसरा यहां पर एक आईआरपी को किया जाएगा अपॉइंट। ये आईआरपी कौन से में से अपॉइंट होगा, तो वो जो सारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं उनमें से किसी को उठा करके यहां आईआरपी की तरह किया जाएगा अपॉइंट। तो ये बच्चों दो स्टेजेस हुई। तीसरी स्टेज में क्या होगा बच्चों, अब भूषण स्टील का सारा मैनेजमेंट, सारे अफेयर्स का कंट्रोल किसके हाथ में है, आईआरपी, और जितने भी लोगों के जो भी क्लेम भूषण स्टील्स के अगेंस्ट हैं, वो अपने क्लेम किसको जाकर सबमिट करेंगे, आईआरपी को। तो एसबीआई का क्लेम तो ऑब्वियसली ऑलरेडी आ चुका है, बाकी एम्प्लॉइज क्रेडिटर्स दूसरे जितने भी हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं वो सब आईआरपी के पास जाएंगे, कहेंगे जी हमें इतना पैसा लेना है, हमें इतना पैसा लेना है, हमें इतना पैसा लेना है, और सब लोगों के क्लेम्स बच्चों फाइनली किसके पास आ जाएंगे, आईआरपी के पास। और बच्चों जैसी आईआरपी के पास सब लोगों के क्लेम्स आएंगे, आईआरपी क्या देखेगा, इन क्लेम्स में से कितने क्रेडिटर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं और कितने क्रेडिटर्स ऑपरेशनल, मतलब जितने भी लोगों के क्लेम आगे आएंगे आईआरपी चेक करेगा, अच्छा जी आप फाइनेंशियल क्रेडिटर, आप फाइनेंशियल क्रेडिटर वाली लाइन में लग जाओ, आप ऑपरेशनल क्रेडिटर, आप ऑपरेशनल क्रेडिटर वाली लाइन में लग जाओ, तो सारे क्रेडिटर्स को बाइफरकेट करके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर की अलग अलग लाइन बनाई जाएगी। ऐसा क्यों, आई होप आप गेस कर चुके हो, क्योंकि आईआरपी का अगला काम क्या होगा, एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाना। और बच्चों कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पर कौन से क्रेडिटर्स को अपॉइंट किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो आईआरपी के पास जितने भी लोगों के क्लेम्स आए, उन सब लोगों के क्लेम्स में से ऑपरेशनल क्रेडिटर की अलग लाइन, फाइनेंशियल क्रेडिटर की अलग लाइन, और जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उन्हें इकट्ठा करके क्या बना दी जाएगी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर। तो यही बच्चों हमारे आ जाते हैं स्टेज थ्री की, आईआरपी यहां पर बनाएगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिसमें सिर्फ कौन आते हैं बच्चों, फाइनेंशियल क्रेडिटर। बच्चों खास बात पता है क्या, कि यहां जो ये सीए साहब हैं जो आईआरपी थे, उन्हें या उन्होंने कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाई, और जैसे ही वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का गठन करते हैं, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अपनी पहली मीटिंग में सबसे पहला काम क्या करती है, वो इसी सीए को बुला लेती है, कहते हैं आप इधर आओ, आपको तो ऊपर अपॉइंट किया गया था, पर अब इस कंपनी का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है, लेट अस डिसाइड कि हमें आप ही से अपनी कंपनी की या भूषण स्टील की इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करवाना है, या आपकी जगह कोई दूसरा सीए आना चाहिए। नेट ये जो आईआरपी है इसने सीओसी बनाई, एंड जस्ट आफ्टर दैट सीओसी डिसाइड कि हमें इसी आईआरपी से अपना काम चलाना है या इसकी जगह कोई दूसरा सीए हम अपॉइंट करें, मतलब पूरी कंपनी का कंट्रोल बच्चों क्रेडिटर्स के हाथ में, एंड क्रेडिटर्स विल डिसाइड कि यही प्रोफेशनल आगे कंपनी का कामकाज देखेगा या इसकी जगह कोई दूसरा प्रोफेशनल आना चाहिए। तो सीओसी यहां पर क्या काम करेगी, या तो इसी आईआरपी को कर देगी अपॉइंट कि जी आप ही काम करते रहिए, या इसकी जगह कोई नया प्रोफेशनल आ जाएगा। और जैसे ही बच्चों ये फाइनल प्रोफेशनल यहां पर अपॉइंट होगा, इस फाइनल प्रोफेशनल को हम नाम क्या देने लग जाएंगे, आरपी, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। और बच्चों यहीं से आप एक चीज क्या समझ गए होंगे, इससे ऊपर आईआरपी की बोला गया क्योंकि ये था इंटरिम, फॉर द टाइम बिंग टेम्परेरी, तो जो सबसे पहले प्रोफेशनल अपॉइंट है वो आईआरपी इंटरिम था, क्योंकि फाइनल वाला तो कौन अपॉइंट करेगी, सीओसी। तो आईआरपी आएगा, सीओसी बनाएगा, फिर सीओसी फाइनल वाला आरपी अपॉइंट करेगी, और सीओसी चाहे तो क्या इसी आईआरपी को आरपी की पोस्ट पर अपॉइंट कर सकती है, आंसर इज यस। क्या सीओसी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स चाहे तो क्या किसी दूसरे सीए साहब को भी ला सकती है, आंसर इज यस। दैट इज यहां पर सीओसी इंटर्न अपॉइंट्स द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो बच्चों ये अभी तक के हमारी तीन स्टेजेस आई है, प्लीज साइड बाय साइड रिवाइज करते चलिएगा। स्टेज वन तो हमारी क्या आई थी, एप्लीकेशन स्टेज, कि किसी भी कंपनी का केस आईबीसी में फाइल होगा। स्टेज टू हमारी बच्चों क्या आई, जैसी एप्लीकेशन फाइल होगी, एनसीएलटी यहां पर तीन काम करेगा, एक तो मॉरेटोरियम डिक्लेयर करेगा, एक पब्लिक अनाउंसमेंट आएगी, और एक यहां पर आईआरपी को किया जाएगा अपॉइंट। फिर आईआरपी सब लोगों के क्लेम्स कोलेक्ट करेगा, और आईआरपी किसका गठन कर देगा, सीओसी का, और सीओसी पर सिर्फ कौन आएंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर। और जैसे ही सीओसी का गठन होगा, सीओसी किसको अपॉइंट करेगी, फाइनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो यही वाला आईआरपी भी हो सकता है या इसकी जगह कोई नया भी आ सकता है। और बच्चों फिर आ जाएगी हमारी आईबीसी की स्टेज चार। बच्चों ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा, अब यहां पर बच्चों आईबीसी की सबसे खास और यूनिक बात आने वाली, ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों यहां पर आप एक चीज समझिएगा, कंपनी थी भूषण स्टील्स, भूषण स्टील्स ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पैसे का डिफॉल्ट किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भूषण स्टील्स को घसीट कर लेकर गया, एप्लीकेशन फाइल हो गई, मॉरेटोरियम पब्लिक अनाउंसमेंट आईआरपी आ गया,
कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बन चुकी है और फाइनल आरपी यहां पर आ चुका है। भूषण स्टील्स पर इस समय किसका कंट्रोल है? कमेटी ऑफ क्रेडिटर और उसके द्वारा अपॉइंटेड आरपी का। अब बच्चों हमारे पास क्या चीज देखने को है, तो बच्चों अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स मिलकर डिसाइड कर रहे हैं जी भूषण स्टील ने देखो इतने सारे लोगों का इतना सारा पैसा चुकाने में किया है डिफॉल्ट, क्या हम इसे उठाकर सीधा बंद कर दें? तो आईबीसी ने कहा नहीं। आईबीसी कहता है जी किसी भी कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया है अगर हम उसे सीधा बंद करते हैं तो इतना सारा एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा, प्लस बंद करने पर किसी भी धंधे से ना उतना पैसा रियलाइज नहीं होता। इसलिए आईबीसी एक खास बात क्या लेकर आया, सीओसी ने कहा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आप इधर आओ, आप एक काम करो आप हमारी कंपनी की बेसिक डिटेल्स का एक मेमोरेंडम एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करो और आप लोगों को एट लार्ज या पब्लिक को एट लार्ज कहो कि देखो जी भूषण स्टील्स ने डिफॉल्ट किया है, आज भूषण स्टील को अपने बैंकर्स का क्रेडिटर्स का लेट से 50,000 करोड़ चुकाना है, ये इसकी स्थिति है, ये इसके एसेट है, अगर कोई चाहे तो भूषण स्टील्स को खरीद सकता है और हमारा कुछ पैसा चुका सकता है, और अगर आप भूषण स्टील्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हो आप कृपया अपना एक प्लान बनाकर आ गया हो। मतलब यहां पर जैसी भूषण स्टील्स में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अपॉइंट होगी क्या वो सीधा भूषण स्टील्स को आईबीसी में बंद करेंगे? ना, हम कोशिश करेंगे कि जी भूषण स्टील्स को शायद कोई एक्वायर कर ले, तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड आरपी स्टेज 4 में वेट करेंगे जी शायद कोई भूषण स्टील्स को खरीदने आ जाए, तो वो एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करेंगे जिसमें भूषण स्टील के सारे एसेट एंड क्रेडिटर्स की डिटेल होंगी एंड वो वेट करेंगे जी शायद कोई खरीदने आए, शायद कोई खरीदने आए। लेट सपोज बच्चों कुछ कंपनीज आ गई, एक कंपनी का नाम आया जेएसडब्ल्यू स्टील, उसने कहा जी ठीक है मैं आगे आ रही हूं, तो जी जेएसडब्ल्यू स्टील आगे आके बस ये कह देगी जी भूषण स्टील में कह दे, तो नहीं, जेएसडब्ल्यू स्टील अगर आप भूषण स्टील को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो आपको यहां पर एक प्लान बनाकर लाना पड़ेगा, उस प्लान में आप बताना कि आप भूषण स्टील्स को कैसे खरीदोगे, उसके कौन से क्रेडिटर को कितना पैसा पे करोगे, कितना कैश दोगे, कितना इक्विटी दोगे, कितना पैसा उनका डूबेगा, आपको एक प्रॉपर प्लान बनाकर लाना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज बच्चों भूषण स्टील्स के टोटल क्रेडिटर्स है 50,000 करोड़, जेएसडब्ल्यू स्टील आ गया ही और वो कह रहे जी ठीक है मैं सारे क्रेडिटर्स को 30,000 करोड़ चुका दूंगी और कंपनी मेरी। सीओसी ने कहा चलो देखते हैं शायद कोई और आ गया है। सीओसी ने थोड़ा और बैठ किया बच्चों और एक और कंपनी आ गया है जिसका नाम था टाटा स्टील। उसने कहा जी हम भी एक प्लान बनाकर लाए हैं, हम भी भूषण स्टील्स को खरीदने में इंटरेस्टेड है और अगर आप हमें भूषण स्टील को बेचते हो लेट सपोज हम आपको 40,000 करोड़ देने को तैयार है। तो बच्चों यहां पर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को अगर ये प्लान पसंद आ रहे हैं वो किसका प्लान अप्रूव करेंगे? टाटा स्टील का। तो इस तरीके से बच्चों हम वेट करते हैं कि शायद कोई भूषण स्टील्स को खरीदने के लिए आ गया। और बच्चों हम कितने दिनों तक, क्या हम साल, दो साल, तीन साल, पांच साल तक वेट करते रहेंगे? नहीं, यहां पर लॉ ने लगाई एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन और लॉ ने क्या कहा जी जिस दिन एनसीएलटी ने स्टेप 1 में इस कंपनी का केस एडमिट किया था उस दिन से हम वेट करेंगे अगले 180 दिनों तक। मतलब हम जो ये वेट है ऐसा नहीं है कि 4-5 साल तक करते ही रहेंगे, ना, आपको जो इंतजार करना है इंतजार मैक्सिमम कितने दिन तक करना है? 180 डेज तक। 180 डेज काउंट कहां से होंगे? जिस दिन एनसीएलटी के पास एक केस एडमिट हुआ था वहां से 180 दिन। और अगर इन 180 दिन के दौरान कोई भूषण स्टील्स को खरीदने के लिए आगे आना चाहता है तो वो भूषण स्टील्स को खरीदने के लिए अपना एक प्लान बनाकर लाए और हमें बताए कि वो भूषण स्टील्स की जो इनसॉल्वेंसी है उसे कैसे रिजॉल्व करेगा। बच्चों ध्यान से समझना, जो जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील प्लान बनाकर लाई उस प्लान के तहत उन्होंने क्या बताया कि जी भूषण स्टील्स जो इंसॉल्वेंट कंपनी है उसकी इंसॉल्वेंसी को हम रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो जी उसकी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए ये लोग एक प्लान बनाकर लाए और इस प्लान को बच्चों हम नाम क्या दे देते हैं? रिजोल्यूशन प्लान। इस प्लान को क्या बोला जाता है? रिजोल्यूशन प्लान। कि जी ये दोनों लोग अपनी तरफ से एक रिजोल्यूशन प्लान बनाकर लाएंगे और दोनों में से जिसका भी प्लान सीओसी को पसंद आएगा क्या सीओसी चाहे तो वो प्लान अप्रूव कर सकती है? द आंसर इज यस। तो जी सीओसी प्लान अप्रूव कर देगी और बच्चों लेट सपोज सीओसी ने टाटा स्टील के प्लान को कर दिया अप्रूव, तो जी सीओसी क्या कहेगी? ठीक है टाटा स्टील, भूषण स्टील्स आपकी, हमें 50,000 करोड़ इस कंपनी से लेने थे, आपके प्लान के तहत आप 40,000 करोड़ देने को तैयार हो, चलो बहुत बढ़िया, कंपनी बंद करते तो शायद इतना भी नहीं मिलता, तो हम 10,000 करोड़ का हेयर कट ले लेंगे, उतना हमारा नुकसान, ये कंपनी आगे से आपकी। और बच्चों भूषण स्टील किसकी हो जाएगी? टाटा स्टील की। तो ये आईबीसी की सबसे खास बात क्या है कि जिस दिन एनसीएलटी में केस एडमिट हुआ था वहां से अगले 180 दिन तक हम लोग वेट करेंगे कि जी शायद कोई भूषण स्टील की इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने आ जाए, और अगर ये इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व हो गई इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। तो बच्चों जो इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने के लिए प्लान बनाकर लाया उसे हमने क्या कहा? रिजोल्यूशन प्लान। और ये सारा काम बच्चों कितने दिन में हो जाना चाहिए? 180 डेज। और अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल हो गया तो हम क्या कहेंगे कि ये जो कॉर्पोरेट पर्सन था भूषण स्टील इसकी इंसॉल्वेंसी बच्चों क्या हो गई है? रिजॉल्व।
और इसीलिए बच्चों इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, कि किसी कॉर्पोरेट पर्सन की इंसॉल्वेंसी को हम रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम 180 दिन तक वेट करेंगे। पर बच्चों तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर भूषण स्टील्स को खरीदने के लिए ऐसे कोई आगे आए ही ना, कोई प्लान बनाकर लाए ही ना, या वो प्लान बना लाया पर प्लान इतना बेकार बनाकर लाया, कह रहे जी मेरे को 1000 करोड़ में कंपनी बेच दो, उसका प्लान इतना बेकार है, तो बच्चों उस केस में क्या होगा, तो बच्चों उस केस में इसकी इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं होगी। एंड फाइनली बच्चों फिर स्टेज 5 में क्या होगा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कहेगी जी हमने पूरी कोशिश करी कि भूषण स्टील्स को कोई खरीद ले, अच्छे से रिजॉल्व कर दे, पर कोई करने को ही तैयार नहीं है, तो अब हम मजबूर हैं और हम फाइनली इस कंपनी को क्या करेंगे, लिक्विडेट, और हम इसके एसेट्स बेचकर हम अपने पैसे को जितना भी रिकवर कर पाएंगे फाइनली रिकवर करेंगे, और इस कंपनी का लिक्विडेशन या आप कह सकते हो वाइंडिंग अप होगा, और फाइनली इस कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व, दैट इज उस पर फाइनली ताला लगा दिया जाएगा और फाइनली मर जाएगी, उसे क्या कर देंगे, डिसॉल्व, दैट इज स्टेज 5, यहां पर लिक्विडेशन हो जाएगी इनिशिएट। तो ध्यान रखना बच्चों ये 5 स्टेजेस रहती है, मैं फिर से स्टेजेस रिपीट कर रहा हूं, स्टेज 1 में एप्लीकेशन फाइल हुई, स्टेज 2 में जैसी एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एडमिट करी वो 3 काम करेगा, मोरेटोरियम डिक्लेयर करेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा ताकि दूसरे लोग भी अपने क्लेम लेकर के आए, और वो अपॉइंट करेगा एक आईआरपी, जैसी आईआरपी अपॉइंट होगा वो सारे क्लेम्स कोलेक्ट करने के बाद एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएगा, उस सीओसी पर सिर्फ कौन से क्रेडिटर्स होंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर, और वो सीओसी फाइनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को करेगी अपॉइंट। अब जैसे ही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आएगा वो सब लोगों से रिजोल्यूशन प्लान मंगवाएगा, दैट इज आरपी इनवाइट्स रिजोल्यूशन प्लान फ्रॉम रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, जो लोग भी प्लान बनाकर लाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एप्लीकेंट, वो प्लान सीओसी के आगे सबमिट किया जाएगा, और अगर सीओसी को वो प्लान पसंद आया और फाइनली एनसीएलटी ने भी वो प्लान अप्रूव कर दिया, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, इस कंपनी की इंसॉल्वेंसी हो गई है रिजॉल्व, दैट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इज कंप्लीट। और बच्चों ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम मिलता है, 180 दिन, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 180 डेज टफ बातें हैं, पर वैसे टाइमलाइन कितना है, 180 डेज। पर बच्चों अगर इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हुई, कोई उस कंपनी को खरीदने आगे आया ही नहीं, तो बच्चों स्टेज 5 में फाइनली क्या होगा, उस कंपनी को किया जाएगा लिक्विडेट, एंड दिस इज द एंटायर स्टोरी या फ्लो ऑफ आईबीसी, एंड दिस इज ऑल अबाउट आईबीसी। अगर आपने 5 स्टेजेस के स्टेप्स पकड़ लिए, ट्रस्ट मी पूरे आईबीसी में आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं, इन्हीं चीजों का बस आगे डिटेल किया गया, पर इसका मोटा मोटा फ्लो यही रहने वाला है। तो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ आईबीसी, ये चार्ट फिर से मैं कह रहा हूं बच्चों, ये चार्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर जाना, ये 5 स्टेजेस अपने माइंड में फिट कर लेना, जिंदगी में कभी भी आईबीसी आपको दिक्कत नहीं देगा। और बच्चों क्या प्रैक्टिकली भूषण स्टील्स ने एक्चुअली में एसबीआई का डिफॉल्ट किया था, द आंसर वाज यस, 10,000 करोड़ के आसपास ही एसबीआई का डिफॉल्ट किया था। और बच्चों क्या भूषण स्टील्स को खरीदने को भी आ गया था, यस yes. कौन आया था बच्चों, टाटा स्टील्स। तो बच्चों जब 2016 में आईबीसी आया था ना, तो आरबीआई ने लगभग 16 केसेस उठा करके आईबीसी में रेफर किए थे कि जी ये कंपनी ना बैंक्स का डिफॉल्ट कर रही है, उनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा केस जो था वो किसका था, भूषण स्टील्स। तो उन 16 केसेस में से सबसे पहला केस भूषण स्टील्स का बना था, जिसकी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व किया, और टाटा स्टील ने एक्चुअली भूषण स्टील्स को खरीदा था। एंड सो वॉज द केस विद आपका रुचि सोया, रुचि सोया को पतंजलि ने खरीदा, सो वॉज द केस विद आलोक इंडस्ट्रीज, रिलायंस ने खरीदा, सो वॉज द केस विद जेट एयरवेज, मिस्टर जलान ने कलर ऑफ कैपिटल के साथ मिलकर उन्हें खरीदा। एंड इसी टाइप के केसेस आपको देखने को मिलते हैं, शायद ही कोई वीक जाता होगा जब आपको न्यूज़पेपर में आईबीसी की न्यूज देखने को ना मिले। तो बच्चों ये एक्चुअली में एक प्रैक्टिकल केस है। वैसे अगर मैं कहूं आईबीसी में और भी केसेस हुए थे, एक पर भूषण स्टील सबसे पहला बड़ा केस था और बहुत फेमस बना क्योंकि टाटा स्टील ने एक्चुअली में भूषण स्टील को खरीदा। इससे पहले भी केसेस आए थे, पर ये सबसे पहला बड़ा केस, उन 16 में से पहला बड़ा केस बना जहां पर भूषण स्टील को एक्चुअली टाटा स्टील ने खरीदकर उसकी इंसॉल्वेंसी करी थी रिजॉल्व। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट हमारा द बेसिक फ्लो ऑफ आईबीसी। आई होप आपको ये 5 स्टेजेस का अगर फ्लो समझ में आ गया, तो अब हम आगे जो ये सारे स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं, सारे सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये बहुत ईजी यहां पर रहने वाले हैं। चलिए बच्चों तो यहां पर अब टाइम लगाते हैं और चलते हैं आगे। आई होप ये 5 स्टेजेस आपको क्लियर है, एक बार भी फुल स्क्रीन कर देना, आप में से कोई स्क्रीनशॉट इन 5 स्टेजेस का लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलो बच्चों और चलते हैं सारी स्टेजेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं, एंड यू विल रियलाइज कि अब ज्यादा कुछ हमारे यहाँ पर समझने के लिए नहीं बचा। सबसे पहला बच्चों स्टेज 1 एप्लीकेशन स्टेज, तो सेक्शन 6 ऑफ आईबीसी क्या कहता है, किसी भी कॉर्पोरेट पर्सन के अगेंस्ट सीआईआरपी कौन इनिशिएट कर सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट खुद से। फाइनेंशियल क्रेडिटर इनिशिएट करेगा सेक्शन 7 में, ऑपरेशन क्रेडिटर इनिशिएट करना चाहते हैं तो सेक्शन 8 एंड 9 उसका आएगा, एंड कॉर्पोरेट एप्लीकेंट अगर इनिशिएट करते हैं तो सेक्शन 10।
सबसे पहले बच्चों फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे इनिशिएट करेगा सीआईआरपी, सेक्शन 7 आपको बताता है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर आप भूषण स्टील्स को घसीट कर लेकर के जाना चाहते हो तो एसबीआई आप अपना केस फाइल करना एनसीएलटी के पास। एप्लीकेशन फाइल करते समय एसबीआई एनसीएलटी को क्या क्या बताएगा कि देखिए जी भूषण स्टील्स ने मेरा इतने रुपए का डिफॉल्ट किया हुआ है। एंड यहां पर बच्चों एक खास बात क्या है, एसबीआई एनसीएलटी को एक आईआरपी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम अपनी तरफ से करेगा नॉमिनेट कि जी मैं चाहता हूं कि इन सीए साहब को यहां पर आईआरपी अपॉइंट किया जाए और बाद में जब दोबारा से सीओसी बनेगी सीओसी विल अगेन डिसाइड कि यही वाला आईआरपी आरपी की तरह कंटिन्यू होना चाहिए यानी। पर फॉर द टाइमिंग जब तक सीओसी नहीं बन रही हमें एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल चाहिए और उसका नाम बच्चों फाइनेंशियल क्रेडिटर को नॉमिनेट करना मैंडेटरी होता है, मतलब इनको बताना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज एसबीआई एनसीएलटी को क्या बताएगा, इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड बाय आईबीबीआई। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने रेगुलेशंस द्वारा कुछ और इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करी है वो भी एप्लीकेशन स्टेज पर आप बताएंगे। अब एनसीएलटी के पास जैसे ही एप्लीकेशन आएगी एनसीएलटी अगले 14 डेज में क्या डिसाइड करेगा कि हां जी भूषण स्टील्स ने डिफॉल्ट किया है, आज एसबीआई ने जो एप्लीकेशन फाइल करी है वो प्रॉपरली कंप्लीट है और जिस भी आईआरपी का नाम यहां पर नॉमिनेट किया गया है उन सीए साहब के अगेंस्ट कोई भी केस वगैरह कहीं पर पेंडिंग नहीं है। अगर ये सारी बातें सेटिस्फाई हो जाती है वेल एंड गुड, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है उस केस में क्या होगा, एनसीएलटी सीधा आपके केस को रद्द नहीं करेगा, एनसीएलटी आपको 7 डेज का एक मौका देगा अपना डिफेक्ट रेक्टिफाई कराने के लिए। और अगर आप डिफेक्ट रेक्टिफाई करा लेते हो वेल एंड गुड, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन ऑब्वियसली यहां पर रद्द हो जाएगी। पर अगर आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी तो एनसीएलटी कहेगा ठीक है एसबीआई हम भूषण स्टील्स के अगेंस्ट जो केस है यहां पर करते हैं एडमिट, और यहां पर बच्चों एनसीएलटी केस कर लेगा एडमिट। और ध्यान रखना जिस मोमेंट एनसीएलटी इस केस को एडमिट कर रहा है ये क्या बन जाएगी आपकी सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट, कि भूषण स्टील का सीआईआरपी इस दिन शुरू हुआ है। और बच्चों ये सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट जरूरी क्यों है, क्योंकि हमने क्या जाना है सीआईआरपी का पूरा प्रोसेस कितने दिनों के लिए चलता है, 180 डेज। और ये 180 डेज बच्चों काउंट कहां से होंगे, इधर से। इसलिए सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट बड़ी जरूरी है। और एनसीएलटी जैसी केस एडमिट करेगा एनसीएलटी ये बात फाइनेंशियल क्रेडिटर एज वेल एज कॉर्पोरेट डेटर को कर देगा इंटीमेट कि जी ये वाला केस यहां पर हो गया है इनिशिएट। तो दिस इज हाउ सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर आईबीसी के तहत सीआईआरपी करता है इनिशिएट। फिर आया बच्चों ऑपरेशनल क्रेडिटर का पॉइंट, कि ऑपरेशनल क्रेडिटर भी चाहे तो वो भी भूषण स्टील को घसीट कर ला सकता है। उसके लिए बच्चों यहां पर आते हैं दो सेक्शन, सेक्शन 8 और 9। बस यहां पर एक खास बात, फाइनेंशियल क्रेडिटर तो डिफॉल्ट होते ही एनसीएलटी में घसीट कर ला सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में ऐसा नहीं होगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर पर लॉ मेकर ने डाली एक और जिम्मेवारी कि जी सपोज यहां पर बच्चों भूषण स्टील्स है, आज वेदांता ने लेट सपोज बच्चों भूषण स्टील्स को 50 करोड़ रुपए का कुछ रॉ मेटीरियल सप्लाई किया और आज भूषण स्टील ये 50 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल की पेमेंट करने में करता है डिफॉल्ट, तो जैसे ही डिफॉल्ट होगा क्या वेदांता सीधा एनसीएलटी में घसीट कर लेकर लाने का नहीं जी, लाने का वेदांता एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर आपको यहां पर एक काम करना होगा, क्या आप पहले भूषण स्टील्स के ऊपर एक डिमांड नोटिस सर्व करें और भूषण स्टील्स को एक मौका दें कि वो आपका पैसा पे करे, अगर वो फिर भी पैसा पे नहीं करता है उस केस में आप एनसीएलटी के पास जा सकते हो। तो लॉ ने क्या कहा कि जी जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है आपको पहले एक डिमांड नोटिस या एक इनवॉइस कॉर्पोरेट डेटर पर सर्व करना पड़ेगा। अब जैसी कॉर्पोरेट डेटर दैट इज भूषण स्टील्स को ये वाला इनवॉइस या डिमांड नोटिस मिला, अब दो चीजें होंगी बच्चों, या तो भूषण स्टील्स इसकी पेमेंट कर देगा, अगर पेमेंट हो जाएगी बहुत अच्छे फिर तो ऑपरेशनल क्रेडिटर घसीट कर लेकर ही नहीं जाएगा, तो जी या तो भूषण स्टील अगले 10 दिन के अंदर इस डेट की पेमेंट कर दे, या बच्चों दूसरा पॉइंट क्या आएगा, भूषण स्टील 10 दिन के अंदर अंदर एक डिस्प्यूट यहां पर डाल दे। दैट इज भूषण स्टील्स क्या कहे कि वेदांता मैं आपकी पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पेमेंट करने को कर देता, पर आपने जो ये 50 करोड़ का रॉ मटेरियल सप्लाई किया ना उसकी क्वालिटी बेकार थी, आपने जो रॉ मटेरियल भेजा वो अप टू मार्क ही नहीं था, एज पर आर एग्रीमेंट ही नहीं था, दैट इज उन्होंने यहां पर डाल दिया डिस्प्यूट। तो बच्चों अगर ये डिस्प्यूटेड केस है सवाल उठा क्या वेदांता भूषण स्टील्स को फिर भी घसीट कर लेकर जाता है, आंसर शुड बी नो। लॉ ने कहा जी अगर वो डिस्प्यूटेड केस है आप पहले जाकर उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करिए, जैसे वो डिस्प्यूट रिजोल्व होगा फाइनल जजमेंट आएगा फिर उसके तहत अगर आपको पेमेंट लेनी बनती होगी तब आप केस फाइल कर पाओगे। दैट इज अगर भूषण स्टील्स यहां पर किसी डिस्प्यूट का होना 10 दिन के अंदर डाल दे ये वाली बात बोल दे तो उस केस में अभी के लिए आप सीआईआरपी इनिशिएट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जैसे ही वेदांता भूषण स्टील को डिमांड नोटिस सर्व करेगा 10 दिन में या तो भूषण स्टील्स पेमेंट कर दे या वो किसी डिस्प्यूट के होने की बात यहां पर बोल दे। डिस्प्यूट की बच्चों जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन यहां पर आपको प्रोवाइड भी की गई है, आप चाहे तो खुद से पढ़ लेना कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्यूट। तो यहां पर ये डेफिनेशन है कि जी जो अमाउंट ऑफ डेट है वही गलत है, क्वालिटी सही नहीं थी, रिप्रेजेंटेशन या वारंटी तोड़ी गई थी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर यहां पर कोई डिस्प्यूट की बात बोली गई फिर सीआईआरपी की प्रोसीडिंग अभी इनिशिएट नहीं हो पाएगी। पर बच्चों अगर 10 दिन के अंदर भूषण स्टील ने ना तो पेमेंट करी
ना ही कोई डिस्प्यूट की बात बोली, फिर क्या सीआरपी नहीं शेयर हो सकता? आंसर इज यस। तो उस केस में ऑपरेशनल क्रेडिटर अगले 10 दिन में अब क्या करेगा, एनसीएलटी के पास केस फाइल करेगा, और केस फाइल करते करते वो क्या बताएगा, एक तो कॉपी ऑफ डिमांड नोटिस दी जाएगी, एफिडेविट ऑफ नो रिप्लाई बाय कॉर्पोरेट डेटर कि कॉर्पोरेट डेटर ने जी ना ही कोई पैसा दिया, ना ही कोई डिस्प्यूट की बात बोली, प्रूफ ऑफ नॉन पेमेंट, एंड लास्टली ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर मे प्रपोज आईआरपी। बिकॉज बच्चे जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं ना, वो प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, उनके इतने लिंक्स नहीं होते कि वो आईआरपी सीए साहब का नाम हमेशा रिकमेंड कर पाए। इसलिए लॉ ने क्या ऑप्शन दिया कि ऑपरेशनल क्रेडिटर आपकी मर्जी है, आप अपनी तरफ से चाहो तो आईआरपी रिकमेंड कर सकते हो, आप ना भी करना चाहो तो आप इस वाले स्टेप से एग्जम्प्ट हो। तो ध्यान रखना, फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए आईआरपी रिकमेंड करना मैंडेटरी होता है, पर ऑपरेशनल क्रेडिटर की मर्जी है। उसके बाद अगेन बच्चों वही वाली बात है कि एनसीएलटी अगले 14 डेज में डिसाइड करेगा, एप्लीकेशन कंप्लीट है, कोई भी पेमेंट ऑपरेशनल डायरेक्टर का नहीं हुआ था, यहां पर कोई डिस्प्यूट नहीं था, इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट की कॉपी आ चुकी है, और कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उस आईआरपी के अगेंस्ट पेंडिंग नहीं है। ऑब्वियसली अगर नाम आया हो, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, 7 डेज आपको डिफेक्ट रेक्टिफाई करने के लिए दिए जाएंगे। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो एनसीएलटी एप्लीकेशन एडमिट कर लेगा, और जिस दिन ये एप्लीकेशन एडमिट होगी उसे हम बोलेंगे सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट। तो बच्चों ये आया हमारा सेक्शन 89 की कैसे एक ऑपरेशनल क्रेडिटर सीआईआरपी का प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है। एंड फाइनली बच्चों यहां पर सेक्शन 10 के तहत कॉर्पोरेट एप्लीकेंट या कॉर्पोरेट पर्सन को खुद से भी राइट दिया गया है कि आप खुद से खुद जाकर अपने डायरेक्टर वगैरह के थ्रू जाकर अपने सीआईआरपी के प्रोसेस को इनिशिएट करवा सकते हो। दैट इज आज एक कॉर्पोरेट पर्सन खुद, दैट इज भूषण स्टील्स, खुद से एनसीएलटी के पास जाकर कह सकता है कि जी मैं चाहता हूं मेरा सीआईआरपी का प्रोसेस इनिशिएट करवाया जाए। तो इस केस में आप एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल करोगे, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कुछ प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन यहां पर सबमिट करते हो, यहां पर आपको एक आईआरपी का नाम प्रपोज करना मैंडेटरी है, और एनसीएलटी के पास जाने से पहले अगर आप कंपनी हो तो आपको एक एसआर पास अपने मेंबर से करवाना पड़ेगा, अगर आप एलएलपी हो तो आपको 3/4 ऑफ द पार्टनर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप एनसीएलटी के पास इस सेक्शन के तहत जा सकते हो। और आपकी एप्लीकेशन को एनसीएलटी वही अगले 14 डेज में चेक करेगा, सब कुछ प्रॉपर है तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी, और जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट होगी उसे हम सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट बोल देते हैं। तो ब्रॉड स्टेप बच्चों तीनों केसेस में सेम है। तो ध्यान रखना, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे सकता है, और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट खुद जाकर भी सीआईआरपी इनिशिएट करा सकता है। और यही हमारे स्नैपशॉट का बच्चों स्टेज 1 था। अब जैसे ही हम एनसीएलटी के पास गए और एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एडमिट कर ली, एनसीएलटी एप्लीकेशन एडमिट करने के बाद बच्चों ये 3 काम करता है, पर इन 3 कामों पर आने से पहले यहां पर कुछ एक दो सेक्शंस हो रहे हैं उनको मैं जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगा। सबसे पहली बात बच्चों, यहां पर कोविड के पीरियड के दौरान एक सेक्शन आया था सेक्शन 10A, जिसने 25 मार्च 2020 से लेकर 24 मार्च 2021 ये टाइम अब जा चुका है, 1 साल के लिए आईबीसी की प्रोसीडिंग्स को कर दिया था सस्पेंड, क्योंकि वो कोविड का टाइम था, उस समय कंपनीज के डिफॉल्ट करने के चांसेस बढ़ गए थे। तो उस 1 साल के पीरियड के दौरान अगर किसी पर्सन ने डिफॉल्ट किया था उनका केस आईबीसी में नहीं आ सकता था, वो सेक्शन 10A 24 मार्च 2021 को उसका रेलेवेंस खत्म हो गया है, इसलिए उसको मैंने समरी में रिटेन नहीं किया। पर ध्यान रखना, कोविड के टाइम पे 1 साल के लिए आईबीसी को पीछे सस्पेंड किया गया था। अगली बात बच्चों, यहां पर आया एक सेक्शन 11, और सेक्शन 11 ने क्या कहा कि जी ऊपर हमने 3 लोगों को राइट दिया है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, कि आप तीनों सीआईआरपी इनिशिएट कर सकते हो। पर जैसे ही ये राइट दिया गया बच्चों, सेक्शन 11 के अंदर कुछ लोगों का ये अधिकार छीन लिया गया कि कुछ ऐसे केसेस हैं जब सीआईआरपी इनिशिएट नहीं हो सकती, ताकि बेकार में अननेसेसरी मल्टीपल सीआईआरपी फाइल ना हो, या सीआईआरपी का प्रोसेस फाइल करके हम किसी की पेमेंट डिले करने की कोशिश ना करें। इसलिए सेक्शन 11 ने क्या कहा कि जो कुछ ऐसे इंस्टांसेस हैं जब आप सीआईआरपी का प्रोसेस इनिशिएट नहीं कर पाओगे, कौन सा? सबसे पहला तो भाई अगर ऑलरेडी कोई सीआईआरपी अंडरगोइंग है, तो अगर ऑलरेडी कोई सीआईआरपी का प्रोसेस चल रहा है तो वैसे ही मॉडिटोरियम होगा, आप नया सीआईआरपी का प्रोसेस फाइल नहीं कर पाओगे। इसके बाद बच्चों यहां पर जो दूसरा पॉइंट है उसे मैं रखूंगा पेंडिंग। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जी कोई सीआईआरपी का प्रोसेस जस्ट अभी पिछले 12 महीने में ही पूरा हुआ था तो नया सीआईआरपी इनिशिएट नहीं हो सकता। इससे अगले वाला पॉइंट भी बच्चों अभी हम पेंडिंग रखेंगे, बिल्कुल लास्ट में ये सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट मैं पेंडिंग छोड़वा रहा हूं, इस टॉपिक के बिल्कुल एंड में जाके एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो अभी के लिए आप पेंडिंग छोड़ना। अगली बात बच्चों, अगर कॉर्पोरेट डेटर या किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर ने पिछले 12 महीने में किसी रिजोल्यूशन प्लान की किसी कंडीशन को तोड़ा है तो भी सीआईआरपी इनिशिएट नहीं हो सकता। या लास्टली अगर कॉर्पोरेट डेटर लिक्विडेशन में चला गया, शायद सीआईआरपी का प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं था और वो लिक्विडेशन में चला गया, तो उस केस में बच्चों अगर वो ऑलरेडी अंडर लिक्विडेशन है सीआईआरपी इनिशिएट नहीं हो पाएगा। पर बच्चों अगर किसी कॉर्पोरेट डेटर का लेट्स सपोज पिछले 12 महीने में सीआईआरपी का प्रोसेस कंप्लीट हुआ था,
तो बच्चों उसके अगेंस्ट दोबारा से तो सीआईआरपी स्टार्ट नहीं हो सकता, दैट इज भूषण स्टील्स के अगेंस्ट दोबारा से तो सीआईआरपी स्टार्ट नहीं हो सकता, पर क्या भूषण स्टील किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट सीआईआरपी नहीं शेयर कर सकते? ऑब्वियसली यस, फिर भी डाउट ना रह जाए इसलिए लॉ ने क्या क्लैरिफाई किया कि जी ऊपर जो ये कॉर्पोरेट डेटर है वो किसी दूसरे कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट केस इनिशिएट कर सकता है। मतलब अगर भूषण स्टील का सीआईआरपी जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि भूषण स्टील किसी और कंपनी से अगर पैसा लेना उस पर केस फाइल नहीं कर पाएगा, उसका केस फाइल बिल्कुल हो पाएगा। तो ये सेक्शन 11 आया बच्चों। इसके बाद सेक्शन 12 आया एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसने बताया आपको टाइमलाइन कि जी जो ये सीआईआरपी का पूरा प्रोसेस है, ये पूरा झमेला है, कितने टाइम तक चलेगा। तो जैसे एनसीएलटी केस एडमिट कर लेता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट। और टाइम एंड अगेन मैंने क्या कहा, सीआईआरपी का पूरा प्रोसेस चलेगा 180 दिन तक। दैट इज 180 दिन के पीरियड के दौरान ही आईआरपी भी अपॉइंट होता है, सीओसी भी बनती है, रिजोल्यूशन प्लान भी आता है, उनका अप्रूवल करना है, सारा काम 180 दिन में हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फाइनली कंपनी का चली जाएगी लिक्विडेशन में। तो बच्चों ये सीआईआरपी का प्रोसेस चलता है 180 डेज तक। पर बच्चों अगर हम चाहें तो एनसीएलटी के पास जाकर कह सकते हैं एनसीएलटी भूषण स्टील्स की इंसॉल्वेंसी बस रिजोल्व होने ही वाली है, पर ना हमारे 180 दिन एक्सपायर हो गए, हम चाहते हैं कि आप इस टाइम को ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि भूषण स्टील्स को अगर कोई दूसरा खरीदेगा तो अच्छा खासा पैसा हमें मिल सकता है, पर वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो कृपया आप इस टाइम को एक्सटेंड कर दीजिए। तो लॉ ने वो राइट दिया और लॉ ने क्या कहा, अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के 66% वोट के साथ आप एनसीएलटी के पास जाते हो तो एनसीएलटी सीआईआरपी के टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। सवाल उठता है जी कितने टाइम के लिए कर सकता है, एनसीएलटी मैक्सिमम एक्सटेंशन जो आपको दे सकता है वो दे सकता है 90 डेज के लिए, और एनसीएलटी एक्सटेंशन सिर्फ एक ही बार दे सकता है। एक ही बार का मतलब सपोज आप एनसीएलटी के पास एक्सटेंशन मांगने के 70 डेज का एक्सटेंशन मिला तो क्या आप दोबारा से एक्सटेंशन ले पाओगे ना, तो मैक्सिमम 90 डेज का एक्सटेंशन आपको एक ही बार मिल पाएगा। तो टेक्निकली अगर हम कहें सीआईआरपी का पूरा प्रोसेस बच्चों कितने दिन के लिए चलेगा, 180 डेज, पर अगर 66% कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल मिल जाए तो उस केस में आप इस टाइम पीरियड को 90 डेज से एक्सटेंड करा सकते हो। पर बच्चों ये टाइमलाइन लॉ मेकर ने बना तो दी, और ये मैं कहूं इन टोटलिटी 270 दिन की टाइमलाइन यहां पर आ तो गई, पर ये टाइमलाइन बनाने के बाद पार्लियामेंट को रियलाइज हुआ कि जी कई बार आईबीसी की प्रोसीडिंग्स पर कुछ लोग स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, कई बार एनसीएलटी का फाइनल वर्डिक्ट आ जाता है लोग एनसीएलएटी के पास चले जाते हैं, कई बार एनसीएलएटी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। तो आईबीसी में किसी भी कंपनी की इंसॉल्वेंसी टेक्निकली तो मैक्सिमम इस टाइम में रिजोल्व हो जानी चाहिए, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा था। प्रैक्टिकली 1 साल 2 साल 3 साल तक भी कंपनीज के केसेस चल रहे थे। तो वो सारी चीजों को रियलाइज करते हुए हमारी पार्लियामेंट एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइन लाई, और उन्होंने क्या कहा जी ये लीगल प्रोसीडिंग्स का जितना भी समय है सारा समय मिला मुलू कर भी मैक्सिमम कितने दिन में सीआईआरपी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, 330 डेज। मतलब अगर 180 दिन में एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया और आप एनसीएलएटी में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, देन इन एनी केस 330 डेज इट्स द फाइनल टाइमलाइन जिसमें आपका सीआईआरपी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बच्चों पेपर में भी आप ये लिखाना, पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 330 दिन है ये मैंडेटरी पीरियड नहीं है, ये सिर्फ एक रिकमेंडेटरी पीरियड है। मतलब अगर आज के दिन भी 330 दिन से ज्यादा किसी कंपनी के सीआईआरपी के प्रोसेस में लग जाते हैं कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये रिकमेंडेटरी पीरियड है। तो पेपर में आपको सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं लिखनी, पेपर में आपको बस क्या लिखना है, सीआईआरपी का ओरिजिनल टाइम है 180 डेज, एनसीएलटी 90 डेज का तक का वन टाइम एक्सटेंशन दे सकता है, और सारी लीगल प्रोसीडिंग्स का टाइम मिला मुलू कर भी 330 डेज से ज्यादा नहीं टप पाएगा। ये आपके सेक्शन 12 की टाइमलाइन निकल करके आई। एंड बच्चों इसके इमीडिएट बाद आया सेक्शन 12A, और ये सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको क्या बताया बच्चों, आज अगर भूषण स्टील्स ने डिफॉल्ट किया तो एसबीआई भूषण स्टील्स को घसीटकर आईबीसी में लाएगा, और जैसे ही एनसीएलटी में केस एडमिट हो जाता है अब भूषण स्टील्स के प्रमोटर का भूषण स्टील्स पर से कंट्रोल चला जाएगा, सारा कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा, सीओसी प्लस आरपी जो भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के साथ मिलकर काम करेगा उनके कंट्रोल में भूषण स्टील्स का फेट डिसाइड होगा किस कंपनी का फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो जी ऐसे केस में क्या होता है, एक बार अगर कंपनी एनसीएलटी में चली गई शायद प्रमोटर्स को हमेशा के लिए भूषण स्टील से हाथ धोना पड़ सकता है। तो लेट्स सपोज बच्चों यहां पर प्रमोटर्स थे, एसबीआई को 10,000 करोड़ लेने थे, भूषण स्टील पैसा चुकाने रही थी, एसबीआई केस फाइल करके ले गया। अब प्रमोटर्स ने कहा सॉरी एसबीआई हमने ये तो नहीं सोचा था कि तुम हमें घसीटकर एनसीएलटी में ले जाओगे, हम चाहते हैं जी कृपया आप हमें माफ करें और आप हमसे पैसा ले लीजिए, हम आपका पैसा चुकाने को तैयार है। मतलब वो गिड़गिड़ाने के लिए सेटलमेंट करने को राजी है। पर दिक्कत क्या हुई बच्चों, आईबीसी में एक बार केस आने का रास्ता तो था पर यहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। मतलब लॉ मेकर ने यह तो कह रखा था कि आईबीसी में केस एडमिट हो गया तो इतने टाइम में पूरा होगा, पर एक बार अगर केस एडमिट हुआ तो अगर हम उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते थे वो पावर नहीं थी। मतलब आज अगर प्रमोटर एसबीआई का पैसा चुकाने को तैयार थे और एसबीआई भी रेडी है, ठीक है जी मेरा पैसा मुझे मिल रहा है, मैं चाहता हूं आईबीसी का केस रद्द हो जाए, तो इस चीज का प्रावधान आईबीसी में था ही नहीं, इसका कोई सेक्शन ही नहीं था।
तो सर क्या पहले एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं होती थी? होती थी बच्चों, उसके लिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन रूट में एक SLP स्पेशल लीव पेटिशन फाइल करनी पड़ती थी सुप्रीम कोर्ट में जाकर, तो वो बहुत टफ रूट था। तो इसलिए उस चीज को रियलाइज करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल रूट को इजी बनाया गया और आज लॉ में ही क्या बात लिख दी गई कि आपका केस अगर आईबीसी में एडमिट होता है और आप अपने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को कन्विंस कर लो और आपके 90% कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यहां पर कन्विंस हो जाते हैं कि जी आप सेटलमेंट करने को राजी हो, तो यहां पर एप्लीकेशन को कर दिया जाएगा विड्रॉ। नेट नेट लॉ ने क्या लिखा, अगर 90% सीओसी वोट कर दे तो उस केस में जो आईबीसी में एप्लीकेशन एडमिटेड है वो विड्रॉ हो सकती है। और बच्चों प्रैक्टिकली किस केस में होता होगा, जब हम सेटलमेंट करने को राजी है कि मेरी कंपनी डिफॉल्ट तो कर रही थी, अब केस आईबीसी में चला गया, मैं सोच रहा जी कंपनी हाथ से जाएगी, तो मैंने क्रेडिटर्स को राजी किया, मैंने कहा जी मैं पैसा चुका दूंगा, कृपया आप अपना कंसेंट दे दो, तो अगर 90% सीओसी राजी हो जाए तो आप आईबीसी में अपनी एप्लीकेशन को बाद में विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये खास बात थी, पहले जब ये सेक्शन नहीं था तब भी एप्लीकेशन विड्रॉ होती थी कॉन्स्टिट्यूशनल रूट से, पर अब लॉ में ही ये बात लिख दी गई। तो ये बच्चों फाइनली हमारी स्टेज वन आई कि कैसे एनसीएलटी में एप्लीकेशन एडमिट होगी, कब कब आप केस फाइल नहीं कर पाओगे, कितने टाइम में सीआईआरपी पूरा हो जाना चाहिए और क्या एप्लीकेशन विड्रॉ हो सकती है या नहीं। तो ये स्टेज वन बच्चा हमारा आ गया एप्लीकेशन स्टेज। फिर आया बच्चों स्टेज टू कि अब जैसी एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एडमिट करी, एनसीएलटी एप्लीकेशन एडमिट करते ही तीन काम करेगा, क्या क्या, मोरेटोरियम, पब्लिक अनाउंसमेंट एंड आईआरपी। बच्चों अगले स्टेज पर कि जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट होगी एनसीएलटी एक मोरेटोरियम डिक्लेयर करेगा, एनसीएलटी पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा कि जिस जिसका जो जो क्लेम भूषण स्टील के अगेंस्ट है आ गया है, एंड फाइनली यहां पर एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को किया जाएगा अपॉइंट। इसको बच्चों हम इंटरिम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी है, बाद में सीओसी बनकर सीओसी आरपी अपॉइंट करती है। तो एनसीएलटी तीन काम करेगा सेक्शन 14, 15 और 16 में, पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बच्चों सेक्शन 14 एनसीएलटी एक मोरेटोरियम शांत कूलिंग पीरियड कर देगा डिक्लेयर कि जी जितने टाइम इसका केस यहां पर आईबीसी में एनसीएलटी के पास चल रहा है उस सीआईआरपी के प्रोसेस के दौरान भूषण स्टील के अगेंस्ट कहीं और कोई केस फाइल नहीं होगा, कहीं कोई केस कंटिन्यू नहीं होगा, भूषण स्टील का कोई एसेट बेचा नहीं जा सकता, कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर किसी का भूषण स्टील के एसेट्स में है वो इन्फोर्स नहीं हो सकता, भूषण स्टील से कोई प्रॉपर्टी यहां पर रिकवर नहीं हो पाएगी, क्योंकि एनसीएलटी कह रहा जी अब मैं देखूंगा इस कंपनी का क्या होगा, इस कंपनी के अगेंस्ट बाकी केसेस अभी हम रन होने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इस केस आईबीसी के साथ साथ बाकी कोर्ट्स में भी केसेस चलते रहेंगे कभी भी प्रॉपरली इंसॉल्वेंसी रिजोल्व ही नहीं होगी, और शायद भूषण स्टील को कोई और खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, इसलिए यहां पर बच्चों एक मॉरेटोरियम लगाया गया। अगली बात है बच्चों, पर मॉरेटोरियम के दौरान क्या भूषण स्टील का काम धंधा बिल्कुल ठप हो जाता है? नहीं, भूषण स्टील्स में जो आईआरपी अपॉइंट होता है वो कंपनी को रन करने के लिए वहां पर उसके बिजनेस अफेयर्स को चलाता है, तो मैनेजमेंट तो नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो सारे हट जाते हैं, पर जो आईआरपी सीए साहब आए थे वो फॉर द टाइमिंग भूषण स्टील को चलाएंगे। और इसलिए यहां पर इस सेक्शन में एक और बात क्या बोली गई कि जी इस मॉरेटोरियम के पीरियड के दौरान जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं Like इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, उन सबका कनेक्शन भूषण स्टील्स के अगेंस्ट कट नहीं हो सकता। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ये नहीं कह सकती जी ये तो भूषण स्टील अब आईबीसी में चली गई, ये कंपनी शायद बंद हो जाएगी, इसको मैं बिजली सप्लाई करूंगी शायद मेरी पेमेंट ही ना हो, ना, आप एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई कट नहीं कर सकते। अगर कंपनी ने आप ही का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया तो आप ही ने एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, तब तो आप एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई रोक सकते हो, वरना मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई चलती रहेगी। इस पे पेपर में कई बार सवाल आया बच्चों, ध्यान रखना, दैट द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज शैल नॉट बी टर्मिनेटेड ड्यूरिंग मॉरेटोरियम एक्सेप्ट वेयर ड्यूज हैव नॉट बीन पेड फॉर सच सप्लाई। अगली बात बच्चों यहां पर क्या कह रहा है, मोरेटोरियम कब तक चलेगा, जब तक सीआईआरपी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तो वो जो 180 दिन है तब तक वो मोरेटोरियम रन करता रहेगा। नीडलेस टू से सीआईआरपी रिजोल्व हो गई, कंपनी को टाटा स्टील ने खरीद लिया, मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा, अगर सीआईआरपी के बाद लिक्विडेशन होता है वैसी कंपनियां बंद होने वाली है। एंड लास्टली बच्चों, वेयर ड्यूरिंग सीआईआरपी एनसीएलटी अप्रूव्स रिजोल्यूशन प्लान या पासेस एन ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन, मोरेटोरियम शैल सीज टू हैव इफेक्ट। तो ये बच्चों सेक्शन 14 में आया मोरेटोरियम, पहला काम एनसीएलटी मोरेटोरियम करेगा डिक्लेयर। दूसरा काम यहां पर बच्चों आएगी पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट किस लिए, ताकि सारे लोग अपने क्लेम आकर सबमिट करें। सर क्या ये पब्लिक अनाउंसमेंट एनसीएलटी खुद देता है? नहीं, एनसीएलटी जो आईआरपी अपॉइंट करेगा उस आईआरपी द्वारा पब्लिक अनाउंसमेंट दी जाती है न्यूज़पेपर्स वगैरह में। और सर इसका खर्चा कौन बियर करेगा, एनसीएलटी, आईआरपी या जिसने कंपनी के अगेंस्ट सीआईआरपी इनिशिएट किया था? तो बच्चों जिसने भी एप्लीकेशन फाइल करी थी उसको इस पब्लिक अनाउंसमेंट का खर्चा बियर करना है। तो ये पॉइंट क्या कह रहे हैं जी, Insolvency professional shall make a public announcement of initiation of CIRP
विद इन 3 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज आईआरपी. तो जैसी वो आईआरपी की तरह अपॉइंट होता है, अगले 3 दिन में वो देता है पब्लिक अनाउंसमेंट. अगली बात, एक्सपेंसिस ऑफ दिस अनाउंसमेंट शैल बी बोर्न बाय द एप्लीकेंट. तो जिसने भी एप्लीकेशन फाइल करी थी वो ये खर्चा बियर करेगा. पर अगर बाद में आप कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से अपने खर्चों को रेटिफाई करा पाए तो आपका खर्चा रेटिफाई हो जाएगा. अगली बात, पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या क्या बताया जाएगा, नेम और एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेटर, नेम ऑफ द अथॉरिटी विद विच इट इज रजिस्टर्ड लाइक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, डिटेल्स ऑफ आईआरपी, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स, पेनल्टीज फॉर फॉल्स क्लेम एंड डेट ऑन विच सीआईआरपी शैल बी क्लोज. तो ये सारी बातें बच्चों कहां बताई जाएगी, आपकी पब्लिक अनाउंसमेंट में. एंड लास्टली बच्चों, यहां पर किसको अपॉइंट किया गया, आईआरपी सीए साहब को, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरह रजिस्टर्ड थे, उन्हें यहां पर एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आईआरपी की तरह किया जाएगा अपॉइंट. दैट इज एनसीएलटी शैल अपॉइंट आईआरपी ऑन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, आईआरपी शैल कंटिन्यू टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी. तो ये आईआरपी बच्चों कब तक काम करेगा, जब तक फाइनल वाला आरपी नहीं आ जाता. और फाइनल वाला आरपी बार बार कह रहा हूं, दिमाग में फिट हो गया होगा, कब आएगा, जब आईआरपी सीओसी बना देगा, देन सीओसी फाइनल आरपी को करती है अपॉइंट. अब सवाल उठता है बच्चों, एनसीएलटी किस सीए साहब को आईआरपी की तरह अपॉइंट करे, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए. तो बच्चों, अगर सीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर ने खुद से दी थी, तो क्या उन दोनों के लिए सेक्शन 7 और 10 में एक आईआरपी का नाम बताना मैंडेटरी था? यस. तो उन्होंने जो आईआरपी का नाम रिकमेंड किया था, एनसीएलटी उसे ही आईआरपी की तरह कर देगा अपॉइंट. पर बच्चों, अगर एप्लीकेशन ऑपरेशनल क्रेडिटर की तरफ से आई थी, तो हमने क्या सीखा था सेक्शन 8 और 9 में, कि ऑपरेशनल क्रेडिटर की मर्जी होती है, वो चाहे तो आईआरपी का नाम बता सकते हैं, चाहे तो नहीं. तो बच्चों, अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने आईआरपी का नाम बता दिया था और वो आईआरपी के अगेंस्ट कोई केस पेंडिंग नहीं है, तो एनसीएलटी उसे ही यहां पर आईआरपी अपॉइंट कर देगा. पर बच्चों, अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने केस फाइल किया और उसने कहा जी मैं आईआरपी का नाम नहीं बता रहा, तो अब एनसीएलटी किस सीए साहब को इलेक्ट करे? तो लॉने का कहा, एनसीएलटी आप ऐसे केस में पहुंच जाओ आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास, और आप उनसे इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का रिकमेंडेशन मांगो, और आईबीबीआई अगले 10 दिन के अंदर आपको एक आईआरपी का नाम करेगा रिकमेंड. तो जी, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आ रखा था, वो वाला पॉइंट हो जाएगा. अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर की तरफ से रिकमेंडेशन नहीं आया, तो हम आईबीबीआई के पास जाकर पूछेंगे, वो आईआरपी का नाम कर देगा रिकमेंड. एंड दिस इज हाउ आईआरपी यहां पर हो जाएगा पॉइंट. और बच्चों, ये सीए साहब इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने बार बार क्या कहा, जैसी केस एडमिट होगा, अब कंपनी में जो कंपनी के प्रमोटर्स डायरेक्टर्स थे, उनका कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग कंपनी में हो जाएगी खत्म, और कंपनी का पूरा कंट्रोल, पूरे अफेयर्स अब कौन मैनेज करेंगे, ये आईआरपी अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑब्वियसली सीओसी. तो जी, व्हाट आर द पावर्स ऑफ आईआरपी? तो बच्चों, मैं मेन मेन पावर्स रीड कर रहा हूं, डिटेल में आप पढ़ना कि जी उस कंपनी के सारे अफेयर्स आप मैनेज करोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सारी पावर आप एक्सरसाइज करोगे, ऑफिसर्स ऑफ डेटर शैल रिपोर्ट टू आईआरपी, जितने एम्प्लॉइज है आपको रिपोर्टिंग करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट इज भूषण स्टील का जिस भी बैंक में कोई खाता था, उस खाते को ऑपरेट करने की पावर आपके पास आ जाएगी, उस कंपनी के बिहाफ पर अगर कोई डीड साइन करनी है आप साइन करोगे, उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन लेना है आप लेंगे. तो नेट नेट सारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स की पावर इस आईआरपी के हाथ में आ जाती है. देख पा रहे हो सीए साहब को कितनी वाइड पावर दी गई है. भूषण स्टील, जिसको वो प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे थे, अब एक सीए आके उस पूरी कंपनी का देखरेख देखेगा. और यहीं से बच्चों आपकी ड्यूटीज भी निकल कर आई. आपकी ड्यूटीज क्या है? कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन. किसी एसेट की वैल्यूएशन करवाने तो वैल्यूएशन कराएंगे, सब लोगों के क्लेम्स आएंगे उन्हें कोलेट करना, कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाना, उसके सारे एसेट्स को मॉनिटर करना, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये एक आईआरपी की जिम्मेवारियां हैं. और ये बच्चों हमारा आता है स्टेज 2. तो ये स्टेज 2 में मॉरेटोरियम आया, पब्लिक अनाउंसमेंट आया, और आईआरपी को किया गया अपॉइंट. अब जैसी बच्चों आईआरपी आया, उसने सारे अफेयर्स का कंट्रोल लिया, अब सब लोग आकर आईआरपी को क्लेम्स देंगे, और उन क्लेम्स में से वो अलग करेगा किसको? ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को, फिर अलग करेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है उनका क्या बना देगा? कमेटी ऑफ क्रेडिटर. तो स्टेज 3 क्या कह रहा है? आईआरपी कॉन्स्टिट्यूट्स अ कमेटी ऑफ क्रेडिटर, जिसमें कौन आएंगे? फाइनेंशियल क्रेडिटर. और कमेटी ऑफ क्रेडिटर इन टर्न फिर क्या करेगी? उसी आईआरपी को या तो फाइनल आरपी की तरह अपॉइंट करेगी, या उसकी जगह कोई नया आरपी लाएगी. दैट्स इट. पढ़ लेते बच्चों स्टेज 3. तो स्टेज 3 में बच्चों यहां पर कॉन्स्टिट्यूट की गई कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स. तो यहां पर बच्चों एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाई जाएगी. बड़े ध्यान से इन पॉइंट्स को समझना. आईआरपी शैल आफ्टर कोलेशन ऑफ ऑल दी क्लेम्स कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स. इन केस ऑफ कंसोर्शियम एग्रीमेंट ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल बी पार्ट ऑफ सीओसी. ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं? तो बच्चों यहां पर जो भूषण स्टील्स थी ना, कई बार कंपनीज ना कंसोर्शियम लेंडिंग करती हैं. कंसोर्शियम लेंडिंग मतलब, आज लेट सपोज बच्चों भूषण स्टील को 1000 करोड़ के लोन की आवश्यकता आन पड़ी, और एक अकेला बैंक इतना बड़ा अमाउंट अकेला देने में इंटरेस्टेड नहीं है. तो ऐसे केस में ना कई बार बैंक्स मिलकर के कंसोर्शियम लेंडिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल यहां पर एचडीएफसी ने कहा ठीक है जी मैं 600 करोड़ का लोन दे दूंगा इसमें से, आईसीआईसीआई ने कहा जी मैं 200 करोड़ का दे दूंगा, और एक्सिस ने कहा हम 200 करोड़ का लोन दे देंगे.
तो ये तीनों ही इसके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, पर तीनों ने मिलकर एक कॉमन लोन यहां पर प्रोवाइड किया, इसे हम कहते हैं कंसोर्शियम लेंडिंग। तो आज जब भूषण स्टील के केस में बच्चों सीओसी बनेगी, यहां पर इन तीनों फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो ये तीनों मिलकर कॉमन अपना रिप्रेजेंटेटिव कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पर अपॉइंट कर सकते हैं, या ये तीनों चाहे तो अपने सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं और जो इनका रिस्पेक्टिव अमाउंट है उस एक्सटेंट तक इन्हें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कंसोर्शियम लेंडिंग के केस में जो ये सारे लेंडर्स हैं इनके पास ऑप्शन है, तो या तो ये कॉमन किसी को लीड एप्लीकेंट इलेक्ट करके उसका रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर दें, या ये चाहे तो अपने अमाउंट के लिए अलग अलग एप्लीकेंट्स भी यहां पर अपॉइंट कर सकते हैं। अगली बात, कमेटी ऑफ क्रेडिटर में बच्चों सिर्फ और सिर्फ कौन आएंगे? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो बच्चों आईआरपी ने भूषण स्टील की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनानी स्टार्ट करी, उसने कहा जी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स साइड हो जाए, सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आ गए। जैसे ही बच्चों सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आ गया है, भूषण स्टील में जो आईआरपी थे उन्होंने क्या देखा कि जो प्रमोटर की वाइफ है, भूषण स्टील ने अपने प्रमोटर की वाइफ से भी 50 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है। और आज आईआरपी दुविधा में आ गए कि जी जो मैं भूषण स्टील की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बना रहा हूं, क्या उसमें मुझे इन वाइफ को अपॉइंट करना चाहिए? क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं भूषण स्टील से रिलेटेड है और ये तो प्रमोटर्स के हित में और बैंक्स के अगेंस्ट फैसला लेंगी। इसलिए लोनी क्या कहा जी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में आएंगे तो सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर, पर अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर कोई रिलेटेड पार्टी है उस केस में आपको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पर जगह नहीं मिलेगी। दैट इज, वैसे तो सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर सीओसी में आते हैं, पर अगर आप रिलेटेड पार्टी हो उस केस में आपको जगह नहीं मिलेगी। सर रिलेटेड पार्टी कौन होता है? तो बच्चों इसकी भी पूरी डेफिनेशन सेक्शन 5 में है, वो आपको पेपर के लिए करने की जरूरत नहीं है। तो रिलेटेड पार्टी की पूरी डेफिनेशन आती है, पर बच्चों यहां पर एक दिक्कत आई। जैसे हमने रिलेटेड पार्टी को बाहर किया, एक दूसरी दिक्कत क्या आई, यहां पर एसबीआई दौड़ा दौड़ा आया। एसबीआई कह रहा है देखो आईआरपी, मुझे ना भूषण स्टील से 10,000 करोड़ रुपए लेने हैं, पर ना मुझे पास्ट में भी भूषण स्टील से और पैसा लेना था, पास्ट में भूषण स्टील ने मेरा पैसा नहीं चुकाया था, तो मैंने ना उससे लोन के बदले में कुछ शेयर्स ले लिए थे, तो आज मैं भूषण स्टील में कुछ शेयर्स भी होल्ड करती हूं और मेरे को 10,000 करोड़ रुपए का लोन भी रिकवर करना है। और एसबीआई बच्चों जो ये शेयर्स होल्ड करता है, इसकी वजह से ना वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में फॉल कर गया। तो एसबीआई कह रहे जी मैंने तो वो शेयर सिर्फ अपना पैसा रिकवर करने के लिए लिए थे, मैंने अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया था, तो आज इसकी वजह से अगर मैं रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में फॉल कर जाऊं तो क्या मुझे सीओसी पर जगह नहीं मिलेगी? लॉ ने कहा जी हम आपके लिए एक्सेप्शन क्रिएट कर देते क्या कि वैसे तो कोई रिलेटेड पार्टी सीओसी पर नहीं आएगी, पर अगर आप एक ऐसा फाइनेंशियल क्रेडिटर हो जो किसी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर द्वारा गवर्न है, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई, और आप रिलेटेड पार्टी क्यों बने? क्योंकि आपने अपने पास्ट में किसी डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कराया था, अगर उस वजह से आप रिलेटेड पार्टी बने हो तो आप फिर भी सीओसी पर आ सकते हो। तो मैं अगर पूरी बात को समअप करूं बच्चों, सीओसी पर सिर्फ कौन आएंगे? फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगर आप रिलेटेड पार्टी हो तो आप नहीं आ सकते, पर अगर आप रिलेटेड पार्टी सिर्फ किस वजह से बने कि जी आप किसी फाइनेंशियल सेक्टरल रेगुलेटर द्वारा गवर्न्ड और आपने अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया, अगर सिर्फ इस वजह से रिलेटेड पार्टी बने थे तो आपको सीओसी पर जगह मिल जाएगी। तो ये बच्चों दिस इज हाउ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूट। अगला सवाल बच्चों जो इंटरेस्टिंग आया वो क्या आया, अगर कोई पर्सन फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है और ऑपरेशनल भी, मतलब यहां पर लेट्स सपोज बच्चों भूषण स्टील के इसमें हमने वेदांता का एग्जांपल लिया, वेदांता ने भूषण स्टील को 50 करोड़ रुपए का तो रॉ मटेरियल सप्लाई किया था और साथ ही साथ वेदांता ने 20 करोड़ रुपए का एक लोन भी दिया था, तो वेदांता यहां पर फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, तो क्या वेदांता को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पर जगह मिलेगी? बिल्कुल। पर बच्चों उसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पर जो जगह मिलेगी पूरे 70 करोड़ के लिए मिलेगी या अपने सिर्फ 20 करोड़ के लोन के लिए मिलेगी? ऑब्वियसली सिर्फ 20 करोड़ के लोन के लिए। ध्यान रखना कि अगर कोई पर्सन फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेशनल क्रेडिटर है, लोने का सच पर्सन शैल बी फाइनेंशियल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल डेट एंड शैल बी इंक्लूडेड इन सीओसी विद वोटिंग शेयर proportionate to his financial debt, that is operational debt के लिए आपको कोई voting right नहीं मिलेगा। और अगली बात बच्चों, where operational creditor has assigned any operational debt to financial creditor, ये point भी बच्चों बड़ा important है, ध्यान से समझना, बहुत easy है, समझ जाओगे। Let's suppose बच्चों यहाँ पर भूषण स्टील्स है, भूषण स्टील्स ने यहां पर let's suppose बच्चों वेदांता ने भूषण स्टील्स को 50 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल सप्लाई किया था और आज भूषण स्टील पेमेंट नहीं कर रहा, वेदांता परेशान हो चुका है, पर वेदांता कह रहा है जी मैं कहां काम धंधा छोड़ के भूषण स्टील से पैसा वसूलूंगा, तो वेदांता ने क्या किया, वेदांता ने अपना जो ये डेट था ये डेट कर दिया असाइन। ठीक, लेट्स सपोज वेदांता ने ये डेट असाइन किया है आईसीआईसीआई बैंक को और वेदांता ने कहा आईसीआईसीआई बैंक आप एक काम करो, आप मुझे 40 करोड़ दे दो और आप बाद में जाकर भूषण स्टील से 50 करोड़ रिकवर करते रहना। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा ठीक है आप हमें ये डेट कर दो असाइन। तो बच्चों ये देखने में तो बैंकर है और देखने में शायद ये कैसा लग रहा है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, पर आज आईसीआईसीआई बैंक को जो 50 करोड़ रुपए रिकवर करने का अधिकार आया वो कौन से डेट पर आया, ऑपरेशनल डेट पर। तो आज बच्चों अगर कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर
अपना डेट किसी को असाइन कर देता है तो वो पर्सन उस 50 करोड़ के अमाउंट के लिए क्या माना जाना चाहिए? ऑब्वियसली ऑपरेशनल क्रेडिटर ही माना जाएगा। एंड सेम इज वाइस वर्सा कि अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर, वैसे तो ऐसा नहीं होता है, पर अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर अपना डेट किसी और को असाइन कर देगा तो उस अमाउंट के लिए सामने वाली पार्टी क्या मानी जाएगी? फाइनेंशियल क्रेडिटर। पढ़ लेते हैं। तो कह रहे जी आज अगर किसी ऑपरेशनल क्रेडिटर ने अपना डेट किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर को लेट से असाइन कर भी दिया तो उस अमाउंट के लिए वो ऑपरेशनल क्रेडिटर ही रहेगा, मतलब उस अमाउंट पर उस फाइनेंशियल क्रेडिटर को वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। अगली बात बच्चों, जो कंसोर्शियम अरेंजमेंट है वहां पर आपकी मर्जी है, आप किसी ट्रस्टी या एजेंट को कॉमनली अपॉइंट कर दो या आप सब अपना वोटिंग शेयर अलग से भी एक्सरसाइज कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगला पॉइंट आया बच्चों ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, इस पॉइंट को भी ध्यान से समझना। ये क्या कह रहे जी, फाइनेंशियल डेट इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स and terms of financial debt provide for appointment of trustee or agent, such trustee shall be appointed on COC. तो for example बच्चों, आज भूषण स्टील ने ना 1,00,000 डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर इशू किए थे। तो बच्चों जनरली जब डिबेंचर इशू होता है उसमें आपको पता है तो किसको अपॉइंट किया जाता है? डिबेंचर ट्रस्टी। तो आज लॉ क्या कह रहा है जी, जो आपने इतने सारे लोगों से डिबेंचर्स के फॉर्म में पैसा रेस किया या लेट सपोज डिपॉजिट्स के फॉर्म में पैसा रेस किया, तो अगर उस डिबेंचर या डिपॉजिट एग्रीमेंट के तहत कोई ट्रस्टी अपॉइंटेड है तो उन सारे लोगों को वो ट्रस्टी अब रिप्रेजेंट करेगा सीओसी पर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है जी, फाइनेंशियल डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ गार्जियन एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर। तो फॉर एग्जांपल बच्चों, कंपनी ने लेट से किसी माइनर से लोन ले लिया था और आज कंपनी उसका पैसा नहीं चुका रही, तो माइनर के बिहाफ पर उनके जो गार्जियन होंगे वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पर उतनी वोटिंग परसेंटेज के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। एंड लास्टली कह रहे जी, सच ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल अटेंड मीटिंग ऑफ सीएससी एंड वोट ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगली बात आई बच्चों वोट इन द मीटिंग, मीटिंग में वोट कौन डालेगा, ये बड़े ध्यान से समझना। ये कह रहे जी, सेव अस अदरवाइज प्रोवाइडेड ऑल डिसीजन ऑफ सीओसी शैल बी टेकन बाय 51% वोटिंग शेयर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। दैट इज जब जब सीओसी की कोई मीटिंग बुलाई जाएगी उस मीटिंग में जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आएंगे सीओसी की बच्चों हर मीटिंग में हर डिसीजन लेने के लिए कितनी वोटिंग परसेंटेज चाहिए? 51। ध्यान रखना ये 50 से ज्यादा नहीं है, दिस इज नॉट मोर देन 50, दिस इज 51। एटलीस्ट 51% वोट्स फेवर में आने चाहिए तभी सीओसी का कोई भी डिसीजन लिया जा सकेगा। पर सर अभी तो हम पीछे पढ़ के आए, पीछे कहीं 90% था, पीछे कहीं कुछ 66% भी था। बच्चों यही आईबीसी की एक छोटी सी कंफ्यूजन है कि आईबीसी में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जब जब कोई डिसीजन लेती है ना तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के डिसीजन के लिए अलग अलग डिसीजन के लिए आईबीसी में अलग अलग वोटिंग परसेंटेज है। तो जो स्नैपशॉट मैंने आपको दिया फटाफट से एक बार ओपन करिएगा और वहां पर हमने क्या देखा था कि अगर आप सीआईआरपी का टाइम एक्सटेंड कराना चाह रहे थे वहां पर आपको कम से कम 66% का अप्रूवल चाहिए था। अगर आप एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहिए थे तो वहां पर आपको 90% सीओसी का अप्रूवल चाहिए था। और सेक्शन 21 क्या कह रहा है कि जी जितने भी रेजिडरी डिसीजंस हैं, मतलब सीओसी के जिन डिसीजंस के लिए आईबीसी में अलग से कुछ नहीं दिया गया वो सारे डिसीजन सीओसी के कितने वोटिंग परसेंटेज से लिए जाएंगे? 51। तो बच्चों ये जो 51% दिया गया ये रेजिडरी है, मतलब अगर आईबीसी में सीओसी के अलग अलग डिसीजंस के लिए कोई अलग परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड है फिर तो डिसीजन उतने वोटिंग परसेंटेज से लिया जाएगा, पर अगर किसी स्पेसिफिक डिसीजन के लिए आईबीसी में कुछ लिखा ही नहीं है तो उस केस में बच्चों सीओसी का कोई भी डिसीजन कितनी मेजोरिटी से लिया जाएगा? 51 वोटिंग परसेंटेज। तो यही बात यहां पर लिखी है कि सीओसी का कोई भी डिसीजन लेने के लिए जब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आएंगे 51% फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बाय वैल्यू का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और बच्चों एक अलग इंटरेस्टिंग बात जो शायद किसी के दिमाग में आई भी होगी कि सर हम बार बार क्या कह रहे हैं, भूषण स्टील्स की एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई जाएगी और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पर सिर्फ कौन होंगे? फाइनेंशियल क्रेडिटर। केस तो एक ओसी भी फाइल कर सकता है पर कमेटी पर सिर्फ एफसी होगा। पर बच्चों लेट सपोज वेदांता ने भूषण स्टील्स पर केस फाइल किया, आईआरपी आया, वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाने लगा और उसने क्या देखा, कंपनी में कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर ही नहीं है, कंपनी के सारे क्रेडिटर्स कौन से हैं? ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो एक दिक्कत क्या है जी, अब ये कमेटी कैसे बनेगी, इस कंपनी में कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर ही नहीं है। सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि कंपनी ने सबसे ऑपरेशनल डेट लिया हुआ, फाइनेंशियल डेट लिया ही नहीं हुआ। तो ऐसे केस में लॉ ने क्या कहा जी, अगर कंपनी में फाइनेंशियल क्रेडिटर ही नहीं है तो उस केस में सीओसी पर कौन अपॉइंट होंगे? ऑब्वियसली ऑपरेशनल क्रेडिटर। क्या सर सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर? लॉ ने कहा नहीं। ऐसे केस में लॉ ने क्या कहा, उस कंपनी के 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बाय वैल्यू को सीओसी पर किया जाएगा अपॉइंट। सवाल उठा सर अगर कंपनी में 18 ओसी ही नहीं है, ओसी भी 10 ही हैं, देन अगर जी कंपनी में 18 से कम ओसी हैं फिर तो सारे के सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर ही कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पर आ जाएंगे।
और साथ ही साथ जो भी वर्कमैन है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव और जो भी एम्प्लॉइज है उनके एक रिप्रेजेंटेटिव को यहां पर किया जाएगा पॉइंट। सर वर्कमैन और एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस होता है आप बस इतना समझना, वर्कमैन मतलब ब्लू कलर जॉब्स, एम्प्लॉय मतलब व्हाइट कलर जॉब्स। तो वर्कमैन का एक रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉय का एक रिप्रेजेंटेटिव और बाकी 18 लार्जेस्ट ओसीज बाय वैल्यू, इनसे हमारी कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनेगी। तो बच्चों नॉर्मली जनरल सेइंग में तो क्या आता है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पर सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर को किया जाता है अपॉइंट, बट एज एन एक्सेप्शन अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर कंपनी में है ही नहीं तब ओसीज को रोल मिल जाता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर पर, तब उस कंपनी का फेट इस वाली सीओसी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और लास्टली क्या कह रहे हैं भाई, फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू सीओसी की सीओसी आरपी को बोलकर कोई भी जानकारी मंगा सकती है और आरपी सीओसी को वो वाली जानकारी फर्निश करेगा। तो बच्चों ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे, यही हमारा स्नैपशॉट भी था कि स्टेज तीन में आईआरपी सीओसी बनाएगा, सीओसी कैसे बनी वो हमने सीख लिया, सीओसी का कोई भी डिसीजन बच्चों कितने वोटिंग परसेंटेज से लिया जाता है 51 अनलेस एंड अंटिल कुछ और आईबीसी के किसी दूसरे सेक्शन में लिखा गया हो, जैसे विड्रॉल के लिए 90% था, एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए 66% था, पर अगर अलग से कुछ भी नहीं दिया गया तो 51% वोटिंग शेयर यहां पर लगेगा। चलिए अगली बात आई बच्चों मीटिंग्स ऑफ सीओसी, जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनी है ये कैसे मीटिंग करेगी। सबसे पहली बात भाई, ऑल द मीटिंग्स ऑफ सीओसी शैल बी कंडक्टेड बाय आरपी। और पेपर में ना एक सवाल आता है कि जी कमेटी ऑफ क्रेडिटर की सबसे पहली मीटिंग में वो कौन सा डिसीजन है जो पक्का पक्का डिस्कस किया जाता होगा। अगर आपका दिमाग क्लिक किया है तो जैसी सीओसी की पहली मीटिंग आएगी सबसे पहला काम सीओसी क्या करती होगी, वो कहेगी आईआरपी तू ही दरा, देखते हैं तुझे ही आरपी की तरह अपॉइंट करें या तेरी जगह कोई दूसरा आरपी लाए। तो सबसे पहला काम सीओसी यही करती है। आगे कह रहा भाई ये भी ध्यान से समझना बच्चों, अब आप अपने माइंड में एक चीज भूल जाना कि जी ऑपरेशनल क्रेडिटर का आपने कुछ पॉइंट पढ़ा था, आप बस क्या समझना कि एक कंपनी है भूषण स्टील, उसकी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बन चुकी है जिस पर सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं। ठीक, उस कंपनी में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे, उन्हें सीओसी पर अपॉइंट किया गया। तो अब लॉ क्या कह रहे हैं जी, जैसी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनी इस कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पर सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को किया गया अपॉइंट। आज अब जब हमें सीओसी को कोई मीटिंग बुलानी है वो मीटिंग बुलाएगा कौन, आईआरपी, आईआरपी करेगा नोटिस सर। अब ये मीटिंग का नोटिस किस किस को जाएगा, सर क्या ये नोटिस सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को जाएगा, डेफिनेटली यस। पर लॉ ने साथ ही साथ क्या कहा कि आईआरपी आप फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को तो नोटिस भेजोगे पर साथ ही साथ आपको किसको नोटिस भेजना है, सबसे पहली बात आप नोटिस भेजना कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के मेंबर्स इंक्लूडिंग देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मतलब एफसीस को, साथ ही साथ आप जो सस्पेंडेड बोर्ड मेंबर्स या एलएलपी के पार्टनर्स हैं उन्हें भी सीओसी की मीटिंग का नोटिस भेजोगे। और अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का एग्रीगेट डेट कंपनी के टोटल डेट के 10% या उससे ज्यादा है, मतलब जब आपने कंपनी का फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेट जोड़ के देखा, लेट्स सपोज 500 करोड़, आपने देखा जी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का टोटल डेट 70 करोड़ है, तो कंपनी के टोटल डेट में 10% या उससे ज्यादा हिस्सा तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का है, तो ऐसे केस में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस भेजा जाएगा। पर बच्चों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर कमेटी में सिर्फ एफसी अपॉइंटेड है तो नोटिस इन्हें भेजा जा रहा है तो कमेटी की मीटिंग में वोट कौन डालेगा। ध्यान रखना बच्चों वोटिंग करेंगे सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ये जो बोर्ड मेंबर हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, पार्टनर्स हैं, इन्हें नोटिस भेजा गया है, ये मीटिंग में आ सकते हैं, अपनी बात में भी बोल सकते हैं, मीटिंग की प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं, पर इनको वोटिंग राइट नहीं होगा। वोटिंग राइट फाइनल डिसीजन किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का। तो सीओसी की मीटिंग में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के साथ कुछ और लोग भी प्रेजेंट रह सकते हैं पर उन्हें वोट डालने का राइट नहीं है। यही बात नीचे लिखी है क्या, डायरेक्टर्स पार्टनर वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर मे अटेंड द मीटिंग बट इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। तो प्लीज समझिएगा बच्चों कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पर सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं, फाइनेंशियल ना हो तो फिर वो ऑपरेशनल आते हैं वो वोट भी डालेंगे, पर अगर फाइनेंशियल हैं तो उन्हें अपॉइंट किया जाएगा, मीटिंग का नोटिस इन्हें भी भेजा जाएगा, सारे डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स को भेजा जाएगा, और अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स टोटल डेट का 10% या उससे ज्यादा है तो उनके एक रिप्रेजेंटेटिव को भी भेजा जाएगा। ये लोग मीटिंग में प्रेजेंट तो होंगे पर वोट नहीं डालेंगे। और फाइनली बच्चों जैसी मीटिंग आएगी फाइनेंशियल क्रेडिटर वोट डाल के कोई भी डिसीजन जनरली कितनी वोटिंग परसेंटेज से लेंगे, 51। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, कंपनी में लेट्स सपोज बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे, एक को 100 करोड़ लेना था, एक को 200 करोड़ लेना था, एक को 300 करोड़ लेना था, एक को 400 करोड़ लेना था, लेट्स सपोज कंपनी में टोटल 1000 करोड़ के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे। आईआरपी ने मीटिंग का नोटिस भेजा और कहा जी कमेटी हमें एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, फटाफट से आप आइए। तो बच्चों क्या सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का आना जरूरी है, द आंसर इज नो। लॉ ने क्या कहा जी, हम यहां पर देखेंगे कोरम और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की कोरम की रिक्वायरमेंट कितनी बोली गई, 33% कि जी जितने भी ये टोटल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं अगर 33% बाय वैल्यू दैट इज 1/3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स यहां पर आ गए चाहे इन पर्सन चाहे बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो हम यहां पर कोरम को प्रेजेंट मान लेंगे
और जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं फिर उनमें से 51 या 66 एज द केस में भी उनके अप्रूवल से डिसीजन लिया जाएगा। मैं ये बात क्लैरिफाई कर रहा हूं, ध्यान से समझना। तो जी आज एक सीए साहब हैं, आरपी हैं, उन्हें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी थी। उन्होंने कहा जी कंपनी में फाइनेंशियल क्रेडिटर नंबर 1 है 100 करोड़ के, फाइनेंशियल क्रेडिटर नंबर 2 है 200 करोड़ के, फाइनेंशियल क्रेडिटर नंबर 3 है 300 करोड़ के, फाइनेंशियल क्रेडिटर नंबर 4 है लेट्स सपोज 200 करोड़ के, एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर नंबर 5 है 200 करोड़ के। तो टोटल ये 1000 करोड़ के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे। साथ में भूषण स्टील के कुछ डायरेक्टर्स भी थे, पार्टनर्स भी थे, और साथ में यहां पर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स थे। लेट्स सपोज बच्चों मैं कहता हूं ऑपरेशनल क्रेडिटर थे 400 करोड़ के। तो आज आरपी मीटिंग का नोटिस भेजने वाला है, उसने सबसे पहले कहा ठीक है जी डायरेक्टर्स और पार्टनर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स को नोटिस जाएगा, वो मीटिंग में आएंगे, वोट डालेंगे। सवाल उठा जी क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर के रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस भेजे? बिल्कुल, क्योंकि कंपनी का टोटल डेट कितना हो गया 1000 प्लस 400 करोड़, और उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का जो पोर्शन है 10% या उससे ज्यादा है, तो इसके रिप्रेजेंटेटिव को भी नोटिस जाएगा, वो मीटिंग में आएगा पर वोट नहीं डालेगा। अब बात आई जी क्या इन सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को नोटिस भेजा गया? यस। अब बच्चों जैसी सीओसी की मीटिंग आएगी क्या हर एक फाइनेंशियल क्रेडिटर को मीटिंग में प्रेजेंट होना पड़ेगा? द आंसर इज नो। लॉ ने क्या कहा जी इनकी कोरम की रिक्वायरमेंट है 33% बाय वैल्यू। लेट सपोज मैं कहता हूं बच्चों मीटिंग में FC1 आ गया, FC2 आ गया, FC3 आ गया, तो क्या यह मीटिंग हो पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि इनका टोटल डेट कितना है 60% आउट ऑफ 1000 करोड़ का फाइनेंशियल डेट, तो यहां पर कोरम प्रेजेंट हो गया। अब जैसी बच्चों ये कोरम प्रेजेंट है और हमें सीओसी का कोई भी डिसीजन लेना है तो जनरली डिसीजन कितने परसेंट से लिया जाएगा? 51%। कुछ और परसेंटेज स्पेसिफाई हो लाइक 66-90 तो बात अलग है, पर जनरली डिसीजन कितने से लिया जाएगा? 51। ये 51 हमें किसका देखना है? ऑब्वियसली प्रेजेंट इन वोटिंग का। तो यहां पर ये जो 600 करोड़ है अगर इसमें से 51% बाय वैल्यू ने फेवर में वोट डाल दिया तो वो डिसीजन अप्रूव हो जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई हो, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है पर अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया फिर इट वॉन्ट बी टफ। चलिए बच्चों आगे कह रहे जी अगर कोरम एब्सेंट है मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली एडजर्न सेम टाइम एंड प्लेस नेक्स्ट डे एंड एट एडजर्न मीटिंग मेंबर प्रेजेंट शैल बी डीम्ड टू बी द कोरम। तो ये थोड़ी थोड़ी कंपनीज एक्ट जैसी बात आपको याद आ रही होंगी। तो ये बच्चों सीओसी की मीटिंग्स अकॉर्डिंगली यहां पर की जाएंगी। एंड फाइनली बच्चों जैसे ही सीओसी की मीटिंग आएगी सीओसी सबसे पहला काम क्या करेगी? वो आरपी को करेगी अपॉइंट। तो सीओसी अपनी सबसे पहली मीटिंग बच्चों 7 दिन के अंदर कर लेती है और उसके बाद मीटिंग में 66% वोट से डिसाइड होगा कि जो आईआरपी है क्या उसे ही आरपी की तरह अपॉइंट करना चाहिए या हम आईआरपी को बदलकर एक नया आरपी लाना चाहते हैं। तो मीटिंग में यह वाला डिसीजन सीओसी कितने वोटिंग परसेंटेज से लेगी? 66। दैट इज बच्चों अगर आईआरपी को रिप्लेस करने की बात आई तो वो डिसीजन कितने से लिया जाएगा? 66%। तो जो आईआरपी था उसे जब आप आरपी की तरह अपॉइंट कर रहे हो यह डिसीजन 66% का होगा। तो यहां पर सीओसी के पास क्या ऑप्शन है? या तो उन्हीं आईआरपी को आरपी अपॉइंट कर दे या उसकी जगह कोई नया आरपी ले आए। पर जी उसकी जगह नया आरपी लाना इतना आसान नहीं है। अगर सीओसी आप उसकी जगह नया आरपी लाना चाहते हो तो आपको इसकी एप्लीकेशन एक बार एनसीएलटी के पास देनी पड़ेगी। एनसीएलटी आईबीबीआई से 10 दिन में कंफर्मेशन मंगाएगा। अगर आईबीबीआई का 10 दिन में कंफर्मेशन आ गया तो पुराने आईआरपी पुराने सीए साहब चले जाएंगे और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अब नए सीए साहब से अपना काम चलाएगी। तो दिस इज आवर बच्चों ये स्टेज 3 हो जाती है हमारी कंप्लीट। और आगे बच्चों आपके आ रही है ड्यूटीज ऑफ आरपी। तो बच्चों ये वाली ड्यूटीज आउटपुट से ये आप खुद से पढ़िएगा बिकॉज इसकी ड्यूटीज मोर एंड लेस आईआरपी वाली ड्यूटीज जैसी ही है। ठीक, तो ये वाली ड्यूटीज आप देखिएगा कि जिसकी ड्यूटीज क्या क्या रहने वाले। तो जो काम आईआरपी कर रहा था वही काम सॉर्ट ऑफ आरपी करेगा। कंपनी का कामकाज देखना, कोई इंटरिम फाइनेंस रेज करना एटसेट्रा एटसेट्रा, तो कंपनी का सारा देखरेख ये आरपी करता है। बस यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, यहां पर बच्चों कुछ सीए साहब को कहा गया है कि आप कंपनी के आरपी की तरह अपॉइंट नहीं हो पाएंगे। आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं, आपने एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ केसेस में आप कंपनी के आरपी अपॉइंट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल बच्चों लेट्स सपोज आज मैं भी सीए हूं, मैंने सीए की डिग्री एक्वायर कर ली, मैंने कुछ एग्जाम्स क्लियर किए और मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन गया और मैंने दुनिया को कह रखा है जी किसी भी कंपनी में कोई आईआरपी या आरपी अपॉइंट करना हो तो मैं हूं जी, मुझे अपॉइंट कर सकते हो। एंड लेट्स सपोज बच्चों यही भूषण स्टील्स का केस यहां पर आ गया और आज बच्चों भूषण स्टील्स का केस चल रहा है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स आई और वो कह रहे हो जी हर्ट सर हम ना आपको आरपी की तरह अपॉइंट करना चाह रहे हैं। मैंने कहा मुझे करना चाह रहे हो? तो जी मैं ना क्या चेक करता हूं कि भूषण स्टील के जो प्रमोटर है वो मेरे भाई हैं, सगे भाई हैं, और भूषण स्टील्स का ही केस आईबीसी में आ गया और मैं भूषण स्टील्स के प्रमोटर से कहीं ना कहीं रिलेटेड हूं और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स मेरे पास आ गए। लेट्स सपोज कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को ये बात नहीं पता थी, तो बच्चों आप बताइए क्या मुझे ये वाला केस एडमिट करना चाहिए? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि यहां एज अ प्रोफेशनल मैं जो डिसीजन लूंगा वो डिसीजन इंडिपेंडेंट होंगे ही नहीं।
मेरे डिसीजन हमेशा इन्फ्लुएंस्ड होंगे और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि सीओसी कोई वीक डिसीजन ले ले जिससे प्रमोटर को फायदा पहुंच जाए। इसलिए लोने का कहा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम आरपी की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते, दैट इज अगर आप आरपी बनना चाहते हो आपको ये कंडीशंस करनी पड़ेंगी सेटिस्फाइड। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस पर कई बार सवाल आते हैं, क्या क्या कंडीशन है जी, मैं किसी भी कंपनी में आरपी सिर्फ तभी अपॉइंट हो पाऊंगा, दैट इज सीओसी मुझे अपॉइंट करने को तैयार है, पर जब तक मैं ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करता मैं आरपी की तरह अपॉइंट नहीं हो सकता। उसमें बच्चों सबसे पहला और सबसे वाइड पॉइंट क्या आ रहा है कि जी मैं उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के काबिल हूं, दैट इज ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द डेटर वेयर द डेटर इज अ कंपनी। और बच्चों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात आपने सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में पढ़ी होगी, तो कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 आया था जो लंबा चौड़ा एक क्राइटेरिया ले डाउन करता है। तो ये अगर मैं वो क्राइटेरिया पूरा करता हूं दैट इज मैं उस कंपनी के अगेंस्ट इंडिपेंडेंट हूं तभी मैं उसका आरपी बन पाऊंगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है जी, ही इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ऑफ द डेटर, मैं उसका रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, अगर मैं रिलेटेड पार्टी हूं मैं आरपी नहीं बन सकता। तीसरी बात जी, आई एम नॉट एन एम्प्लॉय प्रोप्राइटर या पार्टनर ऑफ एनी ऑडिट फर्म, सेक्रेटेरियल ऑडिट फर्म या कॉस्ट ऑडिट फर्म ऑफ द डेटर इन द लास्ट 3 years। तो पिछले 3 सालों में भूषण स्टील के जो भी ऑडिटर साहब थे या जो भी कॉस्ट ऑडिटर थे या जो भी सेक्रेटेरियल ऑडिटर थे, मैं वहां पर एम्प्लॉय प्रोप्राइटर या पार्टनर की तरह काम नहीं कर रहा था। अगली बात बच्चों, मैं एम्प्लॉय प्रोप्राइटर या पार्टनर की तरह काम नहीं कर रहा था किसी ऐसी लीगल या कंसल्टिंग फर्म जिसने पिछले 3 सालों में उस कंपनी की 5% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर जितनी ट्रांजेक्शन करी हो। तो अगर भूषण स्टील की टर्नओवर 100 करोड़ आ रही थी तो आपकी ट्रांजेक्शन कम से कम 5% पिछले 3 साल में कर रही थी और मैं ऐसी फर्म का एम्प्लॉय प्रोप्राइटर या पार्टनर हूं, ध्यान रखना बच्चों ऐसे केस में भी मैं आरपी नहीं बन पाऊंगा। एंड दीस पॉइंट्स आर प्रीटी लॉजिकल। तो ध्यान रखना बच्चों कि अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए उस कंपनी में काबिल हूं, मैं रिलेटेड पार्टी नहीं हूं, मैं उस कंपनी की ऑडिट फर्म, कॉस्ट ऑडिट फर्म, सेक्रेटेरियल ऑडिट फर्म, कंसल्टेंसी फर्म इनसे भी नहीं जुड़ा हुआ, तभी मैं जाकर आरपी की तरह अपॉइंट हो सकता हूं, वरना मैं इस पर्टिकुलर कंपनी का आरपी नहीं बन पाऊंगा। तो ये एक सेफगार्ड लॉ मेकर ने सीए साहब के ऊपर लगाया। एंड फाइनली बच्चों, जो आरपी सीए साहब, फॉर एग्जाम्पल आईआरपी थे सीए साहब 1, तो सीए 1 वो आरपी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग आई और उन्होंने कहा हटाओ हम सीए साहब 2 को कर रहे हैं अपॉइंट। सीए साहब 2 मस्त अपना काम कर रहे थे और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कह रहे जी इनसे भी मजा नहीं आ रहा, हमें लग रहा है सीए साहब भी अपना काम अच्छा नहीं कर रहे। तो क्या सीआईआरपी की प्रोसीडिंग्स के दौरान वो इनको भी रिप्लेस कर सकते हैं? द आंसर इज यस, लॉ ने वो पावर भी दी। और बच्चों जितना आरपी को अपॉइंट करने के लिए वोटिंग परसेंटेज चाहिए था वही वोटिंग परसेंटेज इन्हें रिप्लेस करने के लिए भी चाहिएगा। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है जी, सीओसी विद 66% वोटिंग परसेंटेज रिप्लेस, पर रिप्लेस करने से पहले आपको वही एनसीएलटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा और एनसीएलटी अप्रूवल देने से पहले आईबीबीआई का 10 दिन के अंदर मंगवाता है रिकमेंडेशन। तो दिस इज हाउ बच्चों आप किसी भी कंपनी में आरपी को अपॉइंट कर सकते हो 66% वोटिंग परसेंटेज के साथ और आरपी को रिप्लेस कर सकते हो 66 वोटिंग परसेंटेज के साथ। मैं सारी बातों को फिर से समअप कर रहा हूं बच्चों, हमने स्टेज 1 में क्या जाना था कि कंपनी के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल हुई, तो यहां पर हमने देखा था सेक्शन 7, 8, 9, 10, फिर हमने देखा कब कब एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती सेक्शन 11, कितने टाइम में आपका सीआईआरपी कंप्लीट हो जाना चाहिए, एप्लीकेशन विड्रॉ हो सकती है यानी, ये सारी बातें हमने यहां पर डिस्कस करी। फिर स्टेज 2 में हमने क्या देखा, जैसे ही एनसीएलटी एप्लीकेशन एडमिट करेगा एनसीएलटी मॉरेटोरियम डिक्लेयर करेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा और एक आईआरपी को कर देगा अपॉइंट। अब जैसे ही आईआरपी आएगा वो सारे क्लेम्स कंसोलिडेट करने के बाद कंपनी की एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएगा जिसपे जनरली सिर्फ कौन होते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर, पर कंपनी में फाइनेंशियल क्रेडिटर ही ना हो, या सपोज फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर रिलेटेड पार्टी है तो नहीं आ सकता, फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर रिलेटेड पार्टी सिर्फ इस वजह से बना था कि डेट इक्विटी में कन्वर्ट हुआ था तो आ सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, फिर 18 लार्जेस्ट ओसी, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉई, ये आएंगे आपकी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पर। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का कोई भी जो डिसीजन है बच्चों, अगर लॉ में कोई और परसेंटेज प्रिस्क्राइब नहीं है तो वो वाला डिसीजन 51% मेजोरिटी के साथ लिया जाएगा। कोरम की रिक्वायरमेंट कितनी है, 33%। और कमेटी आते ही सबसे पहला काम क्या करेगी, आरपी को करेगी अपॉइंट। और ये जो आरपी आएगा बच्चों, इस आरपी के लिए कुछ सेफगार्ड दिए गए कि आरपी को भी बदला जा सकता है और आरपी एक क्राइटेरिया जरूर पूरा करता हो। तो बच्चों ध्यान रखना, अब जैसे ही आरपी आ गया इस कंपनी का पूरा देखरेख कामकाज यही आरपी संभाल रहा है और इसे ये काम अच्छे से करना है, अगर इसने गड़बड़ी करी तो सीओसी इसे रिप्लेस कर सकती है, ध्यान रखना। और यही काम करते हुए बच्चों लॉ मेकर ने लॉ को ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया, क्यों बनाया आप समझोगे, लॉ मेकर ने फिर यहां पर बनाया बच्चों एक सेक्शन 28, और लॉ मेकर ने क्या कहा कि जी जैसे ही भूषण स्टील्स में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का गठन हो गया और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने आरपी को कर दिया अपॉइंट, अब ये आरपी इस कंपनी के लिए सारे डिसीजंस ले रहा है,
सारे एसेट्स को कंट्रोल कर रहा है, लायबिलिटीज का सेफ गार्ड कर रहा है, सारे क्लेम्स और देख रहा है, तो सारा काम नेटनेट इस कंपनी की पूरी मैनेजमेंट इस आरपी के हाथ में है। और अगर इस कंपनी को भी गोइंग कंसर्न की तरह चलाना भी है तो वो काम भी आरपी करेगा, ताकि कोई आकर इस कंपनी को खरीद ले। तो ये सारे काम करते करते बच्चों क्या आरपी को इस कंपनी के लिए काफी सारे डिसीजन लेने होते हैं? द आंसर इज यस। अब वो डिसीजन जनरली आरपी खुद लेता है। अगर किसी डिसीजन के लिए लॉ ने कह दिया तो क्या वो सीओसी के पास भी जाएगा? यस। फॉर एग्जाम्पल अगर रिप्लेसमेंट की बात, सॉरी अगर विड्रॉल की बात आई, एप्लीकेशन विड्रॉल की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सीओसी के पास जाता है, वरना आरपी ही सारे डिसीजंस खुद से लेता है। और लॉ ने यहां पर एक सेक्शन 28 बनाकर क्या कहा, लॉ ने कहा जनरली तो आरपी भूषण स्टील्स के सारे डिसीजन आप खुद लोगे, आपको कंपनी चलानी आती है, आप इस कंपनी का देखरेख करना, पर भूषण स्टील का देखरेख करते समय कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पर पड़ेगा, तो ये वाले डिसीजन लेने से पहले आपको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दैट इज यहां पर एक सेक्शन 28 बनाया गया बच्चों, और यहां पर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस या कुछ ऐसे डिसीजंस बताए गए जो डिसीजन लेने से पहले आरपी को सीओसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और सीओसी का भी अप्रूवल कितने से, 66% वोटिंग शेयर। तो यहां पर क्या बोल दिया गया कि जी कुछ ऐसे डिसीजंस हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिनके ऊपर हमें सीओसी से पहले ठप्पा लगवाना जरूरी है, और सीओसी का कितने वोटिंग परसेंटेज से वो ठप्पा लगेगा, 66। सर इनके अलावा जितने डिसीजन बच गए उन पे सीओसी से अगर अप्रूवल चाहिए तो कितने से, 51%। पढ़ते हैं भाई कौन से डिसीजन है। तो जी लॉ ने क्या कहा, आरपी अगर बिजनेस करते समय आपको बीच में कुछ और पैसा रेस करने की जरूरत पड़ गई, आप डेबिट ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हो एक लिमिट से ज्यादा, मतलब आप खर्चा करना चाह रहे हो जरूरत से ज्यादा, आप कोई शेयर्स बेचना चाह रहे हो, आप मैनेजमेंट में कोई चेंज लाना चाह रहे हो, कंपनी का डेट ट्रांसफर करना चाह रहे हो, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हो, कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट कंपनी के एसेट में क्रिएट कर रहे हो, कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज ला रहे हो, कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल में कोई चेंज ला रहे हो, कंपनी के ओनरशिप इंटरेस्ट में कोई चेंज ला रहे हो, तो ये कुछ ऐसे डिसीजन है जिनको लेने से पहले आरपी आपको सीओसी से पूछना पड़ेगा। और अगर आरपी ने बिना सीओसी से पूछे काम करा तो सीओसी बच्चों सीधा उस आरपी, उस सीए साहब की कंप्लेंट करेगी आईबीबीआई के पास, और आईबीबीआई फिर आपके अगेंस्ट एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा। तो ये आया बच्चों सेक्शन 28 कि कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिनके ऊपर पहले सीओसी से प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है, एंड दिस इज ऑल अबाउट हमारा स्टेज 3। तो ये बच्चों हमारी स्टेज 3 यहां पर पूरी हुई। तो स्टेज 1 आया, कंपनी के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल हुई, स्टेज 2 आया, एनसीएलटी ने 3 काम किए, और स्टेज 3 आया जैसे ही सीओसी बनी उसने आरपी अपॉइंट किया, आरपी ने सारे काम किए, डिसीजन मेकिंग चल रही है, एंड फाइनली अब स्टेज 4 आएगा, और वो क्या होगा बच्चों, आरपी कंपनी का एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जिसमें कंपनी की पूरी बायोग्राफी डाली जाएगी वो बनाकर कहेगा, देखो जी ये कंपनी बिकाऊ है, इस कंपनी ने बहुत डिफॉल्ट करे हैं और आज मेरे कंट्रोल में कंपनी आई है, अगर कोई इस कंपनी को खरीदना चाहता है जेएसडब्ल्यू स्टील टाटा स्टील तो आगे आए, और उन्हें आगे आके बच्चों क्या बनाकर लाना पड़ेगा, एक रिजोल्यूशन प्लान। तो आरपी रिजोल्यूशन प्लान मंगाएगा किससे, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट से, जो प्लान आएंगे उन प्लान को सीओसी के पास सबमिट किया जाएगा, और अगर सीओसी ने अपना अप्रूवल दे दिया फिर उस प्लान को एनसीएलटी के पास भेजा जाएगा, और अगर एनसीएलटी का भी अप्रूवल आ गया तो हम क्या कहेंगे, कंपनी का सीआईआरपी हुआ सक्सेसफुल। पर बच्चों अगर कोई प्लान आया ही नहीं तो स्टेज 5 में फाइनली कंपनी को क्या किया जाएगा, लिक्विडेट। पढ़ लेते हैं बच्चों, तो अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं जी, यहां पर एक रिजोल्यूशन प्लान बनाकर लाया जाएगा। तो कह रहे जी आरपी शैल प्रिपेयर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फॉर फॉर्मुलेटिंग रिजोल्यूशन प्लान, आरपी शैल प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू दी एप्लीकेंट, कि जी टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील अगर कोई जानकारी चाहते हैं भूषण स्टील्स के रिगार्डिंग आरपी वो सबमिट करेगा, और फाइनली बच्चों वो प्लान लाया जाएगा और उसे सबमिट किया जाएगा सीओसी के आगे। आगे बच्चों एक सेक्शन 29A आ रहा है, इस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं नीचे जाता हूं। जैसे ही आरपी के पास बच्चों एक रिजोल्यूशन प्लान आया, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट में सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान, आरपी शैल एग्जामिन दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में एक दो बार इस पर सवाल आए हुए हैं कि जैसे ही जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील एक प्लान बनाकर लाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर भूषण स्टील्स थी, भूषण स्टील्स में अब सीओसी बन चुकी थी, सीओसी के नीचे एक आरपी काम कर रहा है, आरपी ने प्लान मंगाए और प्लान मंगाकर बच्चों आगे लाया जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, इन दो लोगों के प्लान आए, तो लॉ क्या कह रहा है, लॉ कह रहा है आरपी आप ना आंख बंद करके ये दोनों प्लान सीधा सीओसी के आगे सबमिट मत करिएगा, आप पहले कुछ फैक्टर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उन फैक्टर्स के हिसाब से देखना कि ये प्लान्स उन फैक्टर्स के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, अगर ये प्लान उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन फैक्टर्स को सेटिस्फाई करते हैं, तब आप ये प्लान सीओसी को सबमिट करना, और सीओसी का अप्रूवल आ जाता है एनसीएलटी को सबमिट करना। तो बच्चों वो फैक्टर्स कौन से हैं जो हर प्लान में होने चाहिए, मतलब एक प्रॉपर रिजोल्यूशन प्लान में क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली बात बच्चों, हर रिजोल्यूशन प्लान में जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की कॉस्ट है
वो प्रोवाइड होनी चाहिए। मतलब जब जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील ये प्लान बनाकर लाएंगे उसमें जो इंसॉल्वेंसी की कॉस्ट है, और ध्यान रखना नालायक हो, इस इंसॉल्वेंसी की कॉस्ट में तुम्हारी फीस भी आएगी, तो जो आईआरपी और आरपी की फीस होती है वो भी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की कॉस्ट की फीस है, वो इस प्लान में जरूर प्रोवाइडेड हो। कि जी ये दोनों प्लान में क्या कह रहे हैं कि जी हम इसका पैसा पे कर देंगे, जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का खर्चा है वो हम पे कर देंगे। अगली चीज, प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो आरपी आप चेक करना कि जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का भी पैसा दे रहे हो, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को खुश करने के लिए, उन्हें तो सारा पैसा दे रहे हैं, उनका अप्रूवल तो ले लेंगे, और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए आप जरूर चेक करना कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का पैसा भी इस प्लान के तहत चुकाया जा रहा हो। तीसरी बात, प्रोवाइड्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ डेटर। कि जी कैसे आप उस कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करोगे, चलाओगे, अपने में मर्ज करोगे, क्या आप कैसे उस डेटर को रन करने वाले हो, वो बात जरूर हो। अगली बात, इंप्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ प्लान। आईडीबीआई के द्वारा प्रोवाइडेड कुछ रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करे और किसी भी लॉ के किसी भी प्रावधान को ब्रेक ना करे। अगर ये फैक्टर्स सेटिस्फाइड होते हैं तब आरपी उस प्लान को आगे सीओसी के पास करेगा सबमिट, और अगर सीओसी का यहां पर 66% से अप्रूवल आ गया फिर वो प्लान जाता है एनसीएलटी के पास, और एनसीएलटी भी अगर अप्रूवल दे देता है तो बच्चों कंपनी की सीआईआरपी हो जाती है रिसॉल्व। तो अगला स्टेप क्या कह रहे हैं जी, अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। कि जैसी एनसीएलटी शैल बाय ऑर्डर अप्रूव और रिजेक्ट दी प्लान। आगे कह रहे हैं जी एनसीएलटी किन ग्राउंड्स पर उसे रिजेक्ट करता है। बच्चों सेम ग्राउंड है कि वो किसी लॉ की बात को तोड़ रहे हैं, उसमें इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की कॉस्ट ही नहीं दी गई, उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का कोई पैसा ही नहीं चुकाया जा रहा, मेटीरियल इरेगुलरिटी है, डज नॉट कंप्लाई विद क्राइटेरिया ऑफ आईबीआई, दैट इज ये जो ऊपर फैक्टर्स दिए गए थे, अगर ये फैक्टर्स मीट नहीं हो रहे होंगे और बाई चांस आरपी ने सीओसी को रिकमेंड किया, सीओसी ने अप्रूव कर दिया, लास्ट स्टेज पर एनसीएलटी कभी भी उस प्लान को फाइनलाइज नहीं होने देगा। तो ध्यान रखना ये फैक्टर्स हर प्लान द्वारा मीट होने जरूरी है। और ऊपर क्या कह रहे हैं जी, अगर एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल आ गया देन रिजोल्यूशन एप्लीकेंट शैल ऑब्टेन नेसेसरी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ विद इन वन ईयर ऑफ द अप्रूवल ऑफ प्लान ऑफ एनसीएलटी और टाइम प्रोवाइडेड इन सच लॉ व्हिचएवर इज लेटर। फॉर एग्जांपल बच्चों आज इस पूरे आईबीसी के प्लान के तहत कोई कंपनी किसी इंश्योरेंस कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो जी एनसीएलटी ने तो अपना अप्रूवल दे दिया, पर इंश्योरेंस एक्ट कहता है जी इंश्योरेंस कंपनी अगर बिकेगी तो पहले आईआरडी का भी अप्रूवल चाहिए। तो लॉ क्या कह रहे जी, अगर एनसीएलटी ने वो इंश्योरेंस कंपनी किसी को बेचना एग्री कर लिया और उसके स्पेशल एक्ट के तहत किसी अथॉरिटी से कोई अप्रूवल लेना था, वो अप्रूवल आपको अगले एक साल में लेना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर आपने टाटा स्टील भूषण स्टील्स को खरीदा है तो उससे ना मार्केट में कंपटीशन खत्म होता है। तो बच्चा हमारे देश में एक एक्ट है कंपटीशन एक्ट, उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप किसी भी कंपनी का टेक ओवर या उसको एक्वायर करते हो एक लिमिट से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अमाउंट से, जहां उसकी एसेट या टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है जिससे कॉम्पिटिशन पर एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, तो वहां पर आपको सीसीआई से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो अप्रूवल भी आपको यहां पर ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो सीसीआई का एक प्रायर अप्रूवल आएगा, और जो आईआरडीए है या आरबीआई है इनका अगर अप्रूवल कहीं भी चाहिए तो ये अप्रूवल आपको अगले एक साल के अंदर अंदर लेना रहता है। नेट नेट इस तरीके से एनसीएलटी फाइनली उस कंपनी का रिजोल्यूशन प्लान करेगा अप्रूव, और बच्चों अगर ये हो गया तो कंपनी की इंसॉल्वेंसी हो जाएगी रिजॉल्व। और अगर कोई प्लान आया ही नहीं या अप्रूव नहीं हो पाया तो फाइनली क्या होगा, कंपनी को लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा, और यही हमारा लास्ट स्टेज भी आएगा। तो लास्ट स्टेज ऑफ लिक्विडेशन। तो जितना भी बच्चों हमने पढ़ा उसका यहां पर एक स्नैपशॉट आ रहा है, देख लेते हैं। यहां पर एक छोटा सा करेक्शन भी करना, कमिटमेंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ ₹1 करोड़। तो जैसे ही कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट किया उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल होगी, या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर करेगा या ऑपरेशनल क्रेडिटर करेगा या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट करेगा। जैसे ही एप्लीकेशन फाइल होगी एनसीएलटी मॉरेटोरियम डिक्लेयर करेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट, एक आईआरपी को करेगा अपॉइंट, फिर आईआरपी सारे क्लेम कंसोलिडेट करने के बाद सीओसी बनाएगा, सीओसी आरपी को अपॉइंट करेगा, आरपी एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करेगा, उस मेमोरेंडम को देखकर बहुत सारे लोग उस कंपनी को खरीदने के लिए अपना रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करेंगे, अगर वो प्लान अप्रूव हो गया तो सीआईआरपी सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और ये सारे काम कितने दिन में हुआ होगा, 180 दिन। अगर बच्चों वो प्लान अप्रूव नहीं हुआ तो कंपनी फाइनली कहां से ले जाएगी, लिक्विडेशन में, फिर उसको बेचा जाएगा, उसके एसेट्स बेच करके लाइबिलिटीज को रीपे किया जाएगा। तो ये आई बच्चों आपकी फाइनल स्टेज। बस इस सारे डिस्कशन में बच्चों ये हमारा सीआईआरपी का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आगे जो भी बातें आने वाली है वो लिक्विडेशन की आने वाली है। सीआईआरपी का ये पूरा प्रोसेस हमने 6 पेजेस में समराइज कर लिया। बस यहां पर एक छोटा सा सेक्शन रह गया, एंड दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज सेक्शन 29A। प्लीज लास्ट पॉइंट है सीआईआरपी का, ध्यान से समझना, फिर हम लिक्विडेशन पे जंप कर जाएंगे। तो बच्चों हमने एग्जांपल ले रखा था भूषण स्टील्स का। तो यहां बच्चों भूषण स्टील्स है, भूषण स्टील्स का केस आईबीसी में आ चुका है, सीओसी बन चुकी है, आरपी बन चुका है, आरपी ने एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जिसमें भूषण स्टील की बेसिक जानकारी है वो रेडी कर लिया, और अब आरपी वेट कर रहा है जी काश कोई प्लान लेकर के आए, काश कोई प्लान लेकर के आए। तो बच्चों लेट सपोज
भूषण स्टील्स को खरीदने के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील एक प्लान लेकर के आरपी ने कहा ठीक है जी दे जाओ मुझे मैं देख लूंगा। टाटा स्टील एक प्लान देकर के गई, उसने कहा ठीक है जी आप भी दे जाओ मैं देख लूंगा। तीसरा बच्चों यहां पर एक पर्सन आया विजय माल्या और कह दिया मैं भी भूषण स्टील्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हूं। फिर एक पर्सन आया नीरव मोदी, वो कह रहे जी मैं भी इस कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड हूं। तो जी सवाल उठता है क्या विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को भी ये रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना और इंडिया की किसी कंपनी को ऐसे खरीदना परमिटेड होना चाहिए? द आंसर इज नो। तो लॉ मेकर ने बच्चों यहां पर एक सेक्शन 29A बनाया और उन्होंने कहा जी कुछ ऐसे लोग हैं जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स नहीं बन सकते, मतलब रिजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकते किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए। तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने पर लगाया गया एक रोक, और यहां पर किस टाइप के लोगों को कवर किया गया, जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी है, या ऑलरेडी कोई दिवालिया बंदा है जिसके अपनी दिवालिया पंती का केस चल रहा है और दूसरी कंपनी को खरीदने आ गया। तो जी अगर कोई ऐसा अंडरचार्ज इंस्टॉलमेंट है ऑब्वियसली वो भी नहीं कर पाएगा। बच्चों यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीक पॉइंट है यहां पर। बच्चों एक और पर्सन आगे आया और जो पर्सन आ गया है वो कौन आया, भूषण स्टील्स के ही प्रमोटर हैं। सर उन्होंने तो डिफॉल्ट करा था उनसे डिफॉल्ट हो गया था, पर आज वो कह रहे जी मेरी कंपनी अब मेरे हाथ से जाने वाली है, 50 साल पुरानी कंपनी है, मेरे पूर्वजों ने मेरे को ये कंपनी दी थी और आज मेरे से गलती हुई, कंपनी में नुकसान थे, केएसआईबीसी में चला गया, आज कंपनी मेरे हाथ से छूटने वाली है। जेएसडब्ल्यू स्टील मेरी कंपनी के 30,000 करोड़ देने को तैयार है, टाटा स्टील 40,000 करोड़ देने को तैयार है, पर मैं अपनी कंपनी अपने हाथों से अपनी आंखों से अलग होते नहीं देख सकता। तो प्रमोटर किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके आगे आया और 42,000 करोड़ देने को तैयार है। तो सवाल उठता है जी क्या कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स भूषण स्टील के प्रमोटर्स को ही उनकी कंपनी वापसी बेच सकती है? तो बच्चों नॉर्मल केस सिनेरियो में तो यस, पर लॉ ने प्रमोटर के ऊपर भी लगा दी है कुछ रिस्ट्रिक्शन जैसे कि अगर प्रमोटर आपने जो लोन नहीं चुकाया था, अगर वो लोन एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया था, फिर आप अपनी कंपनी दोबारा नहीं खरीद पाओगे। अगर आपने जानबूझ के बैंकों का पैसा नहीं चुकाया, पैसा होते हुए भी नहीं चुकाया था और आज आपके पास पैसा है, आज आगे रख तो नहीं ले पाओगे। दैट इज नॉर्मल केस सिनेरियो में शायद प्रमोटर को कंपनी वापसी मिल जाए, पर लॉ ने यहां इस प्रमोटर के ऊपर भी लगा दिए हैं कुछ कंडीशन। दैट इज ऐसे कुछ सिनेरियोज हैं जब इस प्रमोटर को वापसी अपनी कंपनी नहीं मिल पाएगी। और यहां से बच्चों एक बात क्या समझ में आई कि अगर भूषण स्टील्स हमारी कंपनी होती और हमारा अकाउंट एनपीए बन चुका है या हम जानबूझ के बैंकों का पैसा नहीं लौटा रहे और बाई चांस बैंक हमारी कंपनी को घसीटकर आईबीसी में ले गया, तो शायद हमेशा के लिए मेरी कंपनी मेरे हाथों से चली जाएगी। क्यों? जब केस एडमिट हुआ मेरा कंट्रोल कंपनी पर से चला गया, फिर सीओसी जिसको ये कंपनी बेचेगी मैं प्लान सबमिट करने आ नहीं सकता, तो मेरी कंपनी मेरे हाथों से चली जाएगी। हालांकि एक तरीका यहां भी है बचने का, क्या कि अगर आप किसी तरीके से सेक्शन 12A में 90% सीओसी को कन्विंस करके ये पूरा जो एप्लीकेशन फाइल हुई थी उसे ही विड्रॉ करा दो, That is a separate thing. तो आप resolution applicant तो नहीं बन सकते, यहां पे शायद आप plan file नहीं कर पाओगे, पर अगर 90% COC को आप convince कर जाओ और वो application withdraw करने के लिए राजी हो जाए तब शायद आपकी company बच जाएगी। net आपके लिए अपनी company को बचाना उतना आसान नहीं रहने वाला, इसलिए लोगों में IBC को लेके बहुत ज्यादा डर है कि अगर आज हम किसी का पैसा मारते हैं और वो हमें घसीट कर आईबीसी में ले जाएगा शायद मेरी कंपनी हमेशा के लिए मेरे हाथों से चली जाएगी, और ये डर बिठाना बड़ा जरूरी था। उसी के लिए बच्चों आया सेक्शन 29A पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं भाई, पर्सन नॉट एलिजिबल टू बी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो जी ये लोग रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते, मतलब किसी दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए प्लान सबमिट नहीं कर सकते। कौन कौन आ रहा है बच्चा यहां पर, एक अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, खुद दिवालिया हो दूसरे को क्या खरीदोगे। अगला विलफुल डिफॉल्टर, बच्चों एक तो होता है डिफॉल्टर कि मेरे पास पैसा नहीं था इस वजह से डिफॉल्ट हो गया, पर एक होता है विलफुल डिफॉल्टर कि पैसा होने के बावजूद आपने पैसा नहीं चुकाया, उसे हम विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। तो अगर आप विलफुल डिफॉल्टर थे अब आप रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। इफ यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो भी आप उस केस में एप्लीकेंट नहीं बन पाओगे, प्लान सबमिट नहीं कर पाओगे। अगर सेबी ने अपने लॉस के तहत आपको सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने से बैन कर रखा है, जैसे विजय माल्या बैन है, तो जी उस केस में आप रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। अगली बात बच्चों, आईबीसी के तहत एक स्केड्यूल है स्केड्यूल 12, तो आईबीसी के एंड में स्केड्यूल 12 दिया गया, वहां पे काफी सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं। अगर स्केड्यूल 12 के किसी ऑफेंस में आपको 2 साल जेल में डाला गया या उसके अलावा आपने कोई और ऑफेंस किया जो स्केड्यूल में कवर नहीं है जिसके तहत आपको 7 साल की जेल हुई, तो उस केस में आप रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन पाएंगे। सर कब तक नहीं बन पाएंगे, तो लॉ ने कहा था जी जिस दिन आप जेल से बाहर आओगे उसके अगले 2 साल तक भी आप रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन पाओगे। जितने टाइम जेल में हो प्लान सबमिट नहीं कर सकते, बाहर आने के बाद भी 2 साल का कूलिंग पीरियड है, उसके बाद ही आप एप्लीकेंट बन पाओगे। अगली बात क्या कह रहे हैं जी, जिस समय आप प्लान सबमिट करना चाह रहे हो उस समय आपका कोई अकाउंट एनपीए की तरह क्लासिफाइड है, कि आपने बैंक का पैसा चुराए हुए 90 दिन हो चुके, चुराए हुए नहीं सॉरी रीपे करने में 90 डेज का डिले कर चुका और आपका अकाउंट एनपीए बन चुका है,
प्लान सबमिट नहीं कर पाओगे, या आप किसी ऐसे कॉर्पोरेट डेटर के प्रमोटर हो या उसके डायरेक्टर वगैरह हो जिसका अकाउंट एनपीए है, तो भी आप प्लान सबमिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर जेएसडब्ल्यू स्टील भूषण स्टील्स को खरीदने आ रही है और जेएसडब्ल्यू स्टील का अपना अकाउंट बैंक में एनपीए है, तो क्या ऐसी कंपनी को भूषण स्टील बेचनी चाहिए? नहीं, अपना अकाउंट एनपीए का रखा, भूषण स्टील को खरीद के फिर से एनपीए कर देंगे, तो इसलिए लोगों ने कहा नहीं कर पाओगे। पर बच्चों, अगर जेएसडब्ल्यू स्टील कह रहे जी भूषण स्टील्स को तो खरीदना है, उसका प्लांट एकदम मेरे बाजू में है, खरीदूंगा तो साइनर्जी के बेनिफिट जबरदस्त है, तो भूषण स्टील कह रहे जी सॉरी जेएसडब्ल्यू स्टील कह रही है बैंक में काम करती हूं, मैं आपका पैसा चुका देती हूं, फिर मेरा खाता एनपी नहीं रहेगा, फिर मैं भूषण स्टील को खरीदूंगी। लोने का यस, लोने का अगर आप सारा का सारा प्लान सबमिट कर सकते हो, अगर आप पैसा पे करने को तैयार हो, अगर आप अपना पैसा पे कर दोगे फिर आपका अकाउंट एनपी नहीं है, तब आप भूषण स्टील्स को इस केस में परचेज कर पाओगे। और कब कब आप रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। लोनिका का जी, अगर आप प्रमोटर हो, मैनेजमेंट में हो या कंट्रोल में किसी ऐसे डेटर के जिसके साथ कोई प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन या फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हुई थी, उस केस में आप रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन पाएंगे। अब सर, ये प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है? तो बच्चों, ये टॉपिक यहीं पर आगे आएगा, वी विल बी डिस्कसिंग। तो ये प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, अंडर वैल्यूड, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट, ये तीनों ट्रांजेक्शन आगे आएंगे, वहां हम डिस्कस करेंगे। पर नेट नेट सेक्शन 29A आपके ऊपर रोक लगा रहा है कि आप कुछ केसेस में प्लान ही सबमिट नहीं कर पाओगे, किसी कंपनी को एक्वायर नहीं कर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट CIRP। तो बच्चों, हम जो ये पांच स्टेजेस लेकर चले थे उसमें से चार स्टेजेस यहां पर कंप्लीट हुई और हमारी समरी बुक में ये लगभग 6.5 पेजेस में यहां तक समराइज्ड है। अब इसके आगे जो भी बात हो रही है वो आएंगी लिक्विडेशन की, कि जी अगर उस कंपनी को खरीदने कोई आया ही नहीं, उसकी इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व ही नहीं हो पाई, तो जी अब तो फाइनली उठाकर उस कंपनी को हमें लिक्विडेट ही करना पड़ेगा। तो अब लिक्विडेशन की बातें आएंगी जो रहेंगी हमारी स्टेज नंबर 5। पर नेट नेट में यही कहूंगा, आप ये पांच स्टेजेस में अगर आईबीसी को ब्रेक करके पढ़ोगे, आपको इसका पूरा फ्लो हमेशा याद रहेगा, और एक बार अगर आप पूरा फ्लो पकड़ जाते हो फिर उसके इंटरनल जितने भी डेप्थ में टॉपिक्स हैं उन्हें समझना उतना मुश्किल नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इस टाइप से उसको स्टेजेस में ब्रेक ना करते और मैं आपको बस पढ़ाया जाता है इस सेक्शन में, इस सेक्शन में, एक सेशन में, आप कभी भी इंटरकनेक्शन बना ही नहीं पाते और एक मैक्रो व्यू आईबीसी का आपको मिल ही नहीं पाता। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट आईबीसी सो फार, जहां पर हमने CIRP की बातें डिस्कस करी। मैं चाहूंगा यहां पर आप एक मिनट लगाएं और मैं आपकी स्क्रीन पर स्क्रोल कर रहा हूं, फटाफट से ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिए, फिर हम लिक्विडेशन के साथ करेंगे स्टार्टिंग। एक बार ये पॉइंट्स देख लीजिए, ये बच्चों हमारा स्टेज 1 आ रहा है जहां पर एप्लीकेशन फाइल हुई, सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10, 11 में बताया गया कब कब आप CIRP इनिशिएट नहीं कर सकते। सेक्शन 12 में टाइमलाइन दी गई, सेक्शन 12A में विड्रॉल की बात आई, फिर स्टेज 2 आया, NCLT ने मॉरेटोरियम डिक्लेयर किया, पब्लिक अनाउंसमेंट करी और IRP को किया अपॉइंट, IRP की सारे ड्यूटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। फिर स्टेज 3 में IRP ने COC का गठन किया, COC में कौन कौन होगा, कैसे डिसीजन लिया जाएगा, कैसे मीटिंग्स होंगी एंड कैसे फिर आरपी को किया जाएगा अपॉइंट, आरपी की पावर साइन। फाइनली आरपी यहां पर मंगवाएगा रिजोल्यूशन प्लान, रिजोल्यूशन प्लान अगर ये फैक्टर सेटिस्फाई करते हैं COC को सबमिट किए जाएंगे, COC का अप्रूवल आ जाएगा तो NCLT का अप्रूवल लिया जाएगा, और अगर NCLT भी प्लान अप्रूव कर देगा तो CIRP आपका हो जाएगा रिजॉल्व। अब हमारी लास्ट स्टेज पर, तो हमने जो सारी स्टेजेस डिस्कस करी थी, लास्ट स्टेज फाइनली आ रही है यहां पर लिक्विडेशन की, एंड ये स्टेज बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि यहां पर आप सब समझते हैं कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो क्या होगा, एक लिक्विडेटर आएगा, कंपनी के एसेट्स को बेचा जाएगा, जितना हो सकेगा लायबिलिटीज को रीपे किया जाएगा, एंड फाइनली कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व। एंड एक छोटी सी बात, जो टर्म लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप है वो एकदम सेम होता है, एंड वो एक प्रोसेस है, जैसे ये लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाता है कंपनी का, डिसॉल्यूशन। तो बच्चों, कब कब हमें जरूरत पड़ेगी लिक्विडेशन करने की, तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि भाई हमने पूरा 180 दिन तक वेट किया, कोई रिजोल्यूशन प्लान आया ही नहीं, या रिजोल्यूशन प्लान बाई चांस आया था पर वो NCLT को समझ में ही नहीं आया, उसने डिसअप्रूव कर दिया, या बाई चांस इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारे क्रेडिटर्स ने पहले ही NCLT को क्या बोल दिया कि जी NCLT आपको 180 दिन वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस कंपनी को बेचने में इंटरेस्टेड है ही नहीं, हम चाहते ही नहीं कि कोई इस कंपनी को रिजोल्व करे, हम उठाकर तो इस कंपनी को डायरेक्टली बंद ही कर रहे हैं, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम और डायरेक्टली हम लिक्विडेशन के लिए करते हैं प्रोसीड, ऐसे केसेस में लिक्विडेशन हो जाएगा। तो पढ़ लेते बच्चों, ये क्या कह रहे जी, NCLT शैल ऑर्डर लिक्विडेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर इन द फॉलोइंग केसेस, कौन कौन से केस, NCLT को रिजोल्यूशन प्लान मिला ही नहीं, या NCLT ने रिजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट कर दिया, या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एडवांस में NCLT को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का डिसीजन इंटीमेट कर दिया कि COC कंपनी को लिक्विडेट करने में इंटरेस्टेड है, और बच्चों वो डिसीजन कितना परसेंट से आना चाहिए, 66%। तो जो आपका स्नैपशॉट है इसमें अगली परसेंटेज यहां पर आ रही है बच्चों, कौन सी, 66%, कि अगर कंपनी को लिक्विडेशन में भेजना है आप डायरेक्टली 66% के अप्रूवल के साथ कंपनी को लिक्विडेशन में सेंड कर पाएंगे। तो बच्चों ये सारी बातें यहां पर आ गई। अगली बात, एक और केस जब कंपनी का लिक्विडेशन हो सकता है, कौन सा, अगला पॉइंट कह रहे जी, व्हेन एंड या वेयर एन अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान इज कॉन्ट्रावेंट बाय द कंसर्न्ड कॉर्पोरेट डेटर,
any person who is prejudicially affected otherwise than the corporate debtor may make an application to NCLT for liquidation. कि जी पास्ट में भूषण स्टील्स का ले कोई रिजोल्यूशन प्लान आया था, एनसीएलटी ने अप्रूव भी कर दिया था, पर जब वो रिजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट किया गया, इंप्लीमेंट करने में कॉर्पोरेट डेटर ने घपले किए, जिसकी वजह से अगर किसी भी पार्टी, फॉर एग्जांपल किसी भी क्रेडिटर को कुछ नुकसान पहुंच रहा है, तो वो एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हैं और कह सकते हैं देखिए जी एनसीएलटी पास्ट में रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव तो हुआ था पर वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, उसको इंप्लीमेंट करने में घपले हो रहे हैं, और अगर एनसीएलटी सेटिस्फाई हो जाएगा कि एक्चुअली में वो रिजोल्यूशन प्लान कॉर्पोरेट डेटर ने कॉन्ट्रावेंट किया है तो वो कंपनी के लिए लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर सकता है। अगली बात क्या कह रहे जी, व्हेन अ लिक्विडेशन ऑर्डर इज पास्ड नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग shall be instituted against the corporate debtor without the prior approval of NCLT. मतलब अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो NCLT की इजाजत के बिना कोई नया केस फाइल नहीं होगा, कंटिन्यू होगा, etc. तो सारा कंट्रोल अब NCLT के हाथ में रहेगा। तो आप एक चीज समझना, जितने टाइम सीआईआरपी चला उस समय भी मॉरेटोरियम था, और अगर सीआईआरपी के एंड पे लिक्विडेशन आ जाता है तो यही मॉरेटोरियम जैसा पीरियड लिक्विडेशन के दौरान भी रन करेगा, बिकॉज अब कंपनी का फाइनल फेट एनसीएलटी ही डिसाइड करने वाला है। फाइनली द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन शैल बी डीम्ड टू बी अ नोटिस ऑफ डिस्चार्ज टू ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज एक्सेप्ट व्हेन द बिजनेस इज कंटिन्यूड ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस। तो बच्चों होता क्या है, जिस दिन लिक्विडेशन का ऑर्डर आया कंपनी के सारे ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय का ऑफिस उसी समय खत्म मान लिया जाता है, पर अगर लिक्विडेटर कहता है एनसीएलटी मुझे लगता है अगर इस कंपनी को थोड़ा सा एक डेढ़ महीने और चलाया जाए तो बेटर वैल्यू रियलाइज हो सकती है, तो ऐसे केसेस में इवन आफ्टर लिक्विडेशन कुछ टाइम के लिए कंपनी को रन किया जा सकता है, उस समय ये एक एक्सेप्शन बन जाएगा कि ऑफिसर एंड एम्प्लॉई कैन वर्क एट दैट टाइम। तो बच्चों इस तरीके से कंपनी में लिक्विडेटर आएगा, एंड बच्चों लिक्विडेशन के ब्रॉड स्टेप्स हम समझते कह रहने वाले हैं। तो बच्चों लिक्विडेशन के स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले यहां पर एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा, फिर वो लिक्विडेटर क्या करेगा बच्चों, कंपनी के सारे एसेट्स का ब्योरा लेगा, कंपनी के पास कितने कितने एसेट है और सारे एसेट्स को इकट्ठा कर क्या तैयार कर देगा, लिक्विडेशन एस्टेट। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, लिक्विडेशन एस्टेट। कि जी लिक्विडेटर ने देख लिया कंपनी के पास टोटल एसेट्स इतने हैं, उसके बाद वो क्या करेगा, कंपनी के सारे क्लेम्स देखेगा कि जी हमें पैसा कितना चुकाना है। तो अगला काम वो क्या करेगा, कंसोलिडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ क्लेम, कि जी किसका क्लेम एडमिट करना है, किसका रिजेक्ट करना है, एंड फाइनली उन क्लेम्स की वैल्यू निकालना। तो बच्चों लिक्विडेटर को पता चल गया मेरे पास इतने एसेट है, लेट्स सपोज मेरे पास 1000 करोड़ के एसेट है पर मुझे क्रेडिटर्स को पे करना है 2000 करोड़, तो अब उन्हें प्रोपोर्शनेटली पे किया जाएगा। अब सर क्या सारे क्रेडिटर्स को प्रोपोर्शनेटली पे किया जाता है, द आंसर इज नो। आपको एक चीज पता होगी, जब भी कंपनी बंद होती है तो हम एक लाइन लगाते हैं और एक प्रेफरेंस के हिसाब से पेमेंट की जाती है। जनरली उस लाइन में जनरली क्या रहता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर पहले आते हैं, फिर अनसिक्योर्ड आते हैं, फिर प्रेफरेंस आता है, फिर इक्विटी आता है। तो बच्चों एक झरने की तरह कंपनी की पेमेंट होती है, कि पहले जो लोग लाइन में आगे लगे उनकी पेमेंट हुई, फिर कुछ एसेट बचा तो दूसरे की पेमेंट हुई, फिर कुछ पैसा बचा तो तीसरे की पेमेंट हुई, एंड सो ऑन। इसीलिए बच्चों इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं, वाटरफॉल अरेंजमेंट। लिक्विडेटर अगले स्टेप में क्या करेगा, कंपनी के एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इस पर वाटरफॉल अरेंजमेंट, और जैसे ही जितना भी पैसा था पे हो पाया फाइनली कंपनी का क्या जाएगा बच्चों, डिसोल्यूशन ऑर्डर। तो यही चीज हमें आगे पढ़नी स्टेज 5 में। तो देख लेते बच्चों सबसे पहला स्टेप कंपनी में लिक्विडेट कैसे आएगा। बच्चों यहां पर अपना दिमाग लगाना कि हमें लिक्विडेटर किसको अपॉइंट करना चाहिए। कंपनी का एक सीआईआरपी चल रहा था जिसमें एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑलरेडी अपॉइंटेड था, और अब एकदम से कंपनी लिक्विडेशन में आई है, तो एनसीएलटी सबसे पहली प्रेफरेंस लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के लिए इसको देगा, वही सीएसआर, वही आरपी को। तो बच्चों यहां पर आपका एक रोल आ रहा है कि आप कंपनी के लिक्विडेशन में लिक्विडेटर की तरह भी यहां पर अपॉइंट हो जाएंगे। तो पॉइंट क्या कह रहा है भाई, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। सो ऑन लिक्विडेशन ऑर्डर RP shall act as liquidator unless replaced by NCLT. All the powers of board shall be vested in the liquidator. तो जो RP था वो liquidator के shoes में आ जाएगा और liquidator की तरह काम करना start करेगा। और बच्चों liquidator की powers and duties क्या रहने वाली है, company के सारे assets का ब्योरा रखना, लिक्विडेशन एस्टेट बनाना, claims के verify करना। तो यही सारी इसकी rights and duties आने वाली है, यह पढ़ लेना, this is going to be very easy. अब लिक्विडेटर बच्चों आ चुका है, और लिक्विडेटर आते ही सबसे पहला काम क्या करेगा, कंपनी के सारे एसेट्स का ब्योरा लेगा और कंपनी का एक लिक्विडेशन एस्टेट करेगा तैयार, कि जी कंपनी के कितने एसेट्स हैं, उनकी क्या वैल्यू है, उसके अगले एक लिक्विडेशन एस्टेट किया जाएगा तैयार। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना है, यहां पर एक नई बात कनेक्ट होगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कह रहे हैं भाई, कंपनी का जो लिक्विडेशन एस्टेट होगा उसमें कौन कौन से एसेट्स आएंगे, सारे एसेट जिसका जिसके ऊपर कंपनी का ओनरशिप राइट है, मतलब भूषण स्टील्स के पास कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट और मशीनरी है, वो तो एस्टेट में डेफिनेटली आएगा। अगला, एसेट्स दैट मे और मे नॉट बी इन पोजेशन ऑफ द डेटर, मतलब ऐसे एसेट जिनका ओनरशिप राइट तो भूषण स्टील्स का है पर फॉर द टाइमिंग उनका पोजेशन मे बी उसने किसी और को दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर को कोई कार इस्तेमाल करने के लिए दे रखी है कंपनी के नाम पे, तो वो किसके एस्टेट में आएगी, लिक्विडेशन एस्टेट ऑफ द कंपनी। तीसरी बात, सारे टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स को यहां पर काउंट किया जाएगा, एसेट सब्जेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ ओनरशिप बाय कोर्ट, कि भूषण
स्टील के पास अगर कोई एसेट है या कोई ऐसा एसेट है जहां पर भूषण स्टील कह रहा है कि मेरा ओनरशिप राइट है, पर वहां पर डिस्प्यूटेड मैटर है, सामने वाला भी उस एसेट पर अपना राइट क्लेम कर रहा है, तो जब तक वो कोर्ट उस मैटर को डिसाइड नहीं कर रहा, फॉर द टाइमिंग लिक्विडेटर उसे लिक्विडेशन एस्टेट में करेगा काउंट। अगली बात बच्चों, ऑल द प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन एज एंड व्हेन रियलाइज, कि जब जब लिक्विडेटर कोई भी एसेट बेचेगा, एसेट बेचकर जो भी पैसा आएगा वो भी लिक्विडेशन एस्टेट का ही पार्ट माना जाएगा। बट बच्चों यहां पर कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिसे लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। किसे नहीं किया जाएगा? एसेट्स ओन्ड बाय थर्ड पार्टी इन पोजेशन ऑफ द डेटर, कि जी एसेट किसी और का है, बस भूषण स्टील की पोजेशन में था। लेट्स सपोज भूषण स्टील ने कोई प्लांट एंड मशीनरी ऑपरेशनल लीज पर खरीदी हुई थी, तो है तो वो लेसर का, भूषण स्टील बस उसे इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भूषण स्टील के एस्टेट में नहीं आएगा। अगला, एसेट इन सिक्योरिटी कोलैटरल, इस पॉइंट पे बच्चों मैं लास्ट में आऊंगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? पर्सनल एसेट्स ऑफ शेयर होल्डर और पार्टनर, तो जो पार्टनर या शेयर होल्डर बच्चों यहां पर एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उनके पर्सनल एसेट्स कंपनी के लिक्विडेशन एस्टेट में काउंट नहीं किया जाएंगे। एंड फाइनली एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी, तो जो सब्सिडरी के अपने एसेट हैं वो होल्डिंग कंपनी के एस्टेट में काउंट नहीं होंगे। ध्यान रखना, एस्टेट में सिर्फ क्या काउंट होगा, जो होल्डिंग के एसेट साइड पर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी आ रहा होगा, मतलब वो जो शेयर्स की वैल्यू है वो बिल्कुल एस्टेट में आएगा, पर सब्सिडरी के जो अपने अलग से एसेट्स हैं उसे आप होल्डिंग के लिक्विडेशन एस्टेट में काउंट नहीं कर सकते। और फाइनली बच्चों यहां पर एक पॉइंट आया, एसेट्स इन सिक्योरिटी कोलेटरल हेल्ड बाय फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर एंड सब्जेक्ट टू नेटिंग एंड स्क्वेयर ऑफ। इस पॉइंट को बच्चों बड़े ध्यान से समझना, बिकॉज ये पॉइंट आगे बड़े अच्छे से कनेक्ट होगा, तो प्लीज समझिएगा ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। तो बच्चों लेट सपोज हमने एग्जांपल लिया था यहां पर भूषण स्टील्स है, आज लेट सपोज बच्चों भूषण स्टील्स ने आईसीआईसीआई बैंक से एक लोन लिया हुआ था, यहां पर आईसीआईसीआई बैंक आ रहा है, भूषण स्टील ने आईसीआईसीआई बैंक से लेट सपोज बच्चों 50 करोड़ रुपए का एक लोन लिया हुआ था, और जो ये लोन था ये था सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का क्या मतलब है? भूषण स्टील ने इसके बदले में आईसीआईसीआई बैंक के पास कोई सिक्योरिटी रखवा रखी थी, लेट सपोज उसने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स को यहां पर कर रखा था प्लेज, तो यहां आईसीआईसीआई के पास एक सिक्योरिटी भी आ रही है और आईसीआईसीआई ने उसके बदले में भूषण स्टील को 50 करोड़ का लोन दिया था, तो आईसीआईसीआई बैंक यहां पर क्या बच्चों? सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब बच्चों जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है, जैसे ही कंपनी आईबीसी में लिक्विडेशन में जाती है, सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास होते हैं दो ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस आईबीसी उसे प्रोवाइड करते हैं। क्या ऑप्शंस होते हैं? या तो आईसीआईसीआई बैंक बच्चों अपनी सिक्योरिटी कर सकता है रिलिंक्विश, मतलब आईसीआईसीआई बैंक कहेगा ठीक है लिक्विडेटर, मेरे पास सिक्योरिटी थी पर अभी मैं सिक्योरिटी गिव अप कर रहा हूं, जब लिक्विडेशन होगा तो मैं लाइन में आके खड़ा हूंगा, मेरी पेमेंट आप तब कर देना। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास एक अधिकार क्या होता है कि वो उस एसेट के ऊपर जो उसका सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसे रिलिंक्विश कर सकता है। और बच्चों अगर आईसीआईसीआई बैंक इस प्लेज्ड सिक्योरिटी पर अपना अधिकार रिलिंक्विश करता है, तो क्या ये एसेट भूषण स्टील के एस्टेट में लिक्विडेशन एस्टेट में काउंट हो जाएगा? द आंसर इज यस। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक अपनी सिक्योरिटी रिलिंक्विश करता है, तो बच्चों उस केस में ये जो सिक्योरिटी थी या ये जो शेयर्स जो भी प्लेज किए गए थे ये भूषण स्टील के एस्टेट में काउंट हो जाएंगे। और बच्चों उस केस में आईसीआईसीआई बैंक एक इतना अच्छा सिक्योर्ड क्रेडिटर है कि वो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग में अपना एसेट गिव अप कर रहा है, तो इसीलिए लॉ मेकर ने उसको दिया प्रेफरेंस। और एक बात क्या सीखेंगे, अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर अपना अधिकार जो उसका सिक्योरिटी पे उसे रिलिंक्विश कर देता है, तो वॉटरफॉल अरेंजमेंट में बच्चों वो जाता है सीधा दूसरे नंबर पर। दैट इज हम यहां पर एक पॉइंट सीखेंगे कि जब लिक्विडेटर एसेट्स को बेचकर लायबिलिटीज को रीपे कर रहा होगा, तो जिस जिस सिक्योर्ड क्रेडिटर ने अपनी सिक्योरिटी रिलिंक्विश कर दी है उसे दूसरे नंबर पर लाइन में बहुत आगे सेकेंड नंबर पर प्लेस कर दिया जाता है। बट व्हाट इफ सर आईसीआईसीआई बैंक अपनी सिक्योरिटी रिलिंक्विश ना करे, आईसीआईसीआई बैंक है जी मेरा तो इस एसेट पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, मुझे पता था कल को कंपनी लिक्विडेशन में जा सकती है इसलिए तो सिक्योरिटी मांगी थी, तो आज मैं अपनी सिक्योरिटी कर रहा हूं एक्सरसाइज, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक इस सिक्योरिटी को सेल करना चाहता है और अपना पैसा रिकवर करना चाहता है। अब बच्चों अगर आईसीआईसीआई ने सिक्योरिटी बेची, लेट सपोज बच्चों ये सिक्योरिटी बिक गई 60 करोड़ की, दैट इज सिक्योरिटी की करंट मार्केट वैल्यू 60 करोड़, पर आईसीआईसीआई का लोन कितना था 50 करोड़, तो उस केस में क्या होगा बच्चों 50 करोड़ तो आईसीआईसीआई को मिल जाएगा और जो बाकी का 10 करोड़ होगा, 10 करोड़ कहां चला जाएगा? 50 करोड़ तो आईसीआईसीआई को, बच्चों 10 करोड़ चला जाएगा लिक्विडेशन स्टेट में। तो ध्यान रखना अगर सिक्योरिटी बेचने के बाद कुछ सरप्लस रियलाइज होता है तो लिक्विडेटर उसे लिक्विडेशन स्टेट में काउंट कर लेगा। पर दिक्कत कहां है कि भाई आईसीआईसीआई ने सिक्योरिटी सेल करी बच्चों, एंड लेट सपोज सिक्योरिटी की वैल्यू निकली सिर्फ 30 करोड़, तो आईसीआईसीआई को रिकवर तो 50 करोड़ करना था, पर उसको सिक्योरिटी सिर्फ कितना रिकवर हो पाया? सिर्फ 30 करोड़ रिकवर हो पाया। अभी भी आईसीआईसीआई को कितना रिकवर करना बाकी है? 20 करोड़। तो सर क्या ये 20 करोड़ भी आईसीआईसीआई को मिलने चाहिए? यस। पर लॉ कहता है जी अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर आप अपनी सिक्योरिटी रिलिंक्विश नहीं करते और आप अपनी सिक्योरिटी एक्सरसाइज करते हो, तो आपको कुछ पैसा तो मिल चुका है ना, तो बाकी पैसा भी आपको मिल पाएगा अगर एसेट्स होंगे, पर उस केस में आपको लाइन में 5वें नंबर पर लगना पड़ेगा। तो बच्चों उस केस में आईसीआईसीआई जो है लाइन में लगेगा, पैसा मिलेगा पर दूसरे नंबर पर नहीं, उसका नंबर कौन सा आएगा? 5वां। तो अगले से अगले पेज पर बच्चों आपको एक वॉटरफॉल अरेंजमेंट मिल रहा है, उसके डायग्राम में भी आप चाहो तो ये बात लिख सकते हो कि वॉटरफॉल अरेंजमेंट में जो लिक्विडेटर अमाउंट पे करेगा तो सेकंड नंबर पर कौन से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएंगे जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी रिलिंक्विश कर दी, तो यहां पर आप लिख लेना
इफ सिक्योरिटी इज रेलिंक्विश्ड, रेलिंक्विश्ड का मतलब क्या है, उस सिक्योरिटी पर अपना अधिकार गिव अप कर दिया, तो लॉ कहता है जी कोई नहीं आप आइए दूसरे नंबर पर। पर अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर ने अपनी सिक्योरिटी एक्सरसाइज करी, एनफोर्स करी और उसको कुछ पैसा बैलेंस में अभी भी रिकवर करना बाकी है, तो वो पैसा उसे मिलेगा तो सही, पर कहां पर, पांचवें नंबर पर। तो यहां पर कौन से आ जाएंगे, अनपेड सिक्योर्ड क्रेडिटर इफ सिक्योरिटी वॉज नॉट रेलिंक्विश्ड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इफ सिक्योरिटी वॉज नॉट रेलिंक्विश्ड। वॉटरफॉल अरेंजमेंट में हम सेक्शन 53 जो वॉटरफॉल अरेंजमेंट का वहां पर भी पढ़ेंगे, और बच्चों ये सारी बातें जो मैंने आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर की बताई है ये आपकी आ जाती है सेक्शन 52। ये सेक्शन 52 आप पढ़ेंगे कि जी अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर अपनी सिक्योरिटी एनफोर्स करता है तो उसको जो पैसा रिलाइज हुआ अगर उसके डेट से ज्यादा है तो सरप्लस पैसा कहां चला जाएगा, लिक्विडेशन स्टेट में, और अगर उसे जो अमाउंट रिलाइज हुआ वो उसके डेट से कम है तो अनपेड डेट उसको मिलेंगे, बट सेक्शन 53 एंड कौन से स्टेप पे, स्टेप नंबर 5 पर। तो उसके इसमें पांचवें स्टेप पर खड़ा होकर आपको पैसा मिल जाता है। तो बच्चों ये लिक्विडेटर का सबसे पहला काम आया कि उसे लिक्विडेशन एस्टेट तैयार करना है। अब बच्चों सारा लिक्विडेशन एस्टेट रेडी हो चुका है और हमें पता है हमारे पास एसेट इतने हैं, अगला काम लिक्विडेटर क्या करेगा, अब क्लेम्स देखेगा कि जी पैसा कितना चुकाना है, तो क्रेडिटर्स के सारे क्लेम्स को कंसोलिडेट किया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप बच्चों यही आ रहा है, कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम्स। क्या कह रहे हैं भाई, लिक्विडेटर शैल रिसीव द क्लेम्स विद इन 30 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन, फाइनेंशियल क्रेडिटर में सबमिट द क्लेम वाया इंफॉर्मेशन यूटिलिटी और एल्स मैनर यूज्ड बाय ओसी। तो बच्चों जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है ना वो अपना क्लेम कैसे सबमिट करेंगे, उसके लिए आईबीएबीआई ने अपनी रेगुलेशंस में मैनर स्पेसिफाई किया हुआ है। तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो चाहे तो ऑपरेशनल क्रेडिटर वाले तरीके से अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं, वरना आईबीसी में बच्चों बनाई गई है एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है जहां पर उस कंपनी का सारा रिकॉर्ड टाइम टू टाइम अपलोडेड होता है और सारा डेटा और सारी इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल होते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल जो फाइनेंशियल क्रेडिटर थे वो सीआईआरपी के प्रोसेस के दौरान ऑलरेडी अपना क्लेम सबमिट कर चुके हैं और वो कहां पर रिकॉर्डेड होगा, इस यूटिलिटी में। तो अगर इस यूटिलिटी में उसका क्लेम ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसे दोबारा से यहां पर सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड फाइनली क्रेडिटर में विड्रॉ और वेरी देयर क्लेम विद इन 14 डेज ऑफ सबमिशन, कि बाई चांस आपसे गलत क्लेम सबमिट हो गया 14 डेज में यू कैन विड्रॉ, एंड आपके सारे क्लेम सबमिट होने के बाद लिक्विडेटर उन क्लेम्स को वेरीफाई करेगा, लिक्विडेटर में एडमिट और रिजेक्ट द क्लेम एंड शैल कम्युनिकेट द डिसीजन विद इन 7 डेज। तो बच्चों इस तरीके से फाइनली हमारा लिक्विडेशन एस्टेट रेडी हो चुका है, सारे क्लेम्स तैयार हो चुके हैं। अब लिक्विडेटर क्या करेगा, इस एसेट से इन सारे क्लेम्स को पे करेगा। पर सर सबको क्या प्रोपोर्शनेट पे किया जाएगा, नहीं, यहां पर पे कैसे किया जाएगा, एक लाइन लगाकर, वॉटरफॉल झरने की तरह, और इसी को बच्चों क्या कहते हैं, वॉटरफॉल अरेंजमेंट। तो एक बार मैं आ जाता हूं सीधे सेक्शन 53 पर, वॉटरफॉल अरेंजमेंट, उसके बाद ये बीच में जो दो तीन सेक्शन आ रहे थे इसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये आ रहे बच्चों आपका वॉटरफॉल अरेंजमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली सीए फाइनल लेवल पर। इस वॉटरफॉल अरेंजमेंट पर कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, आपके जो मेन बुक है उसमें मैंने वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप जरूर प्रैक्टिस करना, इस पर प्रैक्टिकल सवाल भी आते हैं बड़े इजी। तो देखते हैं बच्चों कि अब जब लाइन लगाएगा लिक्विडेटर तो लाइन में सबसे पहले कौन खड़ा हो रहा है। तो जी सबसे अच्छी बात जो आईबीसी लेकर आया, क्या लेकर आया बच्चों, जो कंपनीज एक्ट था ना, कंपनीज एक्ट में सरकार के ड्यूज को बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती थी और जो गवर्नमेंट के अनपेड टैक्सेस वगैरह थे ना उन्हें लाइन में बहुत आगे लगाया जाता था। पर आईबीसी ने इस पूरे पैटर्न को ही बदल दिया, सरकार कह रही है हम बहुत बाद में आएंगे, हमसे पहले इन लोगों को लगाइए। और बच्चों सबसे पहले यहां पर किसको कवर किया गया, तो सीए साहब मजे करिए क्योंकि सबसे पहला नाम किसका आ रहा है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड लिक्विडेशन कॉस्ट। तो जो पूरा सीआईआरपी का प्रोसेस करने का खर्चा था और जो लिक्विडेशन का कॉस्ट है उसको सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई। और बच्चों जो आपकी एज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर जो फीस होती है वो इसी के अंदर काउंट होती है, तो सबसे पहले तो आप ही का पैसा पे किया जाएगा। सेकंड स्टेप में बच्चों यहां पर किसके लगाया जा रहा है, वर्कमैन, ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज, जो हमारे छोटे छोटे लेबर्स हैं उनको लगाया जा रहा है। पर उनके क्या सारे सालों के ड्यूज को यहां पर प्रेफरेंस दी जा रही है, द आंसर इज नो, उनके सिर्फ 24 मंथ्स तक के ड्यू को प्रेफरेंस दी जा रही है। मतलब लेट सपोज उनकी एक साल की सैलरी हमने पे नहीं करी थी तो सारी सैलरी मिल जाएगी, पर लेट सपोज उनकी तीन साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी तो दो साल की सैलरी हम कहेंगे जी सबसे पहले सेकंड नंबर पर हम आपको पे करेंगे, फिर अगर कुछ भी और आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी बच जाती है बच्चों क्या रिमेनिंग सैलरी भी उन्हें मिलेगी, द आंसर इज यस, पर उसके लिए वो चले जाएंगे छठे स्टेप पर। तो छठे पॉइंट में क्या आ रहा है, एनी रिमेनिंग डेट्स। तो वर्कमैन का 24 महीने तक का ड्यू सेकंड स्टेप में आ रहा है, पर अगर 24 महीने से भी ज्यादा का ड्यूज आउटस्टैंडिंग था रिमेनिंग ड्यूज के लिए उन्हें छठे नंबर पर जाकर खड़ा होना पड़ेगा। और बच्चों वर्कमैन क्या सेकंड नंबर पर अकेले खड़े हैं, द आंसर इज नो, वर्कमैन के साथ हमने किसको लगाया, सिक्योर्ड क्रेडिटर जिसने अपनी सिक्योरिटी रेलिंक्विश कर दी थी। तो अगर आपने अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट रेलिंक्विश किया था आप वर्कमैन के साथ लगेंगे। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, लेट सपोज बच्चों कंपनी के टोटल एसेट्स थे 100 करोड़, हमारी लिक्विडेशन का खर्चा लेट सपोज लिक्विडेशन कॉस्ट आ गई 10 करोड़, रिमेनिंग एसेट बचे हैं 90 करोड़, एंड सेकंड स्टेप में वर्कमैन भी साथ में लगे हुए हैं और क्रेडिटर्स भी साथ में लगे हैं। लेट सपोज वर्कमैन का अमाउंट भी 40 करोड़ है, सिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट भी 40 करोड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को पे कर देंगे। पर दिक्कत का है कि लेट सपोज दोनों का अमाउंट 50-50 करोड़ है,
तो दोनों को यहां पर हमें टोटल 100 करोड़ पे करना है एंड हमारे पास है 90 करोड़, तो हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेट। सर आगे जो ये लाइन में लोग लगे उनका कुछ नहीं होगा, उन्हें मना कर दिया जाएगा, सिंपल। तो सेकंड स्टेप में ध्यान रखना बच्चों, वर्कमैन को 24 महीने तक के ड्यूज एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर जिसने अपनी सिक्योरिटी रिलिंक्विश करी है उसे यहां पर खड़ा किया गया, उन्हें सारा पैसा पे किया जाएगा। फिर अगर कुछ पैसा बचा तो तीसरा नंबर बच्चों किसका आ रहा है यहां पर? एम्प्लॉइज, हमारे व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज का, और उनके कितने सालों तक या कितने टाइम तक की सैलरी को यहां पर वेटेज दी गई? 12 महीने। और सर अगर 12 महीने से ज्यादा की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी तो बच्चों रिमेनिंग अमाउंट के लिए उन्हें छठे स्टेप में जाकर खड़ा होना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों चौथा नंबर किसका आ रहा है? फाइनेंशियल डेट्स ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है बच्चों, अब चौथे नंबर पर वो आ रहे हैं, पर ध्यान रखना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का सिर्फ फाइनेंशियल डेट। अगर हमारे कोई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है और उनका कोई ऑपरेशनल डेट है, उसके लिए उन्हें कहां जाकर खड़ा होना पड़ेगा? उसके लिए उन्हें छठे नंबर पर जाकर खड़ा होना पड़ता है। तो ध्यान रखना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के फाइनेंशियल डेट चौथे नंबर पर आ रहे हैं, पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऑपरेशनल डेट अगर है उसके लिए वो 6 नंबर पर जाएंगे। पांचवा नंबर सर किसका आ रहा है? गवर्नमेंट ड्यूज 2 साल तक के, दैट इज अगर सरकार के टैक्सेस ड्यूटीज 2 साल तक की बकाया है यहां पर आएंगी। सर 2 साल से ज्यादा तो फिर से छठे नंबर पर। एंड साथ ही में बच्चों यहां पर किसको कवर किया गया? सिक्योर्ड क्रेडिटर जिसने अपनी सिक्योरिटी रिलिंक्विश नहीं करी थी, मतलब आईसीआईसीआई बैंक लोन 50 करोड़ का था, सिक्योरिटी बेचकर 30 करोड़ रियलाइज किया, तो बाकी के 20 करोड़ के लिए वो यहां पर आकर सरकार के साथ खड़ा हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये आया आपका पांचवा नंबर। छठे नंबर में बच्चों आपके सारे रिमेनिंग डेट्स आ जाएंगे। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? वर्कमैन की 24 महीने से एक्स्ट्रा की सैलरी, एम्प्लॉइज की 12 महीने से एक्स्ट्रा की सैलरी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऑपरेशनल डेट, वो सारे पॉइंट्स यहां पर फॉल करेंगे। और इसके बाद भी अगर कुछ कंपनी में बच जाता है तो नंबर आएगा प्रेफरेंस वालों का, और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो नंबर आ जाएगा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स और एलएलपी है तो पार्टनर्स का। तो दिस इज आवर बच्चों वॉटरफॉल अरेंजमेंट में हम पेमेंट करेंगे, और सबकी पेमेंट करने के बाद लिक्विडेटर फाइनली एनसीएलटी के पास कहेगा और कहेगा जी जितने एसेट थे मैंने सारे बेच दिए, जितनी पेमेंट उसकी थी मैंने कर दी, अब आप फाइनली उठाकर इस कंपनी पे ताला लगा दीजिए, इस कंपनी को हमेशा के लिए मार दीजिए, खत्म कर दीजिए, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों डिसोल्यूशन। तो सेक्शन 54 में क्या कह रहे जी, वेयर एसेट्स हैव बीन कंप्लीटली लिक्विडेटेड, लिक्विडेटर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी फॉर डिसोल्यूशन, एनसीएलटी देन शैल पास एन ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन, ऑर्डर शैल बी फॉरवर्डेड टू द अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट डेटर इज रजिस्टर्ड विद इन 7 डेज, फॉर एग्जांपल आरओसी, तो उसके पास 7 दिन के अंदर आप अपना ऑर्डर फॉरवर्ड करेंगे। तो दिस इज बच्चों वॉटरफॉल अरेंजमेंट के अंदर आप सारे के सारे एसेट्स करते हैं डिस्पोज ऑफ। एंड मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं, पूछे गए हैं, तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप जरूर करना। तो जो आपकी मेन बुक है मैं बस उसमें एक बार आपको दिखा रहा हूं, चलिए, तो इस टाइप के बच्चों आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पेपर में, स्टडी मैट में, आरटीपी में, एमटीपी में सेक्शन 53 पर पूछे गए हैं, ये वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में दोबारा भी आ सकते हैं। अब बच्चों ये हमारा पूरा लिक्विडेशन का प्रोसेस हो गया कंप्लीट, एंड मैं कहूं तो आईबीसी के जो 5 स्टेजेस हम लेकर चले थे कंप्लीट हो गए, बस यहां पर छोटे से 3 पॉइंट्स आ रहे हैं और वो तीनों पॉइंट लिक्विडेशन एंड लिक्विडेटर को ही बिलोंग करते हैं। अब होता क्या है बच्चों, आज जैसे भूषण स्टील्स की हालत खराब थी, वैसे तो ट्रस्ट स्टील ने एक्वायर कर लिया, पर भूषण स्टील के जो प्रमोटर है ना उन्हें कंपनी की हालत खराब है काफी सालों से ऑलरेडी पता होता है, उन्हें पता है कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, पैसे डूब रहे हैं, हम दे नहीं पा रहे लोगों के पैसे, और पूरे पूरे आसार हैं कि हम आईबीसी में जा सकते हैं। तो आईबीसी में उन्हें पता है जी अगर हम चले गए तो आईबीसी में सबसे पहली प्रेफरेंस हमारी वर्कमैन की है, एम्प्लॉइज की है, सिक्योर्ड क्रेडिटर की, फिर बाद में जाकर कहीं प्रेफरेंस इक्विटी का नंबर आता है। तो वो क्या चला के दिखाता है, वो कहते हैं जी अगर कंपनी एक बार आईबीसी में चली गई तो उस केस में लिक्विडेटर दूसरे लोगों को प्रेफरेंस देगा, उनका पैसा लुटाएगा और हमारा कुछ भी पैसा हमें मिल ही नहीं पाएगा शायद। तो इसीलिए वो दिखाते हैं कुछ चालाकी, क्योंकि उन्हें पता है कंपनी आईबीसी में जाने वाली है, तो जाने से जस्ट पहले वो कुछ ऐसी टेक्निक्स अपना लेते हैं कि उनका पैसा मैक्सिमम कंपनी से पहले ही निकल जाए और दूसरे लोगों को फिर कुछ भी ना मिल पाए। तो उन्हीं ट्रांजेक्शन को, उन्हीं मेलाफाइड इंटेंशन वाली ट्रांजेक्शन को टैकल करने के लिए आईबीसी में बनाए गए हैं कुछ प्रोविजन। और बच्चों ऐसी 3 टाइप की ट्रांजेक्शन को आईबीसी में कवर किया गया। सबसे पहला बच्चों यहां पर कवर किया जा रहा है प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन। एज द नेम सजेस्ट बच्चों प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है कि हम दे रहे हैं किसी को प्रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल हमने कंपनी में एक अनसिक्योर्ड लोन ले रखा था प्रोमोटर की वाइफ से, और प्रोमोटर की वाइफ कह रहे अरे प्रोमोटर जी अगर कंपनी लिक्विडेशन में गई तो मैं लाइन में बहुत बाद में लगूंगी, मेरा नंबर तो वर्कमैन एम्प्लॉइज के बाद आएगा, तो आप एक काम करो आप मेरा पैसा पहले ही पे कर दो, आप लिक्विडेशन में जाने से पहले ही मेरा पैसा लौटा दो कि कंपनी आईबीसी में जाए उससे पहले मेरा पैसा प्रायोरिटी पर रिटर्न कर दीजिए। दैट इज यहां पर कंपनी के प्रमोटर्स कुछ लोगों को देना चाह रहे हैं प्रेफरेंस वाटरफॉल अरेंजमेंट बीट करने के लिए, क्योंकि एज पर वाटरफॉल अरेंजमेंट उनका नंबर बहुत बाद में आता तो हमने उनको पहले ही पेमेंट कर डाली। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को बोला जाता है बच्चों प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरी टाइप की ट्रांजेक्शन यहां पर कैसी आएगी, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। यहां पर हमारा टारगेट कोई वॉटरफॉल अरेंजमेंट को बीट करना नहीं है, हम कंपनी के वैसे ही एसेट्स निकालना चाहते हैं, मतलब प्रमोटर को पता है कंपनी बाद में लिक्विडेशन में जानी है, लोगों का पैसा डूबना है, तो जो बचा कुछ पैसा है जितना हो सकता है मैं कंपनी से निकाल लूं। तो प्रमोटर ने कंपनी से अपने वाइफ की कंपनी में लेट्स सपोज कुछ पैसा गिफ्ट करा दिया,
अपने बेटे की एनजीओ में कुछ पैसा गिफ्ट करा दिया, इस टाइप की अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन करी, मतलब जहां पर भूषण स्टील सामने वाली पार्टी को कोई कंसिडरेशन पे कर रही है पर बदले में आपको कुछ सफिशिएंट मिला ही नहीं, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन। की क्यों जा रही है? भूषण स्टील से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इसके लिए बच्चों अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शंस को टारगेट करने के लिए सेकंड टॉपिक बनाया गया। एंड फाइनली बच्चों यहां पर आएगा एक एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब कि प्रमोटर ने अपनी किसी जानकार पर्सन या कंपनी से भूषण स्टील को बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिखा दिया, क्योंकि प्रमोटर को पता है जी जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है ना लाइन में सबसे आगे लगता है, तो मैं काम करता हूं उनसे 100 करोड़ का लोन उठा लेता हूं, लेट सपोज 20-25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट बनकर इतना बढ़ जाएगा कि बाकी लोगों को कुछ मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि सिक्योर क्रेडिट तो लाइन में सबसे आगे। तो इन्हें बोलते हैं बच्चों एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जहां पर कंपनी ने सामने वाली पार्टी से क्रेडिट पर कुछ पैसा लिया है बट जो क्रेडिट की टर्म्स है वो देखते ही पता चलना है कि एक्सटॉर्शनेट है, वो जस्टिफाइड नहीं है, और ये कहीं ना कहीं इसीलिए किया गया ताकि कंपनी से पैसा एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स में बच्चों इन तीन टाइप की ट्रांजैक्शंस को टारगेट किया गया, और तीनों टाइप की ट्रांजैक्शन हम पढ़कर क्या समझेंगे, अगर लिक्विडेटर ने इन ट्रांजैक्शंस को पकड़ लिया तो वो एनसीएलटी के पास जाएगा और एनसीएलटी सारी ट्रांजैक्शन को क्या कर देगा, नल एंड वॉइड। पढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहला आपका प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन वॉटरफॉल अरेंजमेंट को बीट करने के लिए। तो क्या कह रहे अभी, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन एक्जेक्टली है क्या, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर एंड सच ट्रांसफर हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग सच क्रेडिटर इन अ बेनिफिशियल पोजीशन देन इट वुड हैव बीन एज पर वॉटरफॉल अरेंजमेंट। कि जी वॉटरफॉल अरेंजमेंट के हिसाब से आपका नंबर बहुत बाद में आ रहा था, तो ट्रांजेक्शन करके हमने आपको लाइन में ऊपर लगा दिया, इसे बच्चों कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन। अब सर ये ट्रांजेक्शन अगर आईबीसी में आने से पहले 5-6 साल पहले हुई है तो बच्चों इतना पहले एक प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लॉमेकर ने यहाँ पर रेलिवेंट टाइम क्या बोला, उन्होंने कहा जी अगर कंपनी को प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन किसी रिलेटेड पार्टी के साथ करी है अदर देन एम्प्लॉय, तो अगर ये ट्रांजेक्शन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के पिछले 2 सालों के भीतर भीतर भी हुई है तो ये ट्रांजेक्शन रद्द की जा सकती है, और अगर ये ट्रांजेक्शन हमने अदर देन अ रिलेटेड पार्टी के साथ करी है तो ये ट्रांजेक्शन अगर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट के पिछले 1 साल के भीतर भीतर हुई है तो ये ट्रांजेक्शन रद्द की जा सकती है। मतलब प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन अगर इस रेलिवेंट टाइम के दौरान हुई होगी तो लिक्विडेटर उस केस में एनसीएलटी को अप्रोच करेगा, और बच्चों एनसीएलटी क्या ऑर्डर पास कर सकता है, वो इन ट्रांजेक्शन को कर देगा अवॉइड। पर बच्चों इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन क्या है, ट्रांसफर इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि अगर जी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम प्रूव कर देते हैं हम नॉर्मली अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट 2 महीने में कर देते हैं 3 महीने में कर देते हैं तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा चलेगा, या ट्रांसफर क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट दैट सिक्योरिटी इंटरेस्ट सिक्योर्स न्यू वैल्यू and was given at or after signing of security agreement and was used by debtor acquiring such property and such transfer was registered with information utility within 30 days। मतलब भूषण स्टील ने अभी recently, let's suppose बच्चों 6 महीने पहले किसी पर्सन को अपने एसेट्स के अंदर सिक्योरिटी ऑफर कर दी, प्रमोटर की वाइफ को कोई सिक्योरिटी दी, ठीक है जी आपको हम अपने प्लांट एंड मशीनरी पर सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो बच्चों ये सिक्योरिटी देते समय अगर प्रमोटर की वाइफ से कुछ नया लोन कंपनी में आया था तो ठीक है, पर उनका ऑलरेडी कोई अनसिक्योर लोन था और बिना बात के आप उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हो तो ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है, पर अगर आप उन्हें सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो और बदले में कंपनी को कोई नई वैल्यू रिसीव हुई थी नया लोन रिसीव हुआ था और आपने उस ट्रांजैक्शन को इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में अगर 30 डेज में रिकॉर्ड कर दिया फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इतना समझना कि अगर आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को बिना बात सिक्योरिटी ऑफर कर देंगे वो भी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में फॉल कर जाएगा। सेकंड बच्चों यहां पर आ रहा है आपका अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन। अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए बच्चों रिलेवेंट पीरियड क्या है, रिलेटेड पार्टी के लिए 2 साल, अनरिलेटेड पार्टी के लिए 1 साल, और ये वाली ट्रांजैक्शन भी एनसीएलटी क्या करवा देगा, वॉइड। तो अगर ये ट्रांजैक्शन पकड़ में आई इसको वॉइड कराया जा सकता है। इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, तो अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन में एक तो आपका आ जाएगा गिफ्ट, कि जी कंपनी ने प्रमोटर के बेटे को कोई गिफ्ट ऑफर कर दिया, या ट्रांजैक्शन फॉर अ कंसिडरेशन द वैल्यू ऑफ विच इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द कंसिडरेशन प्रोवाइडेड बाय डेटर एंड ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। फॉर एग्जांपल आज हमने कंपनी की कोई प्रॉपर्टी डायरेक्टर के बेटे को सेल करी है, उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू 100 करोड़, और बदले में डायरेक्टर के बेटे ने अपना घर या अपनी कोई दूसरा एसेट कंपनी के नाम में ट्रांसफर कर दिया जिसकी वैल्यू सिर्फ 40 करोड़, तो देखते पता चल रहा है जी कि हम 100 करोड़ की चीज के बदले में सामने वाली पार्टी से 40 करोड़ की कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, और इसे भी किया जा सकता है रद्द। तो ऐसी सारी ट्रांजेक्शन लिक्विडेटर एनसीएलटी को रिपोर्ट करेगा, और बच्चों अगर यहां पर किसी क्रेडिटर को मेंबर को या पार्टनर को लग रहा है अरे यार ये लिक्विडेटर जो सीए साहब है उन्होंने ये अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन पकड़ी नहीं, पकड़नी चाहिए थी पर नहीं पकड़ी, तो उनके पास क्या राइट है, वेयर लिक्विडेटर और आरपी हैज नॉट रिपोर्टेड अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन वो क्रेडिटर मेंबर या पार्टनर एनसीएलटी को अप्रोच करेगा, और एनसीएलटी को लगा हां जी कि एक्चुअली में ये तो अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन है, लिक्विडेटर घपला कर रहा है वो ऐसे ट्रांजैक्शन को नहीं पकड़ रहा, तो पहली बात तो वो ट्रांजैक्शन को रद्द करेगा और साथ ही साथ लिक्विडेटर और आरपी के अगेंस्ट
आईबीबीआई को बोलेगा कि आईबीबीआई आप देखिए इनका लिक्विडेटर और आरपी के केस क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सीए साहब अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है वो आप इनके अगेंस्ट लॉन्च करेंगे। फाइनली बच्चे यहां पर आ रही है आपकी एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब जहां कंपनी ने क्रेडिट पर कुछ पैसा उठाया है पर जो क्रेडिट की टर्म्स है वो बहुत ही गलत है, देखते पता चल रहा है दीज आर एक्सटॉर्शनेट, 20% 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन उठाया मार्केट में जबकि 10% के लोन बट रहे थे, फिर 20% से 25% पर इंटरेस्ट उठाया। तो बच्चों ये होती है आपकी एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अगर ये भी पिछले 2 सालों के भीतर हुई है तो आप एनसीएलटी को अप्रोच करें, इन वाली ट्रांजेक्शन को भी किया जाएगा। तो बच्चों फाइनली आई वुड से दिस इज ऑल अबाउट हमारा द एंटायर प्रोसेस ऑफ सीआईआरपी एंड द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, और इसी के साथ बच्चों मैं कहूंगा हमारी 5 स्टेजेस की चर्चा यहां पर पूरी हुई और सब्सटेंशियली हमारा आईबीसी यहां पर रिवाइज हुआ। अब बच्चों जैसी ये बातें खत्म हुई, सर क्या आज की ये रिविजनरी वीडियो भी खत्म हो रही है? नहीं बच्चों, अब यहां पर आ रहे छोटे छोटे कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक यहां पर आएगा बच्चों एक वॉलेंट्री लिक्विडेशन का, फिर एक टॉपिक आएगा यहां पर फास्ट ट्रैक सीआईआरपी का, ये हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर टू। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है आईबीसी इकोसिस्टम, ये मैं कहूंगा ये आप लोग देख लेना आईबीसी इकोसिस्टम क्या है, ये बस ये बता रहे कि आईबीसी जब ये कोड आया तो इस कोड में कौन कौन सी अथॉरिटीज का क्या क्या रोल रहता है। जैसे टॉप पर हमने समझा बच्चों यहां पर आती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई, फिर यहां पर आते बच्चों हमारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जैसे सीए, और हमने क्या सीखा बच्चों इन सारी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स पर आईबीबीआई की स्ट्रिक्ट चलती है, पर आईबीबी कह रही जी मैं एक सिंगल अथॉरिटी हूं और सीए सीएस इतने सारे लोग हैं इनको मैं डायरेक्टली कैसे रेगुलेट करूं, तो इन सब सीए सीएस को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने किसको अपॉइंट कर रखा है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को। तो आईबीबीआई ने बकायदा हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को लाइसेंस दिया हुआ है कि आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंट की तरह काम करके हमारे देश में इंसॉल्वेंसी के एग्जाम्स कंडक्ट करिए और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को हायर करिए, जिससे हमारे पास वो सारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का डेटाबेस होगा और जिसको भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को हायर करना है एस आईआरपी या आरपी या लिक्विडेटर उस डेटाबेस से उठाकर कर पाएगा। तो बच्चों इसे हम बोल देते हैं इंफॉर्मेशन सॉरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। अगला आता है हमारा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सेंट्रलाइज रिपोजिटरी एंड डेटाबेस है जहां पर सारा डेटा टाइम टू टाइम अपलोड किया जाता है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से आप भली बात ही जानकार हैं। इंसॉल्वेंट एंटिटी मतलब आपका भूषण स्टील्स, एंड लास्टली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है बच्चों यहां पर एनसीएलटी, इंडिविजुअल के केस में डीआरटी होता है, यहां पर कौन आया एनसीएलटी। तो ये है हमारा आईबीसी का छोटा सा इकोसिस्टम। तो यहां पर बच्चों एक टॉपिक जो हमें समझना है वो तो हमारा वॉलंटरी लिक्विडेशन, अगला टॉपिक आएगा फास्ट ट्रैक सीआईआरपी, एंड फाइनली बच्चों एक तीसरा और आखिरी टॉपिक और आएगा पीआईआरपी या पीपीआईआरपी। दिस विल बी समथिंग अ न्यू टॉपिक और बहुत ही खतरनाक ये टॉपिक है। तो पीपीआईआरपी या पीआईआरपी पे मैं जाऊं, उससे पहले फटाफट बच्चों एक बार हम समझ लेते हैं कि सर ये फास्ट ट्रैक सीआईआरपी क्या है, फिर हम समझ लेते हैं वॉलेंट्री लिक्विडेशन क्या है, देन वी विल जंप इनटू पीआईआरपी और आज की वीडियो उसके साथ हो जाएगी समाप्त। तो आते हैं बच्चों सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फास्ट ट्रैक सीआईआरपी। तो आपने नाम से बच्चों गेस कर ही लिया होगा फास्ट ट्रैक सीआईआरपी मतलब, तो बच्चों हमने सीआईआरपी का एक पूरा प्रोसेस समझा, हमने क्या देखा एज पर सेक्शन 12 सीआईआरपी का प्रोसेस कंप्लीट होने में 180 दिन लगते हैं, पर अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल आ जाए तो हम टाइम को एक्सटेंड करा सकते हैं 90 डेज, तो 180 प्लस 90 डेज तक नॉर्मली सीआईआरपी का प्रोसेस चलता है। तो जब आईबीसी बना हमारी सरकार ने कहा जी कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज है जिनका जो सीआईआरपी का प्रोसेस है ना बहुत जल्दी फिनिश हो जाना चाहिए, क्योंकि ना तो उनके एसेट्स इतने ज्यादा हैं ना उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन इतना बड़ा है, तो उनका सीआईआरपी का प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए कोई 180 प्लस 90 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है, उनका सीआईआरपी तो और ज्यादा फास्ट ट्रैक बेसिस पर कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए सरकार ने ऐसी छोटी छोटी कंपनीज के लिए जो टाइमलाइन है उसे एग्जैक्टली हाफ करके रिड्यूस कर दिया और सरकार ने क्या कहा जी इन कंपनीज का जो सीआईआरपी है 90 डेज में हो जाना चाहिए फिनिश, पर अगर बाय चांस 90 डेज में फिनिश नहीं हो पा रहा तो अगर 75% ऑफ सीओसी बाय वैल्यू एग्री कर जाए तो एनसीएलटी इस टाइम पीरियड को कर सकता है एक्सटेंड। और सर एनसीएलटी कितने टाइम पीरियड के लिए इसको एक्सटेंड कर सकता है, तो बच्चों एग्जैक्टली आपका हाफ अगेन आ जाएगा कितना 45 डेज, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। तो 90 डेज ओरिजिनली सीआईआरपी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर 90 डेज में सीआईआरपी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता बहुत अच्छे, बाय चांस 90 डेज में नहीं हो पा रहा तो 75% सीओसी के अप्रूवल के साथ एनसीएलटी इस टाइमलाइन को 45 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और बच्चों सेम बात आ जाएगी एनसीएलटी जो एक्सटेंशन है एक बार से ज्यादा के लिए नहीं दे पाएगा, तो आप देख पाएंगे नॉर्मल सीआईआरपी कितना चलता है 180 प्लस 90 और फास्ट ट्रैक सीआईआरपी एग्जैक्टली उसका आधा हो गया 90 प्लस 45। और सर ये ऑप्शन एप्लीकेबल किस पर है, जैसे मैंने बताया बच्चों कुछ छोटी छोटी कंपनीज, तो देखते हैं बच्चों छोटी छोटी कंपनीज कौन है। तो बच्चों एक तो यहां पर आ जाएगी आपकी स्मॉल कंपनी, तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो जो स्मॉल कंपनी होती है स्मॉल कंपनी मतलब एक प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक है एंड टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर की 20 करोड़ तक है उसे स्मॉल कंपनी बोला जाता है, तो उनका सीआईआरपी का प्रोसेस इतने फास्ट ट्रैक बेसिस पर कंप्लीट हो जाना चाहिए।
या बच्चों आपकी स्टार्टअप कंपनीज। तो जो स्टार्टअप कंपनीज होती है, स्टार्टअप कौन सी होती है बच्चों, तो डीआईपीपी की एक डेफिनेशन है जहां पर स्टार्टअप को डिफाइन किया गया है। न्यू एज कंपनीज जो कुछ इनोवेटिव कर रही हैं, शुरू के 10 सालों तक उनकी टर्नओवर वगैरह ब्रीच ना, तो उन्हें हम स्टार्टअप कंपनी बोलते हैं। तो जिनके पास स्टार्टअप का टैग है, अगर बाय चांस वो भी लिक्विडेशन में आईबीसी में आ जाती है, उनका सीआईआरपी भी फास्ट पेस पर होगा। एंड फाइनली अनलिस्टेड कंपनी जिनके टोटल एसेट बेस 1 करोड़ है उससे कम है, तो जिसका एसेट बेस ही 1 करोड़ का है, उसे सीआईआरपी कंप्लीट करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो इन कंपनीज को बच्चों यहां पर कवर किया गया। एंड एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी मे बी फाइल्ड विद अ क्रेडिटर और कॉर्पोरेटर अलोंग विद प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट। तो यहां पर भी कॉर्पोरेटर खुद या कोई क्रेडिटर जाकर सीआईआरपी इनिशिएट कर सकता है। तो एक छोटा सा टॉपिक आया बच्चों आपका फास्ट ट्रैक सीआईआरपी का, इसको पढ़ जरूर लेना, पेपर में एक शॉर्ट नोट आ सकता है। अगला टॉपिक बच्चों और सेकंड लास्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा वॉलंटरी लिक्विडेशन का। तो यहां पर एक वॉलंटरी लिक्विडेशन का टॉपिक आ रहा है। और बच्चों यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जो बच्चा मेरे साथ इस वीडियो में पूरा बना हुआ है, यहां तक वीडियो को अच्छे से देख रहा है, मैं चाहूंगा वो बच्चा एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर जरूर करे। तो बच्चों हमने एक चीज समझी, अब हम देखने वाले वॉलंटरी लिक्विडेशन। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जो सीए फाइनल स्टूडेंट है इस बात में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैंने क्या कहा बच्चों, जब आईबीसी आया उसने अलग अलग पर्सन के जो इंसॉल्वेंसी के प्रावधान थे, कंपनी एलएलपी फर्म्स, उनको कंसोलिडेट करके कॉमन कोड में डाल दिया, और आज के दिन में वो आईबीसी बन चुका है। और यहां पर हमने पूरा जो बातें करी या चर्चा करी एक कंपनी को कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए करी। अब बच्चों अगर मैं कंपनी की इंसॉल्वेंसी की बात करूं, तो क्या आज से पहले कंपनीज बंद नहीं होती थी? होती थी, पर उसके सारे प्रावधान कहां होते थे? आपके वाइंडिंग अप के चैप्टर ऑफ दी कंपनीज एक्ट। तो सर आज के दिन में कंपनीज कहां बंद होती है? तो बच्चों कंपनीज का जो वाइंडिंग अप होता है ना, उसे हम दो कैटेगरीज में करते हैं डिवाइड। कंपनी का जो वाइंडिंग अप होता है वो या तो हो सकता है आपका वॉलंटरी वाइंडिंग अप, या वो हो सकता है आपका कंपल्सरी वाइंडिंग अप। एज द नेम सजेस्ट, वॉलंटरी मतलब कंपनी खुद अपने इनिशिएटिव से बंद होना चाह रही है, उसे हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहीं ना कहीं बोलते हैं। और बच्चों आज के दिन में अगर कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है, वो होता है आपका सेक्शन 59 ऑफ आईबीसी। नेट मैं कहूं तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कंपनी वॉलंटरीली बंद होती है। पर बच्चों अगर हम कंपनी के कंपल्सरी वाइंडिंग अप की बात करें, तो बच्चों कंपनी का कंपल्सरी वाइंडिंग अप ना काफी सारे ग्राउंड्स पर हो सकता है। तो पहले ये सारे ग्राउंड्स कहां लिखे होते थे? कंपनीज एक्ट में। और उनमें से एक ग्राउंड कौन सा होता है बच्चों? ग्राउंड ऑफ डिफॉल्ट, जहां कंपनी अपना डेट चुकाने में डिफॉल्ट करे। तो बच्चों आज के दिन में अगर कंपनी अपना डेट चुकाने में डिफॉल्ट करती है, आप भली बात ही जान चुके हैं इसके प्रावधान कहां आ गए हैं आईबीसी में। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, सॉरी कोड, आपका वॉलंटरी वाइंडिंग अप से डील करता है, और कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएबिलिटी टू पे डेट्स या डिफॉल्ट, उससे भी डील करता है। पर बच्चों इनके अलावा भी कभी कभी ना कंपनीज को बंद किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आज हम कह देते हैं एक कंपनी है जिसके दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, सबका पैसा भी टाइम से चुका रही है, बैंकों का पैसा भी दे रही है, पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है, इंडिया की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट काम कर रही है। तो बच्चों क्या ऐसी कंपनी को चलने देना चाहिए? बंद करना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए। तो अगर इनके अलावा बच्चों किसी भी ग्राउंड पर हमें कंपनी को बंद करना होता है ना, उसके प्रावधान आज भी कहां है? कंपनीज एक्ट में। तो कंपनीज का वाइंडिंग अप कहने को तो आईबीसी इज द मेन एक्ट, बिकॉज जनरली कंपनीज डिफॉल्ट के केस में बंद होती हैं, पर आज के दिन में भी बच्चों कंपनीज का जो वाइंडिंग अप है ना वो बाइफरकेटेड है। कुछ केसेस में कंपनी बंद होती है आईबीसी में, और कुछ केसेस में कंपनी बंद होती है आपका कंपनीज एक्ट में। लेट मी जस्ट शो यू द डायग्राम। चलिए तो ये बच्चों आपका एक छोटा सा डायग्राम है कि अगर आपको वॉलंटरी वाइंडिंग अप करना है कंपनी का, आईबीसी में आना पड़ेगा। कंपल्सरी वाइंडिंग अप करना है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफॉल्ट, तो आईबीसी में आना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी और ग्राउंड पर आपको कंपनी को बंद करना है, फॉर एग्जांपल इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट काम कर रही है, 5 साल से फाइनेंशियल एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, फ्रॉडलेंट काम कर रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये प्रोविजन आज भी कहां है आपके कंपनीज एक्ट में। इसलिए सीए फाइनल स्टूडेंट्स को पता होगा कि जब आप इकोनॉमिक लॉज में आईबीसी पढ़ते हो वो तो ठीक है, पर कंपनीज एक्ट में भी आपका एक वाइंडिंग अप का चैप्टर है, तो उसमें आप ये वाले प्रोविजन सीखते हो। अब बच्चों जो मैं मेन सवाल है उस पर आ रहा हूं, जिसका जवाब आप देंगे। अब बच्चों हम एक चीज समझेंगे कि कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी आईबीसी में है, और अगर कंपनी डिफॉल्ट करे तो वो प्रोविजंस भी कहां है आपके आईबीसी में। और बच्चों जब कंपनी डिफॉल्ट करती है तो आपने एक चीज क्या सीखी, कंपनी का आईबीसी में जो केस है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी ला सकते हैं सेक्शन 7 में, ऑपरेशनल क्रेडिटर ला सकते हैं सेक्शन 8 और 9 में, या सेक्शन 10 में चाहे तो कंपनी खुद आकर भी अपना केस आईबीसी में इनिशिएट करवा सकती है। मतलब कंपनी खुद जाकर कह सकती है एनसीएलटी से कि जी मैं परेशान होगी, मैं डेट पे नहीं कर पा रही। तो जो एक सबसे बड़ा सवाल आता है वो आता है कि जी जब कंपनी खुद जाकर डिफॉल्ट के केस में अपनी वाइंडिंग अप की पेटिशन फाइल कर सकती है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वॉलंटरी वाइंडिंग अप, क्योंकि वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी कंपनी अपनी मर्जी से कर रही है, तो दोनों में अंतर क्या है? प्लीज बच्चों ध्यान से इस अंतर को समझना। पहली बात बच्चों जो पहला अंतर आता है वो क्या आता है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप एक कंपनी अपनी मर्जी से खुद कर रही है, पर बच्चों वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली सॉल्वेंट कंपनीज का।
मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके पास जो एसेट्स है वो लायबिलिटीज को पे करने के लिए सफिशिएंट है, बढ़िया कंपनी चल रही है, फिर भी आज हम इस कंपनी को बंद करना चाहते हैं, वो होता है बच्चों वॉलंटरी वाइंडिंग अप। दैट इज सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्टली सॉल्वेंट कंपनी का ही वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है। पर बच्चों सर डिफॉल्ट के केस में जनरली कौन सी कंपनी जाती है? इनसॉल्वेंट। पर एक जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है, सर आज अगर बाय चांस कोई सॉल्वेंट कंपनी है फिर भी वो डिफॉल्ट कर जाए, मतलब कैपेबिलिटी थी, एसेट्स थे, फिर भी मैं डिफॉल्ट कर जाती हूं, तो भी क्या मेरा कंपल्सरी वाइंडिंग अप यहां पर हो सकता है? द आंसर इज यस। तो ध्यान रखना बच्चों, यहां पर जब हमने आईबीसी के प्रोविजन सीखे, हमने क्या सीखा? आईबीसी में घसीट कर लाने का बेसिस क्या है? डिफॉल्ट। वो डिफॉल्ट चाहे सॉल्वेंट कंपनी करे चाहे इंसॉल्वेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने डिफॉल्ट किया आपको आईबीसी में घसीट कर लाना जाएगा, तो ये डिफरेंस तो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगा। मैक्सिमम मैंने आज तक जो बच्चों को देखा है वो ये डिफरेंस बताते हुए देखा है कि सर वॉलंटरी वाइंडिंग अप सिर्फ सॉल्वेंट कंपनी का होगा, और जो कंपल्सरी वाइंडिंग अप यहां पर हो रहा है ऑन द डिफॉल्ट वाला पॉइंट, ये सिर्फ इंसॉल्वेंट का होता है। ऐसा नहीं है बच्चों, अगर सॉल्वेंट कंपनी भी डिफॉल्ट कर दे वो भी यहां पर फॉल करेगी। तो सर दोनों में बेसिक अंतर क्या है? बच्चों जो सबसे बेसिक अंतर है वो ये है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के अंदर जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आएगा वो कंपनी के द्वारा प्रपोज आएगा, और ये वाला वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहीं ना कहीं कंपनी के अपने कंट्रोल में रह करके होता है। मतलब जब वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है उसकी प्रोसीडिंग्स कैसे चलती है वो सब कंपनी डिसाइड करती है, एनसीएलटी सिर्फ एक फाइनल ठप्पा लगाता है, पर वो पूरा वाइंडिंग अप करने में जो कंट्रोल है, लिक्विडेटर कौन होगा, आरपी कौन होगा, कैसे एसेट बिके, वो सारा कंट्रोल कहीं ना कहीं कंपनी का रहता है। पर कंपल्सरी वाइंडिंग अप बच्चों कंपनी का कंट्रोल सारा का सारा क्रेडिटर और एनसीएलटी के हाथ में चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस यहां पर रहता है। बाकी जनरली मैं कहूं हाँ, जनरल डिफरेंस ये जरूर है कि जो परफेक्टली सॉल्वेंट कंपनी है वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप के सेक्शन में जाएगी, जो परफेक्टली सॉल्वेंट कंपनी है बाई चांस डिफॉल्ट कर जाए तो वो खुद से यहां पर जाना पसंद नहीं करेगी, क्रेडिटर घसीट कर ले जाए तो बात अलग है। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस, पेपर में डिफरेंस नहीं आएगा, बस हाँ ये एक अंतर जरूर रहता है। तो आ जाते हैं बच्चों और फाइनली अपने वॉलंटरी लिक्विडेशन के भी सेक्शंस पढ़ लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय वॉलंटरी लिक्विडेशन। तो बच्चों इसका एक सेक्शन 59 आता है और यहां पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया हुआ है, आप चाहो तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पढ़ लेना, वरना मैंने इसको और ज्यादा आपके लिए यहां पर समराइज कर दिया है। तो मैं छोटा सा फ्लो चार्ट आ रहा है, यहां से आपको वॉलंटरी वाइंडिंग अप की मेन बातें बता रहा हूं, बाकी आप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अलग से पढ़ सकते हो। तो बच्चों आज अगर हमारी कंपनी है परफेक्टली सॉल्वेंट कंपनी है, बहुत बढ़िया चल रही है, फिर भी हम चाहते हैं जी बंद हो जाए, तो लोग कहते कोई दिक्कत नहीं, आप आईबीसी में आइए, वॉलंटरी वाइंडिंग अप करवा लीजिए। तो बच्चों अगर आज हम अपनी कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप करना चाह रहे हैं, ये डिसीजन सबसे पहले कौन लेंगे? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स मीटिंग करेंगे, वो कहेंगे ठीक है जी चलिए इस कंपनी को बंद ही करना ठीक रहेगा, चल रही है बढ़िया कोई नहीं, पर लेट्स क्लोज दिस कंपनी, लेट्स वाइंड अप दिस कंपनी। तो यहां पर बच्चों सबसे पहला स्टेप भी क्या आएगा, यहां पर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को ये डिसीजन लेना है एंड उन्हें फाइल करनी होगी एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी एज द नेम सजेस्ट, वो ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं आरओसी को कि देखिए जी मेरी कंपनी परफेक्टली सॉल्वेंट है, मेरे पास जो एसेट है लायबिलिटी को पे करने के लिए सफिशिएंट है, फिर भी हम कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं, तो ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बच्चों फाइल होता है। और साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां पर लगाने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स एज इन पिछले दो सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक वैल्यूएशन रिपोर्ट। जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी और डॉक्यूमेंट्स फाइल कर देते हैं, उन्हें इसके अगले 4 हफ्ते के अंदर अंदर अपने शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी तो जी अल्टीमेटली पैसा शेयर होल्डर का लगा है, तो यहां पर आपको अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना है। अप्रूवल कैसे लेना है? आइदर एसआर और ओआर। सर आइदर एसआर और ओआर मतलब? तो बच्चों जनरली तो अप्रूवल एसआर से आता है, पर दो ऐसे केसेस है जब आप शेयर होल्डर से अगर ओआर से भी अप्रूवल ले लोगे आपका वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो जाएगा। सर वो दो केसेस कौन से हैं? अगर कंपनी बनाते समय या बाद में हमने कंपनी के आर्टिकल्स में क्या लिखा था कि इस कंपनी को लेट से हम सिर्फ 5 सालों के लिए बनाने जा रहे हैं, या इस कंपनी को हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाने जा रहे हैं। बच्चों मुझे नहीं ध्यान आपने 11वीं 12वीं में अगर सीबीएसई से पढ़ा था तो वहां पर आपने शायद कुछ टाइप ऑफ कंपनी पढ़ी होंगी, स्पेसिफिक कंपनी जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड या पर्पस के लिए बनाई जाती है, उसका रेफरेंस आपको पूरे कंपनी एक्ट में अलग से कहीं नहीं दिखेगा, उसका रेफरेंस यहां पर आता है सिर्फ कि जी अगर आपने आर्टिकल्स में लिख दिया था कंपनी बनाते समय कि इसको हम सिर्फ 5 साल तक चलाएंगे, या इसको हम इस डैम या इस प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं, जैसे ही ये प्रोजेक्ट बनेगा हम इस कंपनी को बंद कर देंगे, तो उस केस में बच्चों शेयर होल्डर्स के सिर्फ ओआर से आपका काम चल जाता है, वरना आपको एसआर से अप्रूवल लेना पड़ेगा अपनी कंपनी को बंद करने के लिए। और अगर ये अप्रूवल आ गया तो जिस दिन शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे उसे हम कहते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। शेयर होल्डर का अप्रूवल आते ही अगले 7 दिन में आपको अपने क्रेडिटर से भी अप्रूवल लेना है, अगर क्रेडिटर्स हैं तो 2/3 ऑफ द क्रेडिटर्स बाय वैल्यू का भी यहां पर अप्रूवल आएगा। क्रेडिटर अप्रूवल देते बच्चों बहुत अच्छे, पर अगर कोई क्रेडिटर अड़ जाए आपको अप्रूवल नहीं मिला, एक चला के आप क्या दिखा सकते हो, क्योंकि आपके पास सफिशियंट एसेट्स हैं उस क्रेडिटर को रीपे कर दो, फिर वो क्रेडिटर ही नहीं रहेगा, उसके अप्रूवल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
एंड फाइनली क्रेडिटर का अप्रूवल आने के बाद बच्चों 7 दिन में हम आरओसी एंड आईबीबीआई को भी इंटीमेट करते हैं कि हमारी कंपनी को हम बंद कर रहे हैं। फिर बच्चों वही आरपी लिक्विडेटर आएगा, एसेट बेचेगा, लाइबिलिटी सारी रीपे करेगा और फाइनल ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन बच्चों यहां पर कौन पास करेगा? एनसीएलटी। पर यहां पर आरपी पर जो कंट्रोल है वो कंपनी का रहने वाला है, बट फाइनल ऑर्डर एनसीएलटी पास करेगा। ऐसा नहीं कि आपने बस अपनी मर्जी से कंपनी बंद कर दी, खत्म नहीं, फाइनल डिसोल्यूशन का ऑर्डर एनसीएलटी पास करेगा। जैसे ही एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा उसकी कॉपी आप आरओसी के पास फाइल करते हैं 14 डेज में। तो आपका एक बड़ा छोटा सा फ्लो चार्ट है वॉलंटरी लिक्विडेशन का। पेपर में जनरली इस पर इतने सवाल नहीं आते, आएंगे आई गेस, ये फ्लो चार्ट विल सफाइस। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों हमारा वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड फास्ट ट्रैक सीआईआरपी। तो एक कंपनी का बच्चों हमने पूरा ब्यौरा देख लिया, हमने नॉर्मल सीआईआरपी और लिक्विडेशन का प्रोसेस देखा जिसमें हमारी ये 5 स्टेजेस आई थी, 5 स्टेजेस हमने डिस्कस करी। उसके बाद बच्चों हमने वॉलंटरी लिक्विडेशन देखा, फास्ट ट्रैक सीआईआरपी देखा और आईबीसी का एक छोटा सा इकोसिस्टम देखा। और बच्चों ये जो स्नैपशॉट मैंने दिया है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके पूरे आईबीसी में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के जो अलग अलग परसेंटेजेस अलग अलग कामों के लिए दिए गए हैं, मैंने इस डायग्राम में किया हुआ है समराइज। तो ये आपको लास्ट मिनट बड़ा हेल्प करेगा। और यहां पर आप देखोगे तो मैंने येलो में कुछ लिमिट्स हाईलाइट की हुई हैं, जैसे ये जो 90% की लिमिट है विड्रॉल ऑफ सीआईआरपी की, 51% की लिमिट है रेजिडरी डिसीजंस की, फास्ट ट्रैक सीआईआरपी को एक्सटेंड करने के लिए लिमिट है 75% और कोरम है 33%। तो ये 4 लिमिट्स अलग हैं। इसके अलावा कमेटी ऑफ क्रेडिटर पूरे आईबीसी में यहां पर जितने भी डिसीजन ले रही थी कितने से ले रही थी? 66। तो इसको याद करने का ही तरीका है, इससे बच्चों आप कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के जो डिसीजन या टाइम लिमिट्स हैं उन्हें याद कर पाओगे। फाइनल बच्चों आज की इस रिविजनरी क्लास का फाइनल टॉपिक आ रहा है। और बच्चों ये टॉपिक जिस इंटेंशन से हमारी सरकार आईबीसी में लेकर के आई, इंटेंशन तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा है, ठीक, इंटेंशन तो अच्छा है, पर वो इंटेंशन पहली बात तो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया और दूसरा उस इंटेंशन ने आपका काम ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। सर क्या कह रहे हो? मतलब बच्चों हमारी सरकार जो ये अगला प्रोविजन लेकर के आई है इसने आपका काम दुगना कर दिया है, बट प्रैक्टिकली ये उतना सक्सेसफुल नहीं है और प्रैक्टिकली ये बड़ी दिक्कत वाला काम आपके लिए बनने वाला है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, प्लीज बड़े ध्यान से मेरी बात समझना बच्चों। तो बच्चों हमने एक चीज क्या समझी, जो सीआईआरपी का पूरा प्रोसेस है, आज के दिन में अगर भूषण स्टील डिफॉल्ट करती है और क्रेडिटर उसे घसीटकर सीआईआरपी में लेकर जाना चाहते हैं तो डिफॉल्ट का अमाउंट कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। और अगर के सीआईआरपी का एनसीएलटी में एडमिट हो गया तो कंपनी किसके कंट्रोल में चली जाएगी? क्रेडिटर। तो जो हमारा सीआईआरपी का प्रोसेस है बच्चों वो कौन से मॉडल पर चलता है? क्रेडिटर इन पोजेशन, क्योंकि यहां पर पूरा कंट्रोल आ रहा है क्रेडिटर का। और यह बात बच्चों कहां से निकल कर आई थी? हमारी सेक्शन नंबर 4 ऑफ आईबीसी। तो सेक्शन नंबर 4 बच्चों यहां पर आईबीसी का आया था और उसने कहा था अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर किसी का 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट कर देता है, जिस दिन यह डिफॉल्ट होगा, आप सॉल्वेंट हो, इनसॉल्वेंट हो, एनपीए था नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको घसीटकर आईबीसी में लाया जा सकता है। यह बात बच्चों सेक्शन 4 में पहले भी थी और आज भी है। बट बच्चों हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को लगा कि ये जो कोविड का टाइम पीरियड आया, 1 साल का सस्पेंशन तो हमने कोविड में लगा दिया था, ठीक है, पर 1 साल का सस्पेंशन लास्ट ईयर मार्च 2021 में खत्म हो गया था। उसके बाद भी उन्हें लगा कि जो छोटी छोटी एंटरप्राइजेज हैं, जो एमएसएमईज, आपको पता ही है बीजेपी गवर्नमेंट हमारी एमएसएमईज पर कितना ज्यादा काम करती है, कितना ज्यादा फोकस उनका है, तो उन्होंने कहा जो एमएसएमई है ना उनमें स्टिल डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर एक एमएसएमई डिफॉल्ट करती है और उसका केस आईबीसी में चला जाता है तो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को अपनी कंपनी का कंट्रोल खोना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी पर कंट्रोल किसका आ जाएगा? क्रेडिटर का, क्योंकि जो सीआईआरपी है वो क्रेडिटर इन पोजेशन इस मॉडल पर काम करता है। इसलिए बच्चों वो सेक्शन 4 में लेकर आए एक छोटी सी अमेंडमेंट और उन्होंने कहा कि जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, एमएसएमईज हैं, अगर उनसे डिफॉल्ट हो जाए तो वो कंपनीज बचने के लिए, अपनी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए सीआईआरपी में ना जाकर कहां जा सकती हैं? पीआईआरपी, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो वो एक पूरा नया चैप्टर लेकर के आई आईबीसी में, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जिसको बच्चों हम शॉर्ट में पीआईआरपी बोल सकते हैं या कुछ लोग पीपीआईआरपी भी बोल देते हैं, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब आपको यह समझना होगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, किस पर एप्लीकेबल और इसने हमारे सीआईआरपी की अंडरस्टैंडिंग को कैसे चेंज किया। सबसे पहली बात बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पीआईआरपी का रास्ता है ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा एमएसएमईज पर। और एमएसएमईज इस वाले रास्ते पर बच्चों कब चल सकती है? जब अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट होगा 10 लाख। तो नॉर्मल सीआईआरपी पर चलने के लिए डिफॉल्ट का अमाउंट कितना था? 1 करोड़। पर अगर कोई एमएसएमई इस पीआईआरपी, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के रास्ते पर चलना चाहती है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट है 10 लाख। अगर 10 लाख का डिफॉल्ट हुआ आप इस रास्ते पर चल सकते हो। अब एक कंफ्यूजन जो बच्चों यहां पर आएगी उसको प्लीज ध्यान से समझना। तो आज के दिन बच्चों अगर मैं कहूं कंपनीज को हमने 2 कैटेगरीज में बांट दिया, या तो आप एमएसएमई हो
या आप एक नॉर्मल कंपनी हो, एमएसएमई नहीं हो, अगर तो बच्चों आप एमएसएमई नहीं हो तो आपके पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ सीआईआरपी का। और उस रास्ते पर आप कब चल पाते हो, जब आपने कम से कम 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट कर दिया हो। तो जो नॉर्मल कंपनी है, जो एमएसएमई नहीं है, वो तो सिर्फ इसी रास्ते पर चलेंगी सीआईआरपी, जब अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट है 1 करोड़। पर बच्चों जो अब एमएसएमईज हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस आ गए, एक चीज समझना, अगर उनका अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट 10 लाख रुपए से कम है, दैट इज 10 लाख रुपए से कम का उन्होंने किसी का डिफॉल्ट कर दिया, क्या वो आईबीसी में किसी भी रास्ते पर चल पाएगी? द आंसर इज नो। आपके लिए सीआईआरपी भी नहीं है, आपके लिए पीआईआरपी भी नहीं है, दैट इज आप इन दोनों में से किसी भी रास्ते पर कब आ पाओगे, जब आपका अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट 10 लाख है उससे ज्यादा हो। अब लेट सपोज बच्चों इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया 10 लाख या उससे ज्यादा का, बट वो डिफॉल्ट है 1 करोड़ से कम का। तो जो एमएसएमईज हैं बच्चों, अगर वो कहती है जी मेरे से लेट सपोज किसी का 50 लाख का डिफॉल्ट हो गया, पर मैं चाहती हूं यार कि पंगा और घपला उससे पहले ही मैं अपना इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करवा दूं, मेरी कंपनी की हालत खराब है, मैं इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व कराना चाहती हूं, और वो आईबीसी में अपना केस चलाना चाहती है, तो बच्चों क्या उसके पास सीआईआरपी का रास्ता होगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीआईआरपी के रास्ते पर आप सिर्फ तब चल सकते हो अगर डिफॉल्ट कितना है 1 करोड़। पर बच्चों क्या ये कंपनी चाहे तो क्या ये पीआईआरपी के रास्ते पर चल पाएगी? द आंसर इज यस। क्योंकि पीआईआरपी एमएसएमई के लिए लिमिट कितनी सेट हुई? 10 लाख। बस जो अगला क्वेश्चन है वो ये, सर अगर अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का हुआ तो इस कंपनी के पास क्या रास्ता है, क्या इसे पीआईआरपी पर चलना फिर भी अलाउड है? ध्यान रखना बच्चों द आंसर इज यस। और क्या ये कंपनी फिर भी सीआईआरपी में भी जा सकती है? द आंसर इज यस। तो एक चीज आपको क्या समझ में आई, 10 लाख से कम के डिफॉल्ट पर एमएसएमई आईबीसी में आ ही नहीं सकती, 10 लाख से 1 करोड़ के डिफॉल्ट के लिए आप आईबीसी में आ सकते हो पर आपके पास एक ही रास्ता है पीआईआरपी का, पर अगर आपने डिफॉल्ट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का कर दिया दोनों में आपका केस चल सकता है पीआईआरपी में भी और सीआईआरपी में भी। और मैंने आपको बताया बच्चों जो सीआईआरपी है वो आपका कौन से मॉडल पर चलता है? सीआईआरपी चलता है क्रेडिटर इन पोजेशन, मतलब अगर कंपनी का केस सीआईआरपी में एडमिट हो गया तो इस कंपनी का फेट क्रेडिटर्स डिसाइड करेंगे, पर बच्चों अगर कंपनी का केस पीआईआरपी के हिसाब से चलता है तो जो पीआईआरपी का मॉडल है वो इंस्पायर्ड है डेटर इन पोजेशन। मतलब आज अगर किसी एमएसएमई से किसी का डिफॉल्ट हो जाता है, क्रेडिटर्स का डिफॉल्ट हो जाता है, तो लॉ कहता है जी डेटर क्रेडिटर, मैं नाम दे रहा हूं एमएसएमई लिमिटेड, कि एमएसएमई लिमिटेड अगर आपसे किसी का डिफॉल्ट हो जाए तो अगर आपका केस सीआईआरपी में चला जाएगा तो आपकी कंपनी का फिर क्रेडिटर्स डिसाइड करने वाला। तो सीआईआरपी में जाने से पहले आप एक काम करो, आप पीआईआरपी में आ जाओ, और पीआईआरपी में आप क्या करोगे, एमएसएमई लिमिटेड, आप एक काम करो, आप ना अपनी तरफ से एक प्लान बनाकर लाओ और आप अपने क्रेडिटर्स को समझाओ कि आपकी हालत खस्ता चल रही है, कोविड के झटके आपको झेलने पड़े और आपसे डिफॉल्ट हो आपको पता है, पर आप उनसे कह रहे हो जी मेरा केस ना सीआईआरपी में नहीं जा रहा, मैं चाह रहा हूं पीआईआरपी में चले, मेरी कंपनी मेरे कंट्रोल में रहे और मेरी कंपनी का क्या कैसे होगा ये मैं डिसाइड करूं, मैं ही सबसे अच्छे से अपनी कंपनी जानता हूं। तो यहां पर एमएसएमई आप अपनी तरफ से एक प्लान बनाकर लाइए और आप ये प्लान उनके आगे सबमिट करिए, और अगर आपके क्रेडिटर्स और एनसीएलटी को ये वाला प्लान समझ में आ गया तो आपकी इंसॉल्वेंसी रिजोल्व हो जाएगी। और ये इंसॉल्वेंसी बच्चों किसने रिजोल्व करवाई? उस कंपनी ने खुद। दैट इज इस वाले मॉडल में मैं कहूं तो क्रेडिटर इन पोजेशन पर काम ना करके हमने काम किस मॉडल पर किया, डेटर इन पोजेशन। सबसे पहले आपको यही समझना है कि ये आया क्यों। तो बच्चों ये लाया एमएसएमई के लिए गया ताकि डेटर का अपनी कंपनी का पोजेशन बना रहे और वो खुद से इंसॉल्वेंसी की रिजोल्व करने की कोशिश करे, इसलिए वो खुद से एक प्लान बनाकर लाएगा। और बच्चों ये क्या है, एक बेस प्लान। तो इस प्लान को हमने नाम भी क्या दिया, बेस रिजोल्यूशन प्लान। तो जी अगर कोई एमएसएमई पीआईआरपी के रास्ते पर चलना चाह रही है उसे अपनी तरफ से प्लान बनाकर लाना होगा जिसे हम कहेंगे बेस रिजोल्यूशन प्लान। और अगर ये प्लान रिक्वेस्टेड अप्रूवल पा जाता है तो ये इंसॉल्वेंसी हो जाएगी रिजोल्व और डेटर का अपनी कंपनी पर कंट्रोल बना रहेगा। तो यहां पर डेटर ही बताएगा कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होगा, प्लान कैसे सबमिट होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपका पोजेशन आपकी कंपनी पर बना रहा। तो एमएसएमई के फायदे के लिए इसलिए ये एक नया स्टेप लाया गया जिसे हमने क्या बोला बच्चों, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान। और अब आप नाम भी समझ पा रहे हो इसे प्री पैकेज्ड क्यों बोला गया, क्योंकि यहां पर डेटर अपनी तरफ से पहले से ही एक पैकेज तैयार करके लाएगा और वो क्रेडिटर्स को बोलेगा जी मैं इस तरीके से आपका पैसा इन इंस्टॉलमेंट्स में चुकाने को तैयार हूं, आपका इतने पैसे पर आपको हेयर कट लेना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, पर आप अपनी तरफ से एक बेस रिजोल्यूशन प्लान बना करके लाओगे। इसके लिए बच्चों ये पीपीआईआरपी या पीआईआरपी का नया फ्रेमवर्क आया। और बच्चों यही हमारा लास्ट स्टेप भी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब यहां पर दिक्कत क्या बच्चों, ये इंटेंशन तो अच्छी थी जैसा मैंने आपको बताया, पर अब दिक्कत क्या हुई, आपने बच्चों सीआईआरपी का पूरा सेक्शन पढ़े, सारे प्रोविजंस पढ़े, सारी स्टेजेस देखी, क्या बच्चों ऑलमोस्ट इस टाइप की स्टेजेस पीआईआरपी में भी होगी? द आंसर इज यस। तो
तो ऑलमोस्ट जितना समय आप सीआईआरपी का पूरा ये प्रोसेस समझने में लगाते हो, ऑलमोस्ट वैसा डुप्लीकेटेड प्रोसेस आपका पीआईआरपी के लिए आ गया, क्योंकि उसके लिए आईबीसी में नया सीरीज ऑफ चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया, चैप्टर 3 है। तो आपका ये जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का पार्ट 2 है, इसमें एक चैप्टर 3 है डाला गया, जिसमें सेक्शन 54A टू 54P, ये थोड़े से सेक्शन एडिशनली इंसर्ट किए गए हैं पीआईआरपी। और सीए फाइनल में इंस्टीट्यूट ने इन सारे सेक्शन को आपके स्टडी मैट में भी रिटेन किया हुआ है। तब दिक्कत क्या आती है बच्चों, सीआईआरपी का वो पूरा प्रोसेस पढ़ने के बाद अगर आप पीआईआरपी का पूरा प्रोसेस सेक्शन वाइज पढ़ने लग जाओगे, अंडरस्टैंडिंग तो आपकी हो जाएगी, बट लास्टली आप सब कुछ मिक्सअप करके ना आ जाओ, क्योंकि आपने जितनी टाइमलाइंस, जितनी लिमिट्स सीआईआरपी में पढ़ी है, उसी टाइप की टाइमलाइंस लिमिट्स पीआईआरपी में आएंगी, और दोनों को पढ़ने के बाद आप सब कुछ मर्जअप ना कर दो, उस चीज का मेरे को सबसे ज्यादा फियर है। इसलिए मैंने अपनी तरफ से आपको क्लासेस में बताया था कि जो पीआईआरपी का प्रोसेस है उसको मैंने कोशिश करके समराइज करने की कोशिश करी, ऐसे एक पेज के डायग्राम में। तो आपका पूरा पीआईआरपी आई हैव ट्राइड टू समराइज इन दिस वन पेज डायग्राम, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसको समझने के बाद आपको पीआईआरपी का पूरा प्रोसेस और फ्रेमवर्क समझ में आ जाएगा। और अगर पेपर में इस पर सवाल आते हैं, जैसा कि मई 2022 के पेपर में आया भी था, आई एम प्रीटी श्योर उसको आप इजिली टैकल कर पाओगे। बाकी अगर आप डिटेल में सारे सेक्शन पढ़ना चाहते कर सकते हो, बट आई हैव ट्राइड टू समराइज ऑल दीज प्रोविजन। तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी यही है कि पीआईआरपी के प्रोसेस को समझना। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो कि पीआईआरपी आया किसके लिए, एमएसएमईज के लिए। 10 लाख से 1 करोड़ का डिफॉल्ट है, पीआईआरपी का ही रास्ता है, पर अगर उससे ज्यादा का डिफॉल्ट है, आपके पास दो अल्टरनेट रास्ते हैं, आप सीआईआरपी में भी जा सकते हो, पीआईआरपी में भी जा सकते हो। तो सर अगर डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है, सीआईआरपी में जाएं या पीआईआरपी में जाएं? और अगर दोनों पे हम पीआईआरपी में जाना चाह रहे हैं, उधर से क्रेडिटर ने सीआईआरपी फाइल कर दिया, तो क्या होगा? दैट इज हम किसको प्रायोरिटी दें, सीआईआरपी को या पीआईआरपी को? तो बच्चों उस चीज को भी लॉ मेकर ने क्या क्लेरिफाई, उन्होंने क्या कहा कि आज अगर आप पहले खुद से पीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल कर देते हो, मतलब एमएसएमई लिमिटेड जाकर कहती है एनसीएलटी लो मेरी पीआईआरपी की एप्लीकेशन, और आपका क्रेडिटर भागा भागा सीआईआरपी की एप्लीकेशन लेकर आता है, तो एनसीएलटी सीआईआरपी की एप्लीकेशन को पहले एडमिट नहीं करेगा, एनसीएलटी पहली प्रेफरेंस किसको देगा, पीआईआरपी को। दैट इज पीआईआरपी में एनसीएलटी कहेगा पहले मैं कोशिश करूंगा पीआईआरपी से काम चल जाए, नहीं हुआ तो सीआईआरपी की बात आई। मतलब अगर पीआईआरपी रहते हुए सीआईआरपी की एप्लीकेशन है, एनसीएलटी रुक जाओ, पहली प्रेफरेंस है पीआईआरपी की। अगली बात आई बच्चों, अगर सीआईआरपी की एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल हो चुकी थी, एनसीएलटी कह रहा है एमएसएमई में फिर भी तेरे को मौका दे रहा हूं, देख तेरे क्रेडिटर ने ना सीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल कर दिया, पर अगर तू भागा भागा अगले 14 डेज में आ जाता है पीआईआरपी की एप्लीकेशन लेकर, तो मैं तेरी एप्लीकेशन को ज्यादा वेटेज दूंगा। मतलब आज अगर एमएसएमई लिमिटेड डिफॉल्ट कर दे, क्रेडिटर सीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल कर दे, और एमएसएमई लिमिटेड खुद से एक बेस रेजोल्यूशन प्लान बनाकर अगले 14 डेज में ले जाता है, तो एनसीएलटी कहता है जी ठीक है मैं पहली प्रेफरेंस ना पीआईआरपी प्री पैकेज्ड वाले को दूंगा, बिकॉज ये एमएसएमई है। पर सर अगर हम 14 डेज के बाद पहुंचे, तो एनसीएलटी कहता है जी सॉरी एमएसएमई लिमिटेड आपको फायदा तो है, पर एक लिमिटेड टाइम के अंदर आओ, अगर आप लेट हो गए फिर मेरे को सीआईआरपी में ही आपका केस चलाना पड़ेगा। तो ये दोनों अल्टरनेट रास्ते आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, आई होप दैट इज क्लियर। एंड विद दिस वी आर गोइंग टू नाउ स्टार्ट कि सर ये पीआईआरपी का फ्रेमवर्क एग्जैक्टली काम करेगा कैसे। तो बच्चों ये इसका एक वन पेजर डायग्राम आ रहा है जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग पीआईआरपी। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं पूरा डायग्राम, भैया फुल स्क्रीन कर देना। तो ये आपका एक पूरा डायग्राम आ रहा है जिसमें मैंने पीआईआरपी का फ्रेमवर्क पूरा समराइज करने की कोशिश करी है, एंड आई एम श्योर अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपके लिए पीआईआरपी समझना टफ नहीं होगा। चलिए बच्चों, तो ये जो हमारा प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पीआईआरपी है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ लोग इसको पीपीआईआरपी बोलते हैं, मैं इसको पीआईआरपी बोल रहा हूं, और जितनी भी बातें हमारी सेक्शन 54A टू पी से निकल करके आ रही है। तो बच्चों ये जो रास्ता है पीआईआरपी का, ये किसके लिए हमारी सरकार लेकर के आई, एमएसएमई के लिए। एमएसएमई का मतलब जो एमएसएमई एक्ट के हिसाब से एमएसएमई होगी, और अगर उन्होंने कम से कम 10 लाख रुपए का डिफॉल्ट किया तो ये वाली एमएसएमई पीआईआरपी के रास्ते पर चल सकती है। ये अपनी तरफ से पहले से एक प्री पैकेज्ड बेस प्लान बनाकर लाएगी और अपनी इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। पर अगर ये एमएसएमई पीआईआरपी के रास्ते पर चलना चाहती है तो उसकी कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशन? सबसे पहला, आपको अपने मेंबर से जनरल मीटिंग में बाय वे ऑफ एसआर अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेकंड, आपको अपनी तरफ से प्री पैकेज्ड बेस रिजोल्यूशन प्लान बना करके लाना है जिसके हिसाब से आप अपने क्रेडिटर्स को रीपे करने की कोशिश करोगे और अपनी इंसॉल्वेंसी को आप खुद से रिजोल्व करना चाहते हो कंपनी को अपने कंट्रोल में रखते हुए। अगला स्टेप क्या कह रहा है, द प्रपोज्ड आरपी इज आल्सो डिसाइडेड बाय कॉर्पोरेटर, कि कंपनी एमएसएमई लिमिटेड आप खुद से डिसाइड करना कि आप किस सीएस आपको अपना आरपी अपॉइंट करना चाह रहे हो पूरे पीआईआरपी के फ्रेमवर्क पे। तो यहां पर खास बात क्या है बच्चों, आरपी डेटर द्वारा खुद अपॉइंट हो रहा है। नॉर्मल सीआईआरपी में आरपी का फाइनलाइजेशन कौन कर रही थी, सीओसी, पर यहां पर कंपनी खुद से एक आरपी को अपॉइंट कर रही है। अगली बात,
यहां पर आपको इस रास्ते पर चलने से पहले अपने क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। और कौन से क्रेडिटर्स का? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का 66% बाय वैल्यू, और कोरम यहां भी कितनी है बच्चों? 33%। तो आप फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की एक मीटिंग बुलाइए कोरम में, दैट इज मीटिंग में कम से कम 33% प्रेजेंट रहने चाहिए। जो मीटिंग में आए हैं उनका 66% का अगर अप्रूवल आपको पहले ही मिल गया तो आप इस रास्ते पर चल पाओगे। मतलब यहां पर होता क्या होगा बच्चों, कंपनी अपनी तरफ से एक प्लान रेडी करती होगी, अपने क्रेडिटर्स को इंटीमेट करती होगी, देखिए जी हम PIRP के रास्ते पर चलना चाहते हैं, आप एग्री कर जाएं तो हम इस रास्ते पर आगे बढ़े। तो यहां पर आपको प्रायर अप्रूवल अपने क्रेडिटर्स से भी लेना है। एंड लास्टली बच्चों, एप्लीकेशन फॉर PIRP फाइल्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटर, और फिर आप NCLT के पास जाएंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और NCLT बच्चों अगले 14 डेज में डिसाइड करेगा कि आपकी एप्लीकेशन एडमिट करनी है या नहीं। अगर NCLT ने बच्चों यही इसी स्टेज पर आपकी एप्लीकेशन एडमिट करने से मना कर दिया तो क्या होगा? आपका PIRP का प्रोसेस यहीं पर समाप्त हो जाएगा, यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। पर बच्चों अगर NCLT ने आपकी एप्लीकेशन एडमिट कर ली, मतलब अब आप PIRP के रास्ते पर चलने को तैयार हो, और इसी डेट को बच्चों हम क्या मानेंगे? PIRP कमेंसमेंट डेट, और इसको हमने नाम क्या दे दिया? डेट टी। तो दिस इज योर डेट टी, इस दिन आपका PIRP का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आपका NCLT में केस आ चुका है, PIRP का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, RP ऑलरेडी अपॉइंटेड है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का 66% का अप्रूवल आ गया था, मेंबर्स SR पास हो चुका है। अब बच्चों जैसे ही PIRP कमेंस होगा, अगले 2 दिन के अंदर अंदर कॉर्पोरेट डेटर को क्या करना है? कॉर्पोरेट डेटर जो RP है, जो CA साहब है, उसे कुछ चीजें सबमिट करेंगे। क्या क्या चीजें? एक तो सारे क्लेम्स कि जो हमारे बुक में इतने क्रेडिटर्स आ रहे हैं, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जिसमें कंपनी का बेसिक ब्यौरा आएगा, एक बेस रिजोल्यूशन प्लान जो उन्होंने सबमिट किया था NCLT के पास, वो RP को भी दिया जाएगा। और उसके बाद बच्चों RP क्या करेगा? RP देगा एक पब्लिक अनाउंसमेंट कि देखिए जी ये जो MSME लिमिटेड है, इसका PIRP का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इसका बेस रिजोल्यूशन प्लान मेरे पास आ चुका है, ये इसका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है। RP यहां पर एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा। और बच्चों यहां पर RP अगले 7 दिन में किसका गठन कर रहा है? COC, दैट इज COC। तो बच्चों यहां पर भी बनेगी, और जैसे ही बच्चों मैंने कहा COC बनेगी, आपके मन में थोड़ा सा खटका हो गया, COC का यहां पर क्या काम? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यहां पर क्यों आ रही है जब अल्टीमेटली ये पूरा मॉडल ही डेटर इन पोजेशन पर बेस्ड है? तो बच्चों यही एक चीज है जो मुझे भी खटकती है, और यही एक पॉइंट है जो आप इसी फ्रेमवर्क में आगे समझोगे, जिसकी वजह से PIRP प्रैक्टिकली उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि MSME लिमिटेड कंपनी लेकर के आई थी PIRP में ताकि मेरी कंपनी मेरे कंट्रोल में रहते हुए उसकी इंसॉल्वेंसी रिजोल्व हो जाए। पर यहां ये जो COC बनाई जा रही है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है समझते हैं। तो बच्चों यहां पर RP ने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई, और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के आगे उस बेस रिजोल्यूशन प्लान को सबमिट किया कि देखिए भाई MSME लिमिटेड ने क्रेडिटर्स ये एक बेस रिजोल्यूशन प्लान बनाया है, और ये मैं आपके आगे सबमिट करता हूं। अब जैसे ही बच्चों कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के आगे प्लान आएगा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को यहां पर कुछ चीजें चेक करनी है। तो आरपी और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स मिलकर क्या चेक करेंगे? सबसे पहली बात जो यहां पर चेक होनी है, क्या होनी है कि जो MSME लिमिटेड का बेस प्लान है उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का जो पैसा वो इंपेयर ना हो। मतलब ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को यहां पर कोई हेयर कट ना लेना पड़े, जो MSME लिमिटेड है वो अपने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का पूरा पैसा पे करे। अगर उनके क्रेडिटर्स को कोई हेयर कट नहीं लेना, दैट इज बेस रेजोल्यूशन प्लान इंपेयर्स क्लेम्स ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर, अगर नहीं कर रहे बहुत बढ़िया, फिर हम जाएंगे COC के पास। और अगर COC ने भी बेस रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया, फिर हम वो प्लान लेकर NCLT के पास जाएंगे, और NCLT का भी अगर अप्रूवल आ गया तो बच्चों हमारा PIRP का फ्रेमवर्क सक्सेसफुल हो जाएगा। और आपने क्या देखा, NCLT के पास हमें कितने दिन में आने? 90 दिन में। और ये 90 दिन काउंट कहां से आ रहे थे? TF डे। तो ये जो PIRP का फ्रेमवर्क है बच्चों कितने दिन तक चल रहा है? 90 दिन। मोटा मोटा आपने प्रोसेस क्या समझा? PIRP शुरू हुआ, कंपनी ने RP को सारी चीजें सबमिट करी, RP ने क्लेम्स मंगाए, COC का गठन किया, COC का गठन करने के बाद उसने चेक किया कि जो बेस प्लान है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का कोई भी पैसा वहां पर ना इंपेयर हो रहा हो, और साथ ही साथ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल आ जाए। अगर ये दोनों काम हो गए उसके बाद वो NCLT के पास जाएगा, और अगर NCLT ने भी अप्रूवल दे दिया PIRP का प्रोसेस आपका सक्सेसफुली रिजोल्व हो जाएगा। और ऑब्वियसली अगर NCLT ने अप्रूवल नहीं दिया तो आपका PIRP हो जाएगा टर्मिनेट। तो ये ब्रॉड प्लान या ब्रॉड प्रोसेस रहता है। बस इस प्रोसेस में दिक्कत कहां है बच्चों? इन 2 स्टेप्स पे। सर व्हाट इफ MSME लिमिटेड ने जो बेस रिजोल्यूशन प्लान बनाया उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इंपेयर हो रहे थे, या जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के आगे हमने बेस प्लान सबमिट किया, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने कह दिया नहीं जी MSME लिमिटेड आपके इस प्लान में मजा नहीं आ रहा, आप तो हमारा पैसा ही नहीं चुकाना चाह रहे, हमारा अमाउंट 5 करोड़ है, आप हमें सिर्फ 2 करोड़ दे रहे हो, हमें तो आपका बेस प्लान समझ में नहीं आता है। दैट इज जो कंपनी ने खुद से एक बेस प्लान बनाया अगर उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर इंपेयर हो रहे हैं, या कमेटी ऑफ क्रेडिटर को वो प्लान समझ में नहीं आया, अब बच्चों यहां पर होगी लड़ाई स्टार्ट। और ये जो लड़ाई है यही रीजन है कि क्यों ये PIRP का फ्रेमवर्क MSMEs के लिए उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लड़ाई क्या स्टार्ट होगी भाई? अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स यहां पर इंपेयर हो रहे थे
या कमेटी ने बेस प्लान अप्रूव नहीं किया तो अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कहेगी हटो जी साइड बैठो, कंपनी जो तुम खुद से प्लान बनाकर लाई हो तुम कह रही हो तुम हमारे 5 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ दे पाओगे, एक बार हम चेक कर ले क्या पता मार्केट में कोई दूसरा पर्सन आपकी कंपनी के ज्यादा पैसे देने को तैयार हो। दैट इज यहां पर बच्चों मंगाए जाएंगे ऑल्टरनेटिव रिजोल्यूशन प्लान। और एमएसएमई मुंह ताके देख रही है कि जी मैं तो पीआईआरपी के रास्ते पर इसलिए चल रही थी कि मेरे प्लान के हिसाब से इंसॉल्वेंसी रिजोल्व हो जाए, पर अल्टीमेटली मेरी कंपनी का फेट इनडायरेक्टली कौन डिसाइड कर रहा है? क्रेडिटर। क्योंकि अगर क्रेडिटर को यह प्लान समझ में नहीं आ रहा तो क्रेडिटर किसी और से प्लान मंगवा सकते हैं, और अगर कोई दूसरा बंदा लाकर एक बेटर प्लान सबमिट कर देगा फिर ये पूरा प्रोसेस डेटर के कंट्रोल में रहा ही नहीं। एंड दिस इज द रीजन बच्चों व्हाई पीआईआरपी का फ्रेमवर्क उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देख लेते हैं बच्चों यहां पर क्या कह रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं जी कमर्शियल्स ऑफ बेस रिजोल्यूशन प्लान आर डिस्क्लोज्ड और यहां पर मंगवाए जाते हैं बच्चों ऑल्टरनेट प्लान। अब लेट सपोज बच्चों क्रेडिटर्स का क्लेम था 5 करोड़ का, कंपनी ने बेस रिजोल्यूशन प्लान खुद से बनाया और उन्होंने कहा जी हम 2 करोड़ पे करने को तैयार है, आगे से कुछ लोग इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए इंटरेस्टेड थे और वो अल्टरनेट प्लान बनाकर लाए और कह रहे जी क्रेडिटर चिंता मत करो हम तो आपके 1.8 करोड़ पे कर देंगे। दैट इज जो अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन प्लान बच्चों आया वो बेस रिजोल्यूशन प्लान से घटिया था, बेकार था। तो बेस रिजोल्यूशन प्लान में ज्यादा रिकवरी हो रही थी, अल्टरनेट में कुछ नहीं हो रही थी। तो बच्चों ऐसे केस में तो सीओसी ऑब्वियसली किसको अप्रूव कर देगी? बेस रिजोल्यूशन प्लान को। और फाइनली अगर एनसीएलटी का भी अप्रूवल आ गया तो आपका पीआईआरपी सक्सेसफुल है। पर बच्चों यहां पर आया अल्टरनेट रिजोल्यूशन प्लान और अल्टरनेट रिजोल्यूशन प्लान जो आया अल्टरनेट रिजोल्यूशन प्लान में वो कह रहे जी हम ना आपके 3.5 करोड़ पे कर देंगे। दैट इज जो अल्टरनेट रिजोल्यूशन प्लान है वो बेस रिजोल्यूशन प्लान से बेटर है और बहुत ज्यादा बेटर है। और सीओसी को पता है बेस रिजोल्यूशन प्लान चाहकर भी शायद अल्टरनेट रिजोल्यूशन प्लान के लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता। मतलब जो अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन प्लान है वो बेस रिजोल्यूशन प्लान से बेटर है और एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज्यादा बेटर है। वो स्पेसिफाइड परसेंटेज रेगुलेशंस में दी गई है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो बच्चों ऐसे केस में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स किसको अप्रूव करेंगे? ऑब्वियसली अल्टरनेट रिजोल्यूशन प्लान को। और अगर एनसीएलटी का भी फाइनल अप्रूवल आ गया तो ये कंपनी सामने वाला पर्सन ले जाएगा और एमएसएमई लिमिटेड का प्रमोटर बैठता देख रहेगा। पर यहां पर बच्चों एक तीसरा और आखिरी केस क्या आया कि अल्टरनेट रिजोल्यूशन प्लान आया और उसमें क्रेडिटर क्या कह रहे हैं जी वो सॉरी अल्टरनेट रिजोल्यूशन प्लान में रिजोल्यूशन एप्लीकेंट करे क्रेडिटर्स हम ना आपके 2.02 करोड़ पे कर देंगे। मतलब वो अल्टरनेट प्लान लेकर के आए हैं, वो बेस प्लान से बेटर भी है पर वो बेस प्लान से ना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब जो डिफरेंस बेस प्लान और अल्टरनेट प्लान में वो बहुत ही माइन्यूट है। तो ऐसे केस में क्रेडिटर्स क्या कहते हैं कि जी जिस प्रमोटर की ऑलरेडी वो कंपनी है जो बेस रिजोल्यूशन प्लान बनाकर लाए हमें उसे मौका देना चाहिए क्योंकि वो 2 करोड़ पे करने को तैयार है, दूसरा पर्सन 2.02 दे रहा है तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो हमें इस प्रमोटर से इमीडिएटली इसकी कंपनी नहीं छीननी चाहिए। इसके बाद क्रेडिटर्स क्या करेंगे? दोनों में कराएंगे टग ऑफ वॉर और यहां पर चलेगा बच्चों एक स्विस चैलेंज मेथड। दैट इज दोनों की तरफ से लगेंगी बोलिया। बेस रिजोल्यूशन प्लान वाला प्रमोटर कहेगा ठीक है जी मैं 2.05 देने को तैयार हूं, ये कहेगा मैं 2.1 देने को तैयार हूं, ये कहेगा 2.15 देने को तैयार हूं, ये कहेगा मैं 2.2 देने को तैयार हूं, वो कहेगा 2.25 देने को तैयार हूं। एंड फाइनली बच्चों जो यहां पर ये पूरा स्विस चैलेंज मेथड में अपनी बोलियां बोलता जाएगा और फाइनली जिसकी बोली सबसे अच्छी होगी कंपनी उसकी। दैट इज यहां पर अब अल्टरनेट प्लान और बेस प्लान के बीच में चलेगा स्विस चैलेंज एंड फाइनली बच्चों जो विनिंग प्लान होगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर उसे अप्रूव कर देगी और फाइनली अगर एनसीएलटी का भी अप्रूवल आ गया तो पीआईआरपी का प्रोसेस सक्सेसफुल है। एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं आया तो उस केस में आपका पीआईआरपी का प्रोसेस हो जाएगा टर्मिनेट। एंड दिस इज ऑल अबाउट बच्चों आईबीसी फ्रॉम माय साइड। तो जो ये हमारी आईबीसी की पूरी रिविजनरी क्लास थी एंड मैं कहीं पर भी बहुत ज्यादा फास्ट गया उसके लिए आई एम सॉरी बिकॉज ये रिविजनरी क्लास है तो हमें थोड़ा फास्ट पेस पर रिविजन करनी होती है। रेगुलर बैच में तो हम शायद 6-7 क्लास लगाकर ये सारी बातें समझते हैं पर यहाँ एक क्लास के ड्यूरेशन के अंदर अंदर हमने पूरा आईबीसी यहाँ पर रिवाइज किया है। बट आई एम होपफुल ये क्लास आपको पसंद आई हो, ये क्लास आपको हेल्पफुल रहे और आपकी एग्जामिनेशन के रिविजन में आपको डेफिनेटली मदद करे। लास्टली ये कहूंगा आपका जैसा भी फीडबैक इस क्लास के लिए है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये जो 3 घंटे की हम मेहनत करते हैं ये आप ही के कमेंट्स के लिए करते हैं कि आपसे पता तो चले कि हाँ ये फ्रूटफुल कितनी ज्यादा क्लास आपके लिए रही है। तो आप अपने कमेंट्स जरूर बताना, पॉजिटिव नेगेटिव कोई पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट वर्किंग एरियाज आपको लगे आप वो डेफिनेटली बता सकते हो बट कमेंट्स आप जरूर करना, उससे मेरा आगे की रिविजनरी वीडियोज का जो पाथवे वो ड्राफ्ट हो पाता है। तो इसी तरीके से बच्चों लगे रहिए एंड आई होप यू एंजॉयड दिस आईबीसी की रिविजन क्लास। बाकी आगे इसी टाइप से हम मिलते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। विश यू ऑल द सक्सेस। टेक केयर। बाय बाय।